वेलकम 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 क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों यारों प्यारो दिलदारो कैसी चल रही है ज़िंदगी और क्या हो रहा है लाइफ में पता है आपको ये लास्ट एग्ज़ाम आ गया है देखते ही देखते पता भी नहीं चला ना कि कैसे आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और अब आप पहुंच चुके हैं अपने लास्ट एग्ज़ाम की ओर जी हाँ जी हाँ जी हाँ आप सपना नहीं देख रहे हैं ये सब कुछ सच में हो रहा है कि अब आप अपने एफ एम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एफ एम ई को एग्ज़ाम अब आपका अब से लगभग लगभग फोर्टी टू आवर्स बाद होने वाला है लगभग लगभग फोर्टी टू आवर्स अब बचे हैं हमारे पास फोर्टी फाइव भी नहीं बचे तीन घंटे निकल चुके हैं आपके पास अब फोर्टी टू आवर्स बचे हैं जी हाँ स्टार्ट करेंगे धमाकेदार सेशन होगा बहुत बढ़िया तरीके से मैं दो सेशंस में एफ़ एम पढ़ाऊँगा आपने अच्छा बिहेव किया वीडियो को लाइक किया दोस्तों के साथ शेयर वेयर किया मैं खुश हुआ मोग्बो अगर खुश हुआ तो फिर ईको की भी रिविजन सेशन होगी लेकिन पहले कमिटमेंट जो है वो एफ के दो रिविजन सेशंस की है और आई होप कि आप इन सेशंस को सक्सेसफुल बनाएंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए कर दूं कि दोस्तों हम अपनी जो क्लासेस है हमारी एडियू नाइन वन पे वो लाइव बैचेस लेकर आ रहे हैं मैं और नवंबर 24 के लिए आपके लिए वैलिड नहीं है आप तो पास हो जाएंगे आपको चिंता की बात नहीं है आ, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं जो मई 24 और नवंबर 24 में एग्ज़ाम देने वाले हों चाहे वो एग्ज़ाम ऑडिट uh, का हो एस का हो एफ का हो यानी ग्रुप टू के लाइव बचेज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप ग्रुप टू के लाइव बैचेज़ में अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे और मैं ये इतने हक़ से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं तो एडवर्टीज़मेंट के पैसे आपसे रिकवर करके औरों के लिए नहीं खर्च कर रहे हैं इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है आप जाएं और अपने जूनियर्स को बता दें पर पहले अभी पढ़ाई पे हम लग जाते हैं किसी कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है सेल हमारी ऑन है बता देना बस अपने जूनियर्स को बता देना ये बात कि सेल ऑन है और बैचेस बहुत डिस्काउंटेड प्राइजेस पर अवेलेबल है ठीक है जी थम्स अप है आज का पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ मुझे कोई लेना देना ही नहीं है ठीक है जी नोट्स अच्छा देखो भाई नोट्स की बात चल रही है चलो आज के प्लान की बात करते हैं हम अपने आज के रिवीजन प्लान के बारे में बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं आज मैं आपको लगभग लगभग एफएम में 8 चैप्टर है मेरा टारगेट है 5 से 6 चैप्टर्स मैं आज कवर करा दूं 5 तो करा ही दूं और इन जो पाँच या छः चैप्टर्स कराऊंगा इनके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा नीरज सर वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा सेशन ख़त्म होते ही जी हाँ सेशन खत्म होते ही नीरज सर के टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स डाल दूंगा तो आपने नोट्स लिखने नहीं है सिर्फ आपने बैठना है आनंद उठाना है कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से कराऊंगा मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एंड फ्यू क्वेश्चनस कॉन्सेप्ट एंड फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल क्यों मॉड्यूल को उठा रहे हैं क्योंकि मॉड्यूल सबके पास होगा जो स्टडी मटेरियल है ना आई सी आई का अब का को कोई ऐसा बच्चा है जो हमसे नहीं पढ़ा है तो हम उसे ज़बरदस्ती अपनी बुक ना थोपें उसे हम स्टडी मैट से कराएं तो इसलिए जो रिविज़न होगी वो स्टडी मैट से होगी बोलिए मेरी बातचीत समझ आ गई ठीक है जी आइए आरम्भ किया जाए आकांक्षा और हर्ष जिंदल ने सही तरीके से चैट को संभाल रखा है ये मॉडरेटर्स हैं आपके सीनियर्स हैं और हर्ष तो फाइनल के बैच में भी आते हैं और आज उनकी क्लास नहीं हो रही है आपकी क्लास की वजह से इसलिए बहुत खुश भी है वो उनकी ए की क्लास आज छुट्टी है और इसीलिए वो बड़े मज़े में चल रहे हैं आज ठीक है जी आइए स्टार्ट करते हैं मालिक आ, मलिक यह मालिक जो भी भगवान ने आपका नाम रखा है मालिक ही रखा होगा शायद सर आई हैव डाउट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईसीआई क्वेश्चन नंबर फाइव वाई वन ट्वेंटी फाइव टेकन इंस्टेड वन थर्टी फॉर द इक्विटी शेयर इस पर बात करेंगे लेकिन जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे अभी हम पहले लिवरेज चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करें क्या आप सब तैयार हैं जरा मुझे जल्दी से बता दो क्या आप सब तैयार हैं एक बार है? ज़रा जल्दी से बता दो क्या आप सब लोग लाइव रिविजन के लिए तैयार हैं और कितने बच्चे पूरा सेशन अटेंड करेंगे देखो भैया वही लोग बैठो जो पूरा सेशन अटेंड करेंगे ये वार्म अप वार्म अप के बाद आधे घंटे बाद गायब हो जाने वाले घर में बैठ के रात को पोहा बनाने वाले वो नहीं चाहिए हमें 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 चाहिए भैया जो पूरा पढ़ेंगे ईमानदारी से बताओ कौन कौन पूरे सेशन के लिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत जान लगाकर पढ़ाने वाला वालों चार पाँच घंटे में पाँच पाँच पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा दूंगा जरा जल्दी जल्दी से अपना नाम और अपनी सिटी का नाम बता दो ताकि मुझे ही पता चले कि इन लोगों ने हाजिरी लगा दी है भैया इन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखा दी है अपना नाम और अपनी सिटी का नाम बता के नाम और सिटी का नाम दोनों लिखने हैं ज़्यादा नीचे मांगना रेडी सर आई विल डू इट ये सब नहीं नाम और सिटी का नाम दोनों लिख दो बस उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद एक भी मिनट और नहीं लगाऊंगा और एक बात बता दूँ ये सेशन ना काफ़ी काम के होते हैं ऐसा मुझे कई बच्चों ने बताया है कई बच्चों ने मुझे ऐसा बताया है कि ये सेशन बहुत काम के होते हैं और उन बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है ऐसे सेशन से पिछले जो हमने सीजनस में सेशन लिए हैं इनफैक्ट जो कॉस्टिंग का भी सेशन लिया था उसमें भी बच्चों ने बताया कि उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है ठीक है ना बस अब जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ मैंने ये आपको अब आखिर पढ़ानी है इंटर की पढ़ाई इसके बाद तो फिर सीधा फाइनल के ए एफ एम में मुलाकात होगी और अभी तक मैं फाइनल का ए एफ एम यूट्यूब पे ऐसे नहीं ला रहा था मैं यूट्यूब पर उसे भी लेकर आऊँगा लाइव सेशन मैराथन चैप्टर वाइज रिविजन आई सी आई के मॉड्यूल्स साथ ही साथ एग्जाम से पहले दो दिन वाली पढ़ाई सब कुछ एज़ इट इज़ अब हम फाइनल में भी लेकर आएंगे मे ट्वेंटी फोर से ये कमिटमेंट है भाई की आपकी ठीक है ना एफ एम पढ़ाता हूँ ए ठीक है जी लाइक कर दो इतने सारे बच्चे हैं लाइक कोई करता नहीं है मेरा मेरी मोटिवेशन का क्या होगा मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कभी कभी कि भाई कहाँ जाऊँ मैं अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो जल्दी से लाइक कर दो नाम आपने लिख दिया जिन्होंने पूरा सेशन अटेंड करना है उन्होंने बता दिया अपना नाम आ, कि कहाँ कहाँ से जैसे निशांत सिक्किम से बैठे हैं हमारे साथ ये पूरा सेशन अटेंड करेंगे ऐसे काफ़ी सारे बच्चों बता दें सब लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं आइए लिवरेज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे आइए मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट टाइम बता दिया मैंने अब आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सुनिए लिवरेजेस हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में मुझे पता है आपको इनकम स्टेटमेंट पता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी जब हम आसान टॉपिक पढ़ रहे होंगे जैसे हम थोड़े भारी टॉपिक पाएंगे मैं अपनी स्पीड खुद मैनेज कर लूँगा आप चिंता ना करें इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट हमें अच्छे से आती है कि एफ की तो बैकबोन है ये इसमें हम क्या करते हैं हम इसमें पहले सेल्स दिखाते हैं सेल्स में से वेरिएबल खर्चे को माइनस कर देते हैं जब हम वेरिएबल खर्चा माइनस कर देते हैं हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स खर्चों को माइनस करते हैं इन फिक्स्ड खर्चों को कहा जाता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ऑपरेटिंग फिक्स्ड, ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको आपने नोट्स लिखने नहीं है नोट्स में आपको दे दूंगा सेशन ख़त्म होते ही मैं ये सारे नोट्स कंप्रेस करके आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो चिंता ना करें लाइक रेशियो बढ़ा दे भाई बस लाइक नहीं बढ़ाते ना तो फिर दिल एकदम ऐसे होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मेरे जीवन का क्या पर्पस है मैं सेशन ले जा रहा हूँ पढ़ाई जा रहा हूँ बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूँ और बच्चा हमारे लाइव नहीं हमारे सेशन को ही नहीं लाइव कर रहा तो कैसे होगा बेटा कैसे दुनिया चलेगी वन थर्ड लाइक रेशियो कम से कम अब रेशियो भी पढ़ाऊंगा आज वन की तो लाइक रेशियो कर दो बेशर्मो और आपको तो पता है कि फिर वरना शराब कैसे मिलता है माता रानी कैसा शराब लगाती है पता है ना आपको आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करो सुनो तो हम बातचीत कर रहे हैं सेल्स से, देखिए है, सबसे पहले हम सेल्स दिखाते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो 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 कॉन्ट्रीब्यूशन के पास आ जाते हैं फिक्स खर्चे फिक्स खर्चे वो होते हैं जो ऑपरेटिंग फिक्स खर्चे हैं ये बिज़नेस करने के मुख्य खर्चे बिजनेस करने के मुख्य खर्चे का मतलब है कि ये खर्चे तो होंगे ही होंगे अगर आपने बिजनेस करना है अगर आप बिजनेस कर रहे और ये खर्चे नहीं करना चाहते तो भैया फिर बिज़नेस नहीं जैसे दुकान का किराया जैसे मैनेजर की सैलरी ये वो वाले खर्चे हैं जैसे रेंट मैनेजर सैलरी एक्सेट्रा इसे माइनस करने के बाद आ जाता है ई बी में से पहले जाता है इंटरेस्ट अब जो इंटरेस्ट है वो भी एक फिक्स खर्चा है इनफैक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स खर्चा है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स खर्चा है लेकिन ये दोनों ना बिजनेस के खर्चे नहीं है ये अगर ध्यान से बताऊं तो ये बिजनेसमैन की गरीबी के खर्चे हैं ये बिजनेसमैन की गरीबी के खर्चे हैं क्यों बिजनेसमैन की गरीबी के खर्चे बोलता हूं मैं ऐसे इसलिए मैं इन्हें बिजनेसमैन की गरीबी के खर्चे बोलता हूं क्योंकि ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स खर्चे हैं ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल फिक्स खर्चे फाइनेंशियल फिक्स खर्चों का मतलब ये होता है कि ये फिक्स खर्चे हैं लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर के हैं ये इसलिए हैं क्योंकि मान लो मैंने एक बिजनेस किया अब मेरे पास अपने पैसे नहीं थे तो मैंने इसलिए तो ब्याज पर पैसा लिया इसलिए तो प्रेफरेंस शेयर इशू करे क्योंकि मेरे पास अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था तो जब इक्विटी शेयर होल्डर के पास अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता वो प्रेफरेंस से पैसा उठाता है वो डेड से पैसा उठाता है इसलिए उन्हें उस पैसा देना पड़ता है जैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है तो ये गरीबी के खर्चे हैं दीज दीज आर आर कॉल्ड कॉल्ड फाइनेंशियल फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट ये मुख्य फिक्स कॉस्ट नहीं होती है बिजनेस करने की फिक्स कॉस्ट नहीं होती इसलिए इनका नाम है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट और जो मुख्य बिजनेस करने की फिक्स कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे लिवरेजेस बनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पे ऑपरेटिंग लिवरेज बनी है और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे फाइनेंशियल लिवरेज बनी है इस बात का खास ख्याल रखें ठीक है जी वीडियो को लाइक कर दो वरना भाई बैठ जाएगा आराम से फिर भाई मेरा भी दिल नहीं करेगा मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो अच्छे बाबू बनके प्यारा बाबू बनके वीडियो को एकदम धड़ा धड़ लाइक कर दो एकदम धड़ा धड़ सुनिए हम बातचीत कर रहे हैं कि हमने बताया आपको और अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के जवाब नहीं आए हैं उन बच्चों के जवाब नहीं आए हैं जो बच्चे ये बताएं कि वो हमारे साथ लाइव सेशन पूरा पढ़ने वाले हैं कि नहीं मैंने क्या कहा था कैसे मैं आपकी हाजिरी मैं बैठ के देखता हूँ बाद में कि किस किस ने हाजिरी लगाई थी और अंत तक कौन था मैं अभी एक बारी आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ रैंड में लूँगा अटेंडेंस कैसे देनी है अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखना है जैसे मैं लिखूँगा नितिन गुरु चैट पे कॉमा डेली ऐसे आपने अपनी अटेंडेंस देनी है और लाइक कर देना है अगर नहीं किया है तो मैं मान रहा हूँ कि भैया ना आप मेरे साथ प्रेजेंट ही नहीं हो मैं ये मान लूंगा वरना चलिए देखिए हम बातचीत कर रहे थे अर्निंग आफ्टर टैक्स के बारे में कि देखिए आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया आपने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया इन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स आ गई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर जो मालिकों के पास है ये पैसा बेचारे सबसे गरीब लोग होते हैं बचाव पैसा इन्हें मिलता है वैसे सबसे अमीर भी होते हैं क्योंकि अगर एंड में ज्यादा पैसा बचेगा तो सारा इन्हें मिल जाएगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स करके हम पे आ जाते हैं इस स्टेटमेंट में कोई लेना देना था नहीं बड़ी आसान सी स्टेटमेंट थी लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर लेवरेज का बेस छुपा है इस स्टेटमेंट के अंदर ही लिवरेजेस का बेस छुपा है इसलिए मैंने आपको ये रेशियो सबसे पहले बता दी है बोलिए मेरी बातचीत समझ आई है आपको आइए हम बातचीत करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर टू के बारे में देखिए बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स की कंसेप्ट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है कोई भी फिगर अगर हमारे पास बिफोर टैक्स है और हमें उसमें से टैक्स माइनस करना है तो हम सीधा वन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम बिफोर टैक्स वाली फिगर को वन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो फिगर ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स वाली फिगर हो जाती है मैंने क्या कहा दोबारा बताता हूँ अगर हम कोई भी फिगर बिफोर टैक्स वाली फिगर लेते हैं और उसमें से टैक्स अगर हम बिफोर टैक्स वाली फिगर लेते हैं उसमें वन माइनस टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आफ्टर टैक्स वाली फिगर आ जाती है एंड वाइसा वर्सा इसी तरीके से अगर हम आफ्टर टैक्स

क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जितना हम पे करते हैं उससे ज़्यादा महसूस होता है ज़्यादा क्यों महसूस होता है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जब हमें पे करना होता है तो उससे ना एक स्टेप पहले मैं दोबारा बोलता हूँ जब हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना होता है तो उससे एक स्टेप पहले हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए टैक्स पे किया होता है उस डिविडेंड को पे करने से पहले उस पैसे पर टैक्स दिया होता है इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड हमें महंगा महसूस होता है मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड महंगा महसूस होता है आइए ये सब प्रेफरेंस डिमेंट की बातें हो रही हैं अब आइए मेन लेवरेज के फॉर्मूलाज पे आते हैं देखिए लेवरेज होती हैं तीन तरीके की ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज कंबाइंड लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है ये मुख्य बिजनेस करने की रिस्क है ये मुख्य बिजनेस के जो फिक्स्ड खर्चे हैं उनका रिस्क है मैं रिपीट करता हूँ ये मुख्य बिज़नेस का जो फिक्स खर्चा है ये उसका रिस्क है जो मुख्य बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमें कितने फिक्स खर्चे हम कर रहे हैं उनका रिस्क है इसलिए इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट किया जाता है फिक्स खर्चा देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स खर्चा देने के बाद वाला पैसा

मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा तो इसे और एक फार्मूला से निकाला जाता है परसेंटेज चेंज जब किया जाता है तो ये पलट जाता है तो परसेंटेज चेंज इन ई e ऊपर आ जाता है और परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे आ जाता है और जो परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही परसेंटेज चेंज इन सेल भी होता है देखो क्योंकि जितने परसेंटेज कॉन्ट्रब्यूशन चेंज होगी उतने ही परसेंट सेल चेंज होगी क्योंकि ये सब वेरिएबल चलता है सेल वेरिएबल है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है कॉन्ट्रीब्यून वेरिएबल है क्योंकि ये सब सेम रेशो में चलता है तो परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्री कंट्रीब्यूशन दिया हो किसी क्वेश्चन में या फिर परसेंटेज चेंज इन सेल दिया हो बात एक ही होती है तो इसलिए डी के दो फॉर्मुले कौन कौन से बने दोबारा बताओ डी का फॉर्मूला बना कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी परसेंटेज में लिखोगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर इसे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल मतलब परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन को ही परसेंटेज चेंज इन सेल लिख सकते हैं क्या आप सभी को मेरी बातचीत समझ आ गई मैंने क्या कहा जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना बहुत बहुत बढ़िया तो आपको डी के दोनों के दोनों फॉर्मूले समझ आ गए और ये फॉमला क्या नापता है ये हमारी ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से इज होने वाले रिस्क को नापता है बेसिकली जितना ज्यादा डी ओ हाई होगा उतना ज्यादा कंपनी रिस्क पे है उतना ज्यादा कंपनी रिस्क पे है उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट है उसके ऊपर अब डी एफ एल की बात होती है तो देखो डी एफ एल में भी ऐसा ही है फाइनेंशियल फिक्स खर्चों के को देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाई फाइनेंशियल फिक्स खर्चों को देने के बाद वाला पैसा अच्छा मैं एक बता दूँ इस बार ही इंस्टीट्यूट ने अपनी लेटेस्ट एक पब्लिकेशन में आर टी पी या एम टी पी में प्रेफरेंस डिविडेंड में एक पंगा किया डिवाइड बाई वन माइनस टी नहीं किया गंदी बात करिए इंस्टीट्यूट अपने आंसर कभी कभी गलत छाप देता है उनके गलत आंसर को मत मानना प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड बाई वन माइनस टी इस वाले फॉर्मूला जरूर करना मैं दोबारा बोल रहा हूँ कितने बच्चों ने लोकेट की थी वो गलती और भैया वीडियो को लाइक कर दो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक वीडियो की लाइक रेशियो हंड्रेड क्यों नहीं पहुंच रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा देखो जिन बच्चों ने हंड्रेड अटेंड करना है वो लाइक करके चले मेरे साथ साथ ठीक है ना सुनिए गुनीत सही कह रहे रुकी मिस्टेक्स हैं गुनीत वही बच्चा है जिसके लास्ट टाइम कॉस्टिंग में हमारा ही स्टूडेंट है अब इस बार एफ एम का एग्जाम देने वाला है पिछली कॉस्टिंग का एग्जाम दिया था शायद कितने थे आपके नाइन्टी फाइव थे गुनीत या मेरे को ध्यान नहीं आ रहे आपके मार्क्स बता दीजिएगा मुझे चलिए आगे देखते हैं हम डी के बारे में बात करें डी का मतलब होता है फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के इम्प्लीन को स्टडी करना यानी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा तो हमने क्या किया फाइनेंशियल फिकस कॉस्ट देने से पहले का पैसा है ई यानी फाइनेंशियल खर्चे देने से पहले का पैसा इधर देखो स्टेटमेंट को देखो बेटा फाइनेंशियल खर्चे जो हम पे करते हैं ये हमारा फाइनेंशियल खर्चा है ये भी हमारा फाइनेंशियल खर्चा है ये दोनों हमारे फाइनेंशियल ये ये वाला इंटरेस्ट और प्रेफरेंस हमारे फाइनेंशियल खर्चे इन दोनों को देने से पहले वाला पैसा तो ई हुआ और इन दोनों को देने के बाद वाला पैसा तो ई में से इंटरेस्ट हटाओ प्रेफरेंस डिविडेंट हटाओ लेकिन प्रेफरेंस रिविडेंट तो तभी पे कर सकते हो जब उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा वरना तो पे ही नहीं हो सकता तो प्रेफरेंस डिविडेंट अग विद टैक्स ऑन इट तो इसे कैसे देखते हैं हम ई में से इंटरेस्ट हटा देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंट अलॉग विद टैक्स हटा देते हैं अब जब परसेंटेज चेंज में फॉर्मला लिखते हैं तो मैंने कहा ना उल्टा हो जाता है उल्टा हो जाता है तो परसेंटेज चेंज इन ई नीचे आ जाता है और इन सब को तो अब इतने सारी इन चीजों का इंपैक्ट तो ले नहीं सकते इसलिए परसेंटेज आखिरी वाली पॉइंट को लेते हैं आखिरी होता है ई इस स्टेटमेंट में सबसे अंत में कौन आता है ई तो हम बोलते हैं इन सब में जितना इंपैक्ट आएगा उतना इंपैक्ट ईपीएस में आएगा हम ये मान लेते हैं इन सब पे जितना इंपैक्ट आएगा उतना इंपैक्ट ईपीएस पे आएगा तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को ले लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं बेटा परसेंटेज चेंज इन ई याद रखना ये फॉर्मले बड़े काम के हैं ये वाले दोनों फॉर्मले क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर नहीं पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे याद रखना ये फॉर्मले जब परसेंटेज पे लिखते हैं तो उल्टे हो जाते हैं मैं दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूँ डी का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफन ई टी लेकिन जब परसेंटेज चेंज में लिखते हैं तो उल्टा कर देते हैं यानी परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी अपन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो या परसेंटेज चेंज इन सेल बोलो और ऐसे ही जब ई वी आई टी ऊपर होती है तो परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी नीचे आती है और इन सब का इंपैक्ट नहीं ले सकते इस सबके इन इंपैक्ट को कॉमन करके कंबाइन करके कंसोलिडेट करके परसेंटेज चेंज इन ई पी एस में दिखा दिया जाता है क्या मेरी ये बात भी आपको क्लियर है ठीक है जी बहुत बढ़िया कंबाइंड लेवरेज अब कंबाइंड लेवरेज का मतलब क्या होता है भाई ये मालिक देखो ये ऑपरेटिंग मैनेजर का रिस्क है ये फाइनेंशियल मैनेजर का रिस्क है ये पूरे मालिक का रिस्क है मालिक को तो दोनों रिस्क होंगे और वो दोनों रिस्क एक दूसरे पे इंपैक्ट करेंगे ठीक है ना तो इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डी आ जाता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कंबाइंड लेवरेज का मतलब है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई से ई कट जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में था या और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन ई कट जाएगा क्या बनेगा परसेंटेज चेंज इन ई अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये हमारा डी का फॉर्मूला बन गया मेरे हिसाब से आपको फार्मूलाज ऑफ लिवरेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मुझे चैट पर बता दो क्लियर हो गए हैं हाँ या ना ठीक है जी बेटा अभी अभी हमने लेवरेजेस पढ़ना स्टार्ट किया है एक बात ध्यान रखिएगा ऑर्डनरी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं उन्हीं को कॉमन स्टॉक भी बोलते हैं हंड्रेड बेसिस पॉइंट का मतलब होता है वन परसेंट याद रखना हंड्रेड बेसिस पॉइंट मतलब वन परसेंट होता है ठीक है जी आइए 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 अच्छा कभी भी परसेंटेज चेंज निकालने को कहे कभी भी परसेंटेज चेंज निकालने को कहे जैसे परसेंटेज चेंज इन सेल तो हमेशा न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर अपॉन ओल्ड फिगर इंटू हंड्रेड करते हैं कभी भी उल्टा मत कर देना कभी भी ओल्ड माइनस न्यू मत कर देना हमेशा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू हंड्रेड नीचे हमेशा ओल्ड फिगर ही आएगी ओरिजिनल वाली फिगर ही आएगी नीचे हमेशा ओरिजिनल यानी ओल्ड फिगर ही आएगी बोलिए मेरी बातें क्लियर हो गई बहुत बढ़िया अब हम बात करते हैं एसेट टर्न ओवर रेशो के बारे में देखो बेटा एसेट टर्न ओवर रेशो का मतलब क्या होता है एसेट टर्न ओवर रेशो का मतलब होता है सर ये यह यहाँ पर कहां से आ गया हम तो लेवरेज पढ़ रहे हैं बेटा लेवरेज

कई बार क्वेश्चन में सेल दे देगा टोटल एस, टर्न ओवर रेशो दे, दे देगा एसेट नहीं देगा मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी जैसे अगर क्वेश्चन हमें बता देगा बैलेंस शीट देखो क्वेश्चन ने मान लो हमें बैलेंस शीट दिया ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं ध्यान से सुनो मैं आपको कन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट की रिवीजन करा रहा हूँ पहले फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा डोंट वरी देखो अब मेरे पास दो रास्ते हैं या तो मैं हवाबाजी कर दूँ हवाबाजी करने का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ा कर चला जाऊँ बोल दूँ मैंने फॉर्मले पढ़ा दिए चार चार फॉर्मले पढ़ा के लेवरेज खत्म कर दूँ दो क्वेश्चन करा दूँ क्या फ़ायदा एग्जाम में कोई कॉम्प्लीकेट चीज़ आ गई जो आनी चाहिए जो आएगी तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा ऐसे रिवीन सेशन का कोई बेनिफिट नहीं है जहाँ सिर्फ आपको पागल बनाया जा रहा हो आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा हो टाइम वेस्ट नहीं करना है टाइम को यूटिलाइज करना डीप पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा ऐसे हवाबाजी वाला पेपर नहीं आएगा पेपर हमेशा आजकल कॉम्प्लेक्स आते हैं आपको ये बात पता है कि पेपर बहुत इंट्रीकेट आते हैं इसलिए ध्यान से सुनिए ठीक है जी सुनिए मैं आपको ये बता रहा था कि बैलेंस शीट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन हमें जानकारी दे देता है कभी कभी वो पता है क्या कहता है जैसे ना वो हमें इक्विटी दे देगा डेट दे देगा करेंट लाइबिलिटी दे देगा उससे हमें टोटल लाइबिलिटी पता लग जाएगी जितनी टोटल लाइबिलिटी होती है उतना ही टोटल एसेट होता है और जितना टोटल एसेट होता है फिर उस टोटल एसेट को हम यहां रख देते हैं और रेशो पता होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल आ जाती है यानी इनडायरेक्टली सेल डिराइव करनी होती है बोलो मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा हमें सेल डिराइव करनी होती है कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि हमें सेल डिराइव करनी होती है सेल और वो डिराइव कैसे करनी होती है ये भी बताओ आप मुझे हमें सेल डिराइव करनी होती है और सेल डिराइव भी कैसे करनी होती है ये भी बताओ आप मुझे प्लीज बताइए क्या आपको मेरी बातें समझ आती हैं मैंने क्या कहा सेल कैसे डिराइव होंगी सेल डिराइव गा होंगी जब हमें बैलेंस शीट में हम पहले किसी तरीके से टोटल एसेट तक पहुँचेंगे हो सकता है हमें टोटल एसेट में फिक्स एसेट करेंट एसेट दियो अगर दिया तो उन दोनों को ऐड कर दो टोटल एसेट आ जाएंगे लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट नहीं दिए डायरेक्ट नहीं दिए तो हम क्या करेंगे हम लाइबिलिटी साइड को उठाएंगे लाइबिलिटी साइड का टोटल उठाएंगे जितना लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा उतना ही टोटल एसेट होगा और उस टोटल एसेट को पुट करके हम सेल डराइव करेंगे याद रखना पी वी रेशियो क्या होती है पी वी रे का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल इन टू हंड्रेड याद रखना है पी वी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो मिलाकर हंड्रेड परसेंट होता है यानी अगर एक प्रोडक्ट बनकर बिकता है सौ रुपये का तो उसमें से जितना मान लो वेरिएबल कॉस्ट अगर फोर्टी है मान लो वेरिएबल कॉस्ट अगर फोर्टी है तो सिक्सटी परसेंट उसकी कंट्रीब्यूशन होगी क्योंकि इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करके हंड्रेड परसेंट आता है ये बात याद रखना डी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डी सी आता है ये बात हमें अच्छे से पता है कंसेप्ट ऑफ आर ओ आर ओ ये हम रेशियो चैप्टर में ही पढ़ लेंगे इसका ब्रेक इवन पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट देखिए बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि इतना पैसा भगवान मुझे दे दे कि मेरे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो अब देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है अब मैं कुछ लिखूंगा ज़रा ध्यान से समझना कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो अब मैं लिख रहा हूँ कुछ ध्यान से समझना ये मैं सब आपको लिखे हुए नोट दे दूंगा चिंता मत करो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है बचता है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है बचता है ई तो देखो एक मैनेजर होता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग मैनेजर ऑपरेटिंग मैनेजर वो होता है जो बिजनेस को संभाल रहा है जो मेन बिजनेस को संभाल रहा है ये फाइनेंस को संभाल नहीं रही, को रहा है बिजनेस को संभाल रहा है ऑपरेशनल मैनेजर जिसे बोलते हैं ये बेचारा ना इसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है ये हमेशा जब भगवान को प्रे करता है तो देखो भगवान को क्या प्रे करता है ये भगवान को प्रे करता है कि भगवान मुझे इतनी सेल दे दे कि मेरा ई जीरो हो जाए मतलब इसकी थिंकिंग ई बी टी जीरो तक की ही है अगर मैंने इससे पूछा मैं एक दिन ऑपरेटिंग मैनेजर के पास गया और मैंने पूछा ऑपरेटिंग मैनेजर तुम्हारे हिसाब से ब्रेक इवन क्या है ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस तो इसने कहा मेरे हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है जब ई बी आई टी जीरो हो मैंने कहा ई बी टी जीरो बाकी के खर्चे क्या रहा बाकी के खर्चे से मुझे क्या देना बाकी के खर्चे उनके हैं मेरे नहीं है मेरे खर्चे तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट तक है मेरे खर्चे यानी ऑपरेशनल खर्चे ऑपरेटिंग के खर्चे बिज़नेस के खर्चे तो फिक्स कॉस्ट तक है उसके बाद मेरे खर्चे नहीं है तो अगर हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे ध्यान से सुनो वर्ड को समझो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट तो हम सिर्फ यहीं तक की बात करेंगे अगर हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे तो हम सिर्फ ई तक की बात करेंगे यानी हमें इतनी सेल मिल जाए कि ई जीरो हो जाए तो व्हाट इज़ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये नापता है कि कितना ई होना चाहिए जब सेल जीरो हो सॉरी कितनी सेल होनी चाहिए जब ई बी आई ज़ीरो हो तो सुनिए ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कितनी सेल होनी चाहिए कि ई बी आई टी ज़ीरो हो जाए तो ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट को डिराइव करता है ये आपने कॉस्टिंग में पढ़ रखे हैं फॉमले फ़िक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो इतने यूनिट बेच दो कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए अगर आप इतने यूनिट को इनटू सेल प्राइस कर दोगे तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा और अगर इस सेल प्राइस को डिनोमिनेटर में ले जाओगे इधर डिवाइड कर दोगे तो पीवी वी रेशो बन जाएगा तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी वी रेशो यानी इनका कंसर्न सिर्फ फिक्स कॉस्ट तक होता है इनका कंसर्न इस वाले मैनेजर का कंसर्न सिर्फ इस फिक्स कॉस्ट तक होता है तो ये सिर्फ इस फिक्स कॉस्ट तक सोचता है इसके बियॉन्ड नहीं सोचता ये कहता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है जब ई वी जीरो हो बात खत्म यानी इसका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस क्या है जब ई वी जीरो हो जाए यानी ई नेगेटिव नहीं होना चाहिए ये सिर्फ यहीं तक ही सोचता है क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा बोलिए इतनी बातें क्लियर हैं आपको बोलो मेरी बातें समझ आई क्या ये बातें क्लियर हैं हां या ना हाँ या ना जल्दी बता दो ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर है आई होप ये तीनों फॉर्मले आपको समझ आ गए फिर हमने बात करी फाइनेंशियल मैनेजर से देखो इसके बाद जो काम होता है ना वो फाइनेंशियल मैनेजर का होता है अब फाइनेंशियल मैनेजर क्या बोलता है अब हमने फाइनेंशियल मैनेजर से बात करी हमने कहा भाई तेरे को किस बात की चिंता है कह रहा है यार मुझे तो इंटरेस्ट भी देना है और मुझे तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी अलॉन्ग विथ टैक्स देना है क्योंकि प्रेफरेंस डिमेंट तभी दे पाऊंगा जब बीच में मैंने टैक्स दिया होगा तो प्रेफरेंस डिवेंट अलॉन्ग विथ टैक्स तो वो कहता है मुझे तो इन दोनों की टेंशन है तो हमने पूछा अच्छा तेरे को कितनी टेंशन है कह रहा है कि भगवान इतने पैसे दे दे कि ये दोनों पे कर सकूँ कम से कम इतने तो पे कर दे कि भले ही मेरे पास ई एंड में जो बचा हुआ ई आई होगा वो ज़ीरो हो जाए यानी ई जीरो हो जाए वो कहता है चाहे ये ज़ीरो हो जाए मुझे कोई लेन देना नहीं लेकिन कम से कम मेरे खर्चे निकल जाए तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर कहता है फाइनेंशियल मैनेजर कहता है कि भगवान मुझे इतना पैसा दे दे कि ये निकल जाए यानी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स से यानी वो आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट आएगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस जिवेड नेट ऑफ टैक्स वो कहता है भगवान मुझे इतने रुपए दे दे कि मैं कम से कम अपने खर्चे पूरे कर दूं चाहे ईपीएस जीरो हो जाए चाहे ये ये जीरो हो जाए चाहे अंत में जीरो आ जाए लेकिन मेरे खर्चे निकल जाए तो देखो दोनों अपना अपना सोचते हैं ऑपरेटिंग मैनेजर ऑपरेटिंग ब्रेक इन पॉइंट सोचता है फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट सोचता है लेकिन अगर मैंने मालिक से पूछा मैंने कहा मालिक तुम क्या सोचते हो मालिक ने कहा भाई मेरा तो पूरा बिजनेस है मालिक कहेगा भाई मेरा तो पूरा बिजनेस है मुझे तो पूरा सोचना पड़ेगा तो मैं तो सेल इतनी सेल दे भगवान मुझे कि मेरा ईपीएस जीरो हो जाए कम से कम मुझे जीरो मिले मुझे मालिक कौन है मालिक वो है जिसका जिसके पास इक्विटी शेयर्स है तो वो कहता है भले ही मुझे ज़ीरो मिले लेकिन सारे खर्चे निकल जाए यानी वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी निकलवाना चाहता है और वो इन दोनों को भी निकलवाना चाहता है हाँ या ना तो फॉर्मूले ऐड हो जाते हैं फॉमले ऐड हो जाएंगे कैसे देखो ये फार्मूला में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट था और इस वाले फार्मूला में सिर्फ इंटरेस्ट और प्रेफरेंस इवेंट था दोनों अपनी अपनी बात कर रहे थे ये खाली ऑपरेटिंग फिक्स खर्चों की बात कर रहा था ये फाइनेंशियल फिक्स खर्चों की बात कर रहा था अब इन दोनों को ऐड कर दो न्यूमिनेटर में तो जब आप इन दोनों को न्यूमिनेटर में ऐड कर दोगे तो देखो जब आप इन दोनों को न्यूमिनेटर में ऐड कर दोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो देख रहे हो आप, आपने क्या किया इस फिक्सड कॉस्ट के साथ इसे उठा के प्लस कर दिया इस फिक्स कॉस्ट के साथ इसे न्यूमिनेटर में प्लस कर दिया इस फिक्स कॉस्ट के साथ इसे न्यूमनेटर में प्लस कर दिया तो यही तीनों फार्मूले हैं फॉर्मूले सेम है लेकिन अब न्यूमरेटर में सारे फिक्स खर्चे आ गए सारे फिक्स खर्चे मतलब ऑपरेटिंग फिक्स खर्चे प्लस फाइनेंशियल फिक्स खर्चे ऑपरेटिंग फिक्स खर्चे प्लस फाइनेंशियल फिक्स खर्चे ऑपरेटिंग फिक्स खर्चे प्लस फाइनेंशियल फिक्स खर्चे सारे के सारे आ गए जब सारे के सारे खर्चे आ गए तो बात बन गई हमारे पास कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट बन गया मजे आ गए बल्ले बल्ले हो गई लाइफ सेट हो गई और कुछ चाहिए ही नहीं हमें बोलो मेरी बातें आपको क्लियर है हाँ या ना जल्दी से मुझे बता दो क्या आप सभी को ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट समझ आती है क्या आप सभी को ऑपरेटिंग ब्रेक इन पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट कंबाइंड इन पॉइंट तीनों समझ आती हैं बहुत बढ़िया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूजुअली वर्ड जब बोला जाता है तो उसका मतलब ईबीआईटी e होता है क्वेश्चन में क्वेश्चन में मुझे एक बार जरा सब लोग इन्फॉर्म भी कर दो कि आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ मुझे बता दो ज़रा स्पीड सही चल रही है या ज़्यादा तेज है सही या ज़्यादा तेज़ इन दोनों में से एक वर्ड लिख दो चैट पर जल्दी से सही है ना बच्चे कह रहे हैं सही है समझ आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा देखो कभी कभी क्वेश्चन पुछ में पूछता है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है या नहीं है बेटा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होने का मतलब है कि ब्याज के रेट से ज्यादा हम कमा रहे हैं कि नहीं बेटा एक बात हो हमने किसी से लोन पे पैसा लिया है लेकिन अगर हम उसे अपने बिजनेस में लगा के उससे ज्यादा कमा रहे मान लो मैंने आपसे लोन पे लिया पैसा एट परसेंट पर और मैं बिजनेस में लगा के कमा रहा हूँ ट्वेंटी परसेंट तो मैं ज्यादा कमा रहा हूँ ना यानी जितना मुझे ब्याज देना है मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूँ अगर मैं ब्याज से ज्यादा कमा रहा हूँ तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है पर अगर मैं ब्याज से कम कमा रहा हूँ आर ओ आई आर ओ आई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ब्याज से भी कम है अगर मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्याज से भी कम है तो इसका मतलब मेरे पास अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है क्या मेरी बातें क्लियर हो गई मैंने क्या कहा क्या आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई जल्दी से मुझे बता दीजिए हाँ या ना बच्चे कहते हैं बढ़िया से सर समझ आ गई अब आगे बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में पूरी डेरिवेशन कराता बस अभी के लिए आप आप ये वाले छोड़ दो सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो बस मेरी बात मान लो एक फार्मूला याद कर लो कि ये याद कर लो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई टी अपन कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है किससे आता है रिपीट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ई बी आई टी अपन कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वन बाय डी ओ एल होता है ये याद कर लो बस बेटा बस आप ये याद कर लो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनवर्स ऑफ डी ओ एल होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमने कॉस्टिंग में पढ़ा था ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि हम सेल्स कितनी ऊपर अब देखो मेरे पास इस वक्त उतना समय नहीं है कि मैं आपको डेरीवेशन समझाऊँ ये देखो ये तो क्लास के नोट्स है मैंने क्लास के नोट्स में तो पूरी इसकी डेरीवेशन कॉस्टिंग से डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आता है डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूँ बट अभी आपको उन सबके पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ आप इतना पढ़ लें कि जो डी ओ एल है उसके रेसी प्रोकल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है रिपीट कर दो एक बारी डी ओ एल के रेसी प्रोकल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आती है ऐसा कब है अब अगर कभी एग्जाम में देखो ये बहुत नया पॉइंट है कई बच्चों ने सुना भी नहीं होगा इस पॉइंट को जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं कई बार बच्चों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो प्लीज़ ध्यान देना आप सबको इस पॉइंट पर ध्यान रखना है मुझे बताना जरा चैट में कितने बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट और अगर एग्जाम में आ गए तो मजा ही आ जाएगा मैं तो चाहता हूँ कल ये एग्जाम में आ जाए पांच मार्क का क्वेश्चन के अंदर यह क्वेश्चन जो चले इससे कि उस क्वेश्चन में डी मिसिंग हो डूएल निकालना हो डी का डेटा ना दिया हो लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो तो बच्चे को पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डी का ऐसी होता है उससे डीएएल निकलेगा और फिर क्वेश्चन चालू होगा मजा ही आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में और ये मैं अपने घर पे नहीं पढ़ा रहा रही आईसीआई के अंदर गिवन है आप मॉड्यूल को उठाकर देखो मॉड्यूल में लिखी है ये फॉर्मुला मॉड्यूल आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ यह फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डी ओ एल का रेसी प्रोकल है बस इतना याद रख लो इसकी डेरिवेशन मत पढ़ो बस इतना पढ़ लो कि डी ओ एल और एमओएस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं बस ये वाला एक पॉइंट आप पढ़ लो ठीक है जी आइए अब जरा इधर आ जाते हैं हम लोग एक है धोखा ऑफ मिसिंग इंटरेस्ट ये आजकल नए क्वेश्चनों में इंस्टीट्यूट ने एक नया नया धोखा निकाला है इसे जरा ध्यान से समझ लेना अगर आप कहोगे तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा क्वेश्चन नंबर एट ऑफ प्रैक्टिस शीट है हमारे पास मैंने प्रैक्टिस शीट में अगर आप कहोगे तो मैं करा भी दूंगा बोलिए इतनी बात समझ आ गई लाइक कर नहीं रहे बच्चे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, रहा रिजल्ट में क्या होगा मैंने पहले ही बताया कि जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे वन मार्क की डिडक्शन है सीधी सीधी सीधे सीधी एक मार्क की डिडक्शन है आप ये समझ लो साठ आ रहे होंगे तो फिफ्टी नाइन हो जाते हैं और पचास आ रहे हो तो फोर्टी नाइन हो जाते हैं ध्यान रखो अपना अपना लाइक कर दो अभी भी हाँ मैं डरा रहा हूँ मैं धमका रहा हूँ प्यार से सुनो ज़रा फिर आपको पता है ना वरना माँ भवानी से सीधी बातचीत है हमारी अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा सुनो जो ये एक कंसेप्ट है जिसपे इंस्टीट्यूट ने आजकल मचा रखी है धूम अभी आखिरी कंसेप्ट है इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे लेवरेज के मैंने बहुत तेज पढ़ाया है लेवरेज लेकिन मुझे लगता है समझ आ गया होगा क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा धोखा ऑफ मिसिंग फिगर बेटा धोखा ऑफ मिसिंग फिगर का मतलब क्या है ध्यान से सुनना पहले इसके नोट्स पढ़ लो ये वाले अच्छे से अच्छे से पढ़ो एक एक लाइन अगर क्वेश्चन में डी ओ एल डी एफ एल डी सी एल गिवेन है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे खतरा समझना मान लो कि क्वेश्चन में ना आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा डी ओ एल डी एफ एल डी सी एल कुछ कोई भी एक टर्म दे रखी है जिसकी आपको लग रहा है भाई जरूरत नहीं है पागल है दे रखिए बिना मतलब के तो उसे ऐसे मत समझना कि पागल है वो आपको पागल बना रहे क्योंकि उस रेशियो की वजह से मिसिंग फिगर निकलती है आप देखना कोई इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और उसमें लिखा है डी या डी या डी और जिसकी आपको जरूरत नहीं है क्वेश्चन में आप कह रहे हो सफिशेंट डेटा है इसके बिना भी हो जाएगा तो उसे अपने दिमाग में वार्निंग बेल समझना क्वेश्चन में कुछ पंगा हो सकता है सुनो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हिडन मिसिंग फिगर होती हैं यानी हमें उन्हें फाइंड करना होता है हमें मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना होता है हमें डी एफ एल जबरदस्ती गिवन है जैसे क्वेश्चन नंबर एट है प्रैक्टिस शीट का मैं अभी कराऊंगा अभी कराऊंगा दो मिनट में उसमें हमें डी एफ एल जबरदस्ती गिवन है क्वेश्चन में और अगर हम खुद डी एफ एल कैलकुलेट करें तो आंसर अलग आ रहा है अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसमें डी निकालो आपका डी अलग आ रहा है क्वेश्चन में डी अलग गिवन है इसका मतलब क्वेश्चन वाला डी सही है हमारा डी गलत है यानी कोई मिसिंग फिगर है उस मिसिंग फिगर को इंटरेस्ट मान के क्वेश्चन करो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मान के इसीलिए हमें पता चला ज़रूर कि कुछ मिसिंग फिगर है आइए क्वेश्चन नंबर एट प्रैक्टिस शीट का मैं करा देता हूँ ठीक है जी लाइक कर दो और क्वेश्चन नंबर एट ऑफ प्रैक्टिस शीट पर मैं आपको ले चलता हूँ ज़रा जल्दी से ठीक है जी बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ये रहा लिवरेज लिवरेज की प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर एट आरटीपी मई ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन देखो बेटा ये रहा क्वेश्चन मैंने इसमें पांच दिल भी बनाए हुए हैं इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है आरटीपी मे ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर एट सुनो पढ़ लेते हैं अच्छे से वो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है दस रुपये का एक शेयर है पचास लाख शेयर है बहुत बढ़िया तो हमें पचास लाख रुपये के शेयर हैं तो मतलब हमें पता चल गया इस बात से हमें पता लग गया कि पाँच लाख शेयर्स होंगे यानी नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता लग गया बारह परसेंट वाले बॉन्ड्स हैं थर्टी सेवन लैख के तो हमें पता लग गया उनका इंटरेस्ट बारह परसेंट है सेल हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पता है यानी ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब ये ऑपरेटिंग वाली फिक्स्ड कॉस्ट है जो ऊपर आती है अब देखो इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज जबरदस्ती चिपका रखी है जबरदस्ती अब आप इससे पूछो भाई तेरे को क्यों क्यों चाहिए ये फाइनेंशियल लिवरेज इसके बिना ही हो रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन में सारी जानकारी तो दी है यही धोखा है यही धोखा है यही धोखा है कि क्यों दी है अब आप पता है क्या करते हो आप कहते हो तो छोड़ ना हटा सावन की घटा हमें क्या करना फाइनेंशियल लिवरेज का बिना उसके क्वेश्चन करो बिना उसके क्वेश्चन करोगे आंसर गलत आएगा ध्यान देना तो अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा ही रखा है इधर देखो मैंने इधर फिगर्स मैच करा देता हूँ आपको पूरा लिख के कराऊंगा तो ज़्यादा देर लगेगी ये मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर ही कराया था लाइव सुनिए सेल एटी फोर तो यहाँ हमने लिख दी सेल एट्टी फोर देखो पी रेशियो अगर ट्वेंटी है तो एक बात बताओ हमें ये बात पता है मैंने आज अभी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले कि पी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिलाकर 100 परसेंट होती है ये बात आप जानते हो तो अगर मैं कहूँ कि पीवी रेशियो 27.55 है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिल जाएगी कितनी है वेरिएबल कॉस्ट जल्दी से मुझे बताना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है निकाल दो हंड्रेड में से ऐसे माइनस करके शायद ट्वेंटी टू पॉइंट फोर फाइव आ जाएगी सॉरी सेवेंटी टू पॉइंट फोर फ़ाइव आ जाएगी यानी वेरिएबल कॉस्ट सेवेंटी टू पॉइंट फोर फाइव है तो हमने क्या किया होगा देखो हमने अगर ये सेल थी और ये ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव थी तो बीच में बैलेंसिंग फिगर से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी यहाँ तक मुझे लगता है आपको पूरा समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे बस येस कर दो कि हाँ सर हमें मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ नीले रंग से ये स्टेप समझ आ गया ये स्टेप समझ आ गया ये स्टेप समझ आ गया यहाँ तक आपके दिमाग में सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं फिर क्वेश्चन ने आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी थी हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी लिख दी और ई तक हम पहुँच गए मैं आपको पूरा समझाऊंगा मैं आपको रटवाऊंगा नहीं प्लीज़ मेरी बात को समझना इस बात को अच्छे से समझो कि मैं आपको पूरा सम्पूर्णतः पढ़ाना चाहता हूँ अधूरा नहीं पढ़ाना चाहता इस सेशन का उपयोग यह नहीं है कि मैं चमक के जाऊँ इसका सेशन का ये उपयोग है कि आप एग्ज़ाम में चमक कराएं। कर आएँ बढ़िया पेपर करके आए है ना आइए बातचीत चल रही है इक्विटी के बारे में और इन सभी के बारे में ध्यान से सुनना मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना मैंने आपको बोला कि फिक्सड कॉस्ट थी हमारे पास हमने माइनस कर दी हमने अभी तक अच्छा हम चल रहे थे बढ़िया अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे इंटरेस्ट भी पता है तो मैं इंटरेस्ट भी निकाल कर माइनस कर सकता हूँ थर्टी सेवन लैक का है ना अब लेकिन मुझे तो नहीं पता कि भैया इस क्वेश्चन में अदर इंटरेस्ट चार्जेस भी हैं मुझे तो नहीं पता मुझे सच में नहीं पता तो अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो तो आप शायद इधर कुछ नहीं लिखोगे ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना बाद में पता लगेगी अगर यह नहीं लिखोगे अब मेरी बात को समझो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो फिर क्वेश्चन में जो डी गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में जो डी गिवन है वो मैच नहीं होगी आप देखो क्वेश्चन में गिवन डी है वन पॉइंट फोर नाइन वन पॉइंट फोर नाइन है ई बी आई टी कितनी है सिक्सटीन एटीन टू हंड्रेड सिक्सटी एटीन टू हंड्रेड तो नीचे क्या करते हैं ई बी आई टी में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस इवेंट माइनस कर देते हैं अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस इवेंट तो है नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में ही प्रेफरेंस शेयर रही है तो प्रेफरेंस इवेंट कहाँ से आएगा तो प्रेफरेंस इवेंट तो है नहीं तो अगर मैं सिर्फ इन, इतनी फिगर्स लेता हूँ ना सिर्फ इन्हें अगर मैं मिसिंग इंटरेस्ट को नहीं लेता तो मैच नहीं कर रहा आप इन दोनों साइडों को देखो ये दोनों साइडें मैच नहीं कर रही आप बेटा अगर वो डी एफ एल मैंने क्या कहा अगर कोई एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है तो उसे ये मत सोचो कि वो एक्स्ट्रा द रहा है लिवरेज़ इसके क्वेश्चन में आप चेक करो कि वो मैच हो रही है कि नहीं।, नहीं हो रही है इसका मतलब कोई मिसिंग फिगर है अगर आप इससे डी एफ एल निकालते तो आपकी डी एफ एल इस वाली डी एफ एल से मैच नहीं करती इसका मतलब कोई मिसिंग फिगर है और मिसिंग फिगर हम इंटरेस्ट को मानते हैं तो हमने मान लिया कि जितना गिवन इंटरेस्ट है उसके अलावा भी कोई मिसिंग इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को मानकर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करनी है ई तब निकलना है तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स उसकी हेल्प से आएगा और फिर हमारे पास मिसिंग इंटरेस्ट निकल आएगा यानी हमने इस क्वेश्चन में ठीक है जी मैंने करा रखा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने तीन क्वेश्चन कराए हैं मिसिंग वाले क्लास के अंदर बट अभी मैं एक ही करा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि अगर क्वेश्चन में कोई जबरदस्ती की लिवरेज गिवेन है कोई जबरदस्ती की लिवरेज गिवेन है जिसका कोई प्रयोग नहीं है क्वेश्चन में तो वो जरूर मिसिंग फिगर की तरफ हिंट करती है जरूर वो मिसिंग फिगर की तरफ हिंट करती है बोलिए कितने बच्चों को समझ आ गया कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि मिसिंग फिगर मिसिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और देख रहे हो पूरे क्वेश्चन में कहीं हिंट नहीं है कि मिसिंग इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में कहीं भी हिंट नहीं होगा क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं होगा आपके सोल्यूशन में आपने करना है क्वेश्चन बहुत चालाक होता है आपको क्या लगता है क्वेश्चन बच्चा है बेटा अब आईसीआई बहुत बड़ा हो चुका है बच्चे कह रहे हैं क्लियर है वेरी गुड आकांक्षा चलिए वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। हमने कॉन्सेप्ट देख लिए थे एक दो क्वेश्चन मॉड्यूल के देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर टेन देखिए मॉड्यूल का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर टेन प्लीज वो हमें कहता है ये रही ऑपरेटिंग लेवरेज और ये रही कंबाइंड लेवरेज और ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल दे रहा है पचास लाख डिबेंचर दे रहा है थर्टी टू पॉइंट टू फाइव लैक्स के तो उस उसमें हम ऐट परसेंट का इंटरेस्ट निकाल देंगे इक्विटी शेयर थर्टी फोर लाख दस रुपये का एक तो थ्री पॉइंट फोर लैख शेयर होंगे ताकि ई निकल सके एंड में इनकम टैक्स रेट थर्टी परसेंट वो हमें कहता है फाइनेंशियल लिवरेज अब देखो दिल तो हमारा ये करता है फाइनेंशियल लिवरेज सर ये तो बड़ा आसान है मेरे पास ऑपरेटिंग लिवरेज है मेरे पास कंबाइंड लिवरेज है मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल देता हूँ है ना मैं इसके साथ इन्हीं का आंसर दिखाता हूँ इन्हीं के आंसर का विश्लेषण करते हैं देखो मैं पूरा लिख कर आऊँगा ना तो बहुत देर लगेगी इसीलिए आई वुड वांट कि मैं आपको जल्दी जल्दी इन्हीं के कुछ आंसर्स दिखा दूँ सो दैट वी आर एबल टू रैप अप द रिविजन क्विकली देखिए जल्दी से मुझे बताओ ये आपके पास अगर मॉड्यूल है तो अपना मॉड्यूल आप ओपन भी कर सकते हैं इल हेल्प यू और नहीं है वैसे मेरे ख्याल से अब तो सबके पास होगा वरना डाउनलोडेड होगा अगर सॉल्व नहीं किया अगर नहीं है आपके पास तो आपके पास डाउनलोडेड होगा और क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा भी देना चाहता हूँ देखिए जी सुनिए अगर मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है कंबाइंड लेवरेज है तो इन दोनों को यूज़ करके डी आ सकती है क्योंकि मुझे पता है डी ओ एल इंटू डी एफ एल इज़ इक्वल टू डी सी एल तो ये पता है ये पता है इसे डिवाइड कर दो डी एफ एल आ जाएगी तो देखो उन्होंने डी एफ एल कैसे निकाली उन्होंने बोला कंबाइंड लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज से आती है और फिर इसे अच्छा देखो अपना आंसर लिखने का तरीका समझो देखो जब फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो फुल के साथ ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं फिर बाद में शॉर्ट फॉर्म लिखनी स्टार्ट कर देते हैं फिर क्वेश्चन में बार बार लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखते एक बार लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं उसके साथ ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं फिर पूरे आंसर में शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो जाती है तो हमने कंबाइंड लेवरेज लिख दी ऑपरेटिंग लेवरेज लिख दी फाइनेंशियल लेवरेज आ गई हमारे पास एफ मतलब फाइनेंशियल लेवरेज ये हमारी फाइनेंशियल लेवरेज आ गई आगे पढ़ते हैं वो कहता है पीवी रेशियो एंड ईपीएस निकालो पीवी रेशियो और लर्निंग तो फिर पूरी स्टेटमेंट बना देनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट बना देनी चाहिए उसने क्या किया उसने ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज़ किया ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है भाई ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई अब मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता थी लेकिन मुझे फिक्स कॉस्ट पता थी तो हमने फिक्स कॉस्ट को यूज़ किया इसकी हेल्प सॉल्व करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया छः लाख अस्सी हज़ार का और अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पता है मेरी बात को समझना बेटे और साथ ही साथ मान लो कि मेरे पास सेल्स पता है मुझे अगर मुझे सेल पता है और कॉन्ट्रीब्यूशन पता है कॉन्ट्रीब्यूशन पता है और सेल पता है तो मुझे पी वी पता लग जाएगी तो मेरी पी वी आ गई अब पी वी आ गई तो पूरी स्टेटमेंट बन सकती है पूरी स्टेटमेंट कैसे बन सकती है सेल्स माइनस सेल में से जो बची हुई वेरिएबल कॉस्ट है और फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो इंटरेस्ट माइनस करो तो आपके पास ई बी टी आ जाएगा उन्होंने पूरा ई बी ऐसे निकाला है वैसे हम ऐसे प्रेफर नहीं करते हम कैसे प्रेफर करते हैं स्टेटमेंट बनाकर आप स्टेटमेंट बना लेना आंसर करेक्ट आ जाएगा आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दैट सेम स्टेटमेंट आपको और कुछ नहीं करना ठीक है ना बोलो कर लोगे ना स्टेटमेंट ईजिली स्टेटमेंट बना लो आपको कोई दिक्कत क्या है तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा अगर उसमें से टैक्स हटा दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा यहाँ तक काम आसान है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है इफ द कंपनी अब ये देखो इस इन पॉइंटों की वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इफ़ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री हुज़ एसेट सेट टर्न ओवर इज वन पॉइंट फाइव अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं फार्मूले पढ़ा रहा था ना बच्चे कह रहे थे अरे इस चैप्टर में रेशियो के फॉर्मूले क्यों पढ़ा रहे हो अब समझ आया इस चैप्टर में रेशियो काम आती है वो कह रहा है एसेट सेट टर्न ओवर रेशियो डज़ इट हैव हाई और लो टर्न ओवर देखो उसने हमारी इंडस्ट्री के बारे में बता दिया हमारी इंडस्ट्री के बारे में कि जो हमारे आसपास की सारी कंपनियां मिलाकर हमारे को मिलाकर बनती है इंडस्ट्री वो क्या है तो पहले हमें अपने बारे में जानना पड़ेगा अब देखो एक बात बताओ आप ध्यान से समझो मुझे इस कंपनी की एसेट टर्न निकालनी है अगर मुझे किसी कंपनी की एसेट टर्न ओवर एशो निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए होता है मैंने कहा था टर्न ओवर एशो होती है तो जिसका नाम होता है वो नीचे आ जाता है तो नीचे आ जाएंगे टोटल एसेट्स और ऊपर आ जाएंगी सेल अब सेल तो हमारे पास है लेकिन एसेट नहीं है फिर एसेट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि बैलेंस शीट देख लिया करो बैलेंस शीट में इक्विटी बताओ क्या हमें इक्विटी पता है जी हाँ सर हमें इक्विटी पता है थर्टी फोर लैख डिबेंचर पता है थर्टी पॉइंट टू फाइव लैख ठीक है ना इक्विटी पता थी कितने की थर्टी फोर लैख की और डिबेंचर पता थे थर्टी पॉइंट टू फाइव लैख के यही दोनों पता थे और कोई कोई करेंट लाइबिलिटी गिवन है कोई और प्रेफरेंस शेयर वगैरह गिवन है नहीं है गिवन यानी लाइबिलिटी साइड में सिर्फ इतना ही है इतना ही लाइबिलिटी साइड में जितना लाइबिलिटी साइड में होगा वही एसेट साइड में आ जाएगा अब आपको समझ आया फॉर्मूला मैंने क्यों पढ़ाया था इसी दिन के लिए पढ़ाया था आज के दिन के लिए कि हम बैलेंस शीट में पहले टोटल लाइबिलिटी निकालेंगे टोटल लाइबिलिटी से टोटल एसेट आएंगे टोटल एसेट यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे तब एसेट टर्न आएगी और एसेट टर्न आएगी फिर वो इंडस्ट्री की एसेट टर्न के साथ कंपेयर होगी इंडस्ट्री की एसेट टर्न के साथ कंपेयर होगी तो देखो उन्होंने क्या किया है उन्होंने नीचे टोटल एसेट में ये कैसे लिख दिया समझ आया टोटल लाइबिलिटी को ही टोटल एसेट मान लिया तो डिनोमिनेटर में लिख दिया अब उसे ऊपर सेल लिख दिया अब इन्हें डिवाइड करके एसेट टर्न निकाल ली अब ये कहा कि हमारी कंपनी की एसेट टर्नओवर 0.78 है जबकि इंडस्ट्री की यानी सारी कंपनियों को मिलाकर एसेट टर्नओवर 1.5 है यानी बाकियों की एसेट टर्नओवर ज़्यादा है हमसे तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री से कम है एसेट टर्नओवर, तो हम क्या लिखेंगे ये लाइन लिखने पे मार्क्स मिलेंगे दो मार्क इट मीन्स लोअर देन इंडस्ट्री टर्न ये लाइन लिखने के मार्क्स हैं ये लाइन अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए इस लाइन को लिखने के मार्क्स हैं क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है? मैंने क्या कहा यानी यू डेफिनेटली हैव टू राइट दिस लाइन बोलिए बेटा मेरी बातें आपको समझ आती हैं अच्छे से जल्दी बता दो मुझे क्या आप सभी को ये बातें समझ आती हैं कि हम इंडस्ट्री से लोअर टर्नओवर रख के बैठे हैं हम इंडस्ट्री से लोअर एसेट टर्नओवर रख के बैठे हैं आई होप मेरी बातें आपको क्लियर है बहुत ही बढ़िया बहुत बहुत ही बढ़िया आगे चलते हैं फिर वो पूछता है एट वट लेवल ऑफ सेल कितनी सेल होनी चाहिए ई बी टी ज़ीरो होने के लिए ठीक है जी तो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है या तो आप ब्रेक इवन पॉइंट से करो या फिर आप पूरी स्टेटमेंट बनाकर करो स्टेटमेंट बनाकर करने का मतलब है कि आप सेल को एक्स लेकर ई बी टी जीरो लेकर उल्टा चले जाओ देखें तो उन्होंने क्या किया देखो अगर ई बी टी जीरो होनी चाहिए इसका मतलब हंड्रेड परसेंट रक्शन इन ई बी टी होनी चाहिए तो अब हमें कंबाइंड लेवरेज ऑलरेडी पता है कि टू पॉइंट फाइव है कम्बाइंड लेवरेज टू पॉइंट फाइव लेकर उन्होंने उसकी हेल्प से सेल डिराइव कर लिया कम्बाइंड लेवरेज की हेल्प से डिराइव कर लिया वरना उन्होंने बैकवर्ड वर्किंग वाले तरीके से भी कराया है और अब इन दोनों में देख रहे हो अलग अलग आंसर आ रहा है इन दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है लेकिन उन्होंने दोनों को करेक्ट माना है मैं आपको पहले ये वाला तरीके से समझाता हूँ कि उन्होंने क्या किया है अब आप एक बात बताओ डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूले बताओ आप पहले मुझे डी के फॉर्मूले बताओ डी के फॉर्मूले बताओ क्या होते थे सच सच बताना सर जी डी का एक फार्मूला होता था जिसमें हम ये देखते थे कि फिक्स कॉस्ट को देने से पहले कितना पैसा है डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट को देने के बाद कितना पैसा है यानी हम ऊपर रख देते थे कंट्रीब्यूशन नीचे रख देते थे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टी ये एक फार्मूला होता था फिर एक फार्मूला परसेंटेज चेंज वाला होता था याद करो तो ऊपर क्या रख देते थे परसेंटेज चेंज इन इन सब की जगह पे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स याद आई बात आपको और अगर ईपीएस तक ना जाना हो स्टेटमेंट में ईपीएस तक ना जाना हो ई तक जाना हो तो भी उतना ही चेंज होगा तो इसी को मान सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ई क्योंकि क्वेश्चन ने ई के बारे में सवाल बनाया देखो जब सवाल बनाया तो उसने ई को जीरो करने की बात करी है कंपनी विल बी इक्वल टू जीरो मतलब ई बी जीरो कब होगा तो ई बी टी हंड्रेड परसेंट का फॉल हो रहा है ना मतलब तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स यानी अगर मुझे डी सी एल ऑलरेडी पता है अगर मुझे डी सी एल टू पॉइंट फाइव ऑलरेडी पता है अगर मुझे डी सी एल टू पॉइंट फाइव ऑलरेडी पता है परसेंटेज चेंज इन ई बी टी मेरे पास नहीं है परसेंटेज चेंज इन ई बी टी पर आ, मतलब फॉल हो रहा है हंड्रेड परसेंट तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी होगी मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ई को जीरो होना है ई को जीरो होना है मतलब जितना भी है उससे हंड्रेड परसेंट फॉल होना है बेटा जितना भी उसकी फिगर है उसे हंड्रेड परसेंट फॉल होना है तो परसेंटेज चेंज इन ये परसेंटेज चेंज इन सेल को उठा के ऊपर ले जाओ तो आप क्या लिखोगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी है बेटा हंड्रेड डिवाइड बाई टू मतलब फॉल होना है फोर्टी यानी सेल को फोर्टी कम होना पड़ेगा सेल को फोर्टी कम होना पड़ेगा अब अगर मैं कहूँ कि ओरिजिनल सेल्स कितनी थी अगर आप ये कहोगे कि ओरिजिनल सेल थी पचास लाख और उसमें से सेल को फॉल होना है फोर्टी परसेंट तो सेल अगर फॉल हो जाएगी फोर्टी परसेंट तो न्यू सेल्स कितनी होगी तो आपकी न्यू सेल्स होगी थर्टी लैक्स की यानी आपको थर्टी लैक्स की सेल करनी होगी कि ई ज़ीरो हो जाए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको थर्टी लैक्स की सेल करनी होगी कि ई ज़ीरो हो जाए आई होप ये बात आपको समझ आ गई उन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन किया है मॉड्यूल ने और ये मेरा घर का आंसर नहीं है भाई मैं मॉड्यूल के आंसर समझाता हूं क्योंकि मैं एक बात बिलीव करता हूं कि जो मॉड्यूल कहता है मार्क्स उसी पर मिलते हैं मार्क्स हमेशा मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मिलते हैं बोलिए इतनी बातें समझ आ गई बेटा अगर अगर प्रेफरेंसेंट नहीं होता डीएफएल में तो फॉर्मूला बन जाता ई बी आई टी अपन ई बी टी ई बी आई टी अपॉन ई बी टी ठीक है बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों को बहुत बहुत ही बढ़िया ये बात समझ आ गई एक आधा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा ये वाला क्वेश्चन दिखा दूँ मुन्नू सा क्वेश्चन दो मिनट में हो जाएगा देखो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ हमें और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी दिया हुआ है मैंने कहा ना ऑपरेटिंग इनकम मतलब ई बी आई टी नोट्स पढ़ाए थे मैंने नोट्स ध्यान से पढ़ा करो परसेंटेज चेंज इन ई बी आई टी ऑपरेटिंग इनकम को बोलते हैं और ये परसेंटेज चेंज इन ई पी एस दिया हुआ है तो परसेंटेज चेंज इन ई पी एस दिया हुआ है बड़ा आसान है कह रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो अब ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या होता है फॉर्मूला बताओ अगर आप ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला देखना चाहते हो ये देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे ना ये देखिएगा ये देखो ऑपरेटिंग लवरेज का एक फार्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी बट इसको परसेंटेज में लिखते हो तो उल्टा हो जाता है परसेंटेज चेंज इन ई बी आई अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इससे डी आ जाता है तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में डी निकालना है डी निकालना है तो मैं किस किस को यूज़ करूँगा परसेंटेज चेंज इन ई बी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स यानी हम यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ई अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स और ये दोनों हमें पता ही है मेरे पास परसेंटेज चेंज इन ई भी गिवन है परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी गिवन है इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 26 डिवाइडेड बाय 28, 34 थर्टी फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी ऐसे सभी कंपनियों के लिए डी ओ एल आ जाएगा सभी कंपनियों के लिए डी ओ एल आ जाएगा ऐसे ही अगर मुझे डी सी एल निकालना है डी सी एल निकालना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज तो वो होगी परसेंटेज चेंज इन ई पी एस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा और ये भी हमें पता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी पता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी पता है डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा बोलिए क्लियर है पंकज यादव पूछते हैं सर आंसर क्यों डिफर आ रहा है उस क्वेश्चन में बेटा देखो इंस्टीट्यूट का खुद का ही दो आंसर है क्योंकि ये दोनों आंसर दोनों ट्रिक परफेक्टली मैच नहीं करती यही इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूं देखो जो हमने भी पिछला क्वेश्चन किया है उसमें इंस्टीट्यूट के अपने ही आंसर अलग अलग आ रहे हैं इंस्टीट्यूट के अपने ही आंसर अलग अलग आ रहे हैं एक बार ही कह रहा है तीस लाख और एक बार कह रहा है फोर्टी टू लाख और फिर उसने एक और बताया कि द क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी सोल्व बाई बी आई टी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अकॉर्डिंगली द आंसर विद रिक्वायरमेंट टू एंड थ्री विल ऑल्सो वेरी वो कहता है फिर एक और तरीके से कर सकते हो मतलब आप इसी क्वेश्चन को तीन तरीके से कर सकते हो यानी इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि तीनों तरीके से करेक्ट है मैं पता है क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस मिले अगर आप सही फॉर्मूलाज फॉलो कर रहे हो तो आपका आंसर डिफर भी कर सकता है तब भी मार्क्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट कहता है कि अब एक ही चीज़ के अलग अलग फॉर्मूले बने तो भाई अलग अलग फॉमूले से आंसर भी तो अलग अलग आ सकता है तो इंस्टीट्यूट उसे एक्सेप्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं दोनों मेथड से मत करना किसी एक से ही करना मतलब इससे करना या इससे करना दोनों में से किसी एक से करना दोनों से एग्जाम में मत करना इतना टाइम वेस्ट मत करना ठीक है जी क्या मेरी बातें क्लियर हो गई एक क्वेश्चन मैं और दिखाऊंगा लेवरेजिस का फिर हम आगे मूव कर जाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट वन आवर लेवरेजिस के लिए रखा था और मुझे लगता है कि हम उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो एक आधा क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे और करा देना चाहिए लिवरेजेस का और ये तो मिसिंग फिगर वाले बच्चों वाले क्वेश्चन है एक आधा बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें है नहीं क्योंकि ये तो बच्चों वाला है बिल्कुल ही कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स वन थाउजेंड शर्ट्स वो कहता है जी हम एक हज़ार शर्ट बनाते हैं सेलिंग प्राइस है पाँच सौ का तो देखो हमारा एक दस हजार शर्ट पाँच सौ वाली बिकती हैं सेल्स हो गई हमारी दस हज़ार शर्ट्स दो सौ की वेरिएबल कॉस्ट है तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई ये फिक्सड कॉस्ट है माइनस कर दी ई बी आई टी आ गया कहता है ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ ऑपरटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ई बी आई टी से आ गया फिर वो कहता है कि अगर सेल अब हो गई टेन परसेंट तो परसेंटेज चेंज इन सेल दे दी तो इंपैक्ट ऑन ई क्या होगा तो डी का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ई बी आई परसेंटेज चेंज इन सेल्स ठीक है ना उसमें अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमें पता है कि टेन परसेंट है तो डी अगर सिक्स है तो सिक्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ई बी आई अपॉन टेन तो टेन परसेंट यानी सिक्सटी परसेंट आ जाएगा तो यानी ई बी आई टी सिक्सटी परसेंट बढ़ जाएगा ई बी आई टी कितने परसेंट बढ़ जाएगा सिक्सटी परसेंट बढ़ जाएगा तो चेंज इन ई 60 परसेंट आ जाएगा ठीक है जी एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 25 बता दो देख लेते हैं प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 25 ज़्यादा ही बच्चे को डाउट है लग रहा है इसमें देखिए दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा

फाइव परसेंट ऑन सेल्स वो हमें कहता है अर्निंग आफ्टर टैक्स इज फाइव परसेंट ऑन सेल्स बहुत बढ़िया इनकम टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट देखो ये जो बोलता है ना फाइव परसेंट ऑन सेल्स इसका मतलब वो खुद ही बता रहा है कि जितनी सेल होगी उस पर फाइव परसेंट अर्निंग आफ्टर टैक्स है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल वैल्यू है इनकम टैक्स है फिफ्टी परसेंट तो देखो हमने क्या किया हमें अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें हमें ये बात पता है अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल्स है तो अगर मैं सेल को एक्स ले लूंगा मान लो कि मैंने सेल को ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता दूं ये एक टफ क्वेश्चन है ये एक अबब एवरेज क्वेश्चन है ये तभी हो पाएगा जब एक आधा क्वेश्चन ऐसा किया हुआ होगा इस पर बहुत बहुत ध्यान देना जरा मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं मैं दोबारा बोलता हूँ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल्स है तो अगर मैं मानूँ कि सेल एक्स है तो फाइव परसेंट ऑफ सेल का मतलब हुआ पॉइंट जीरो फ़ाइव एक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल्स का मतलब हुआ पॉइंट जीरो फाइव एक्स बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अब वो कहता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी ये हमें बता रखा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फोर टाइम्स है इसका मतलब क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी फोर है ठीक है जी अब आगे पढ़िए वो कहता है कि आ, हमें और क्या क्या जानकारी दे रहा है देखो वेरिएबल कॉस्ट है छः लाख की वेरिएबल कॉस्ट है छः लाख ये स्टेटमेंट उसने बना के दी हुई है इनफैक्ट हमें वेरिएबल कॉस्ट छः लाख की है तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट छः लाख की लिख दूंगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई एक्स माइनस सिक्स लैक्स तो ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप एक काम करो कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह पर यह लिख दो कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह पर न्यूमरेटर में ये लिख दो ठीक है और अब पता है चालाकी किस बात में है अगर आपने ये लिख लिया होगा ना कि अर्निंग आफ्टर टैक्स पॉइंट जीरो फाइव एक्स है तो इससे रिवर्स भी आ सकते हो आप बहुत सारे बच्चे पता है इस आंसर को क्यों नहीं कर पाते कभी भी क्योंकि वो रिवर्स नहीं आना जानते वो रिवर्स नहीं आते अब जरा बात को समझो अगर मुझे ई पता है अर्निंग आफ्टर टैक्स पता है कि फाइव परसेंट ऑफ सेल्स है तो पॉइंट जीरो फाइव एक्स है और मुझे पता है इनकम टैक्स है फिफ्टी परसेंट तो बेटा अगर ई में से पचास परसेंट इनकम टैक्स माइनस किया तो जो बचेगा वो पचास परसेंट बचता होगा तो अगर ये फिफ्टी परसेंट है तो ये भी फिफ्टी परसेंट है इसे भी इसके बराबर लिख लो और अगर ऊपर से आते हुए माइनस हो रहा है तो उल्टा जाते हुए प्लस हो जाएगा तो बेसिकली अगर ये पॉइंट जीरो ये अगर पाँच परसेंट ऑफ एक्स है ये भी पाँच परसेंट ऑफ एक्स है तो ये दस परसेंट ऑफ एक्स हो गया बहुत बढ़िया इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा क्योंकि हमें डिबेंचर्स की कैपिटल पता है और दस परसेंट इंटरेस्ट है तो तीन लाख का दस परसेंट यानी तीस हजार का इंटरेस्ट है तो तीस हज़ार का इंटरेस्ट है अब इससे आप उल्टा चलते जाओ तो आपके पास ई कितना आ जाएगा पॉइंट जीरो वन एक्स प्लस थर्टी थाउजेंड क्योंकि जब ऊपर से आते हुए अगर माइनस होता है तो नीचे से जाते हुए प्लस होता है तो हम इस फिगर में तीस हजार एड कर देंगे हम इस फिगर के अंदर तीस हजार को एड कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट वन एक्स प्लस थर्टी थाउजेंड हो जाएगा क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको जल्दी से मुझे बता दो क्या आपको मेरी बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा आपने इसके अंदर इसे ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल ईबीआईटी आ गई अब मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन और ईवीआईटी की रेशियो पता है कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी की रेशियो पता है फोर है तो यानी एक्स माइनस सिक्स लैक्स और पॉइंट वन एक्स प्लस थ्री थर्टी थाउजेंड पॉइंट वन एक्स प्लस थर्टी थाउजेंड तो इसे और इसे डिवाइड किया सॉल्व किया एक्स आ गया यानी सेल आ गई बस सेल आ गई तो क्वेश्चन में बाहर आ गई इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं फिर तो क्वेश्चन धड़ धर धड़ धर करके हो जाएगा अगर आपको इस क्वेश्चन में मेन बात थी सेल निकालने की इस क्वेश्चन में मेन बात है सेल निकालने की और ये दिसंबर 2021 के एग्जाम में आया है आप ये सोच रहे हो एग्जाम का क्या लेवल है अगर वो खाली बच्चों बच्चों वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो तो आप आप दिक्कत में आ सकते हो आपको इस लेवल तक के क्वेश्चन सीखने ही पड़ेंगे इस लेवल तक के क्वेश्चन अगर आप नहीं सीखते हो ट्रिक्स नहीं सीखते हो तो फिर आप फंस सकते हो एग्जाम में जल्दी से मुझे बता दो कि क्या ये क्वेश्चन बेटा इसे ऐसे ही प्रेजेंट करोगे यह सब वर्किंग नोट है एक बच्चा कह रहा है प्रेजेंट कैसे करेंगे बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे वर्किंग नोट में फिर फेयर आंसर में पूरा प्रेजेंट करेंगे फॉर्मल बना के ये फेयर आंसर है बट वर्किंग नोट में तो ऐसे ही करोगे वर्किंग नोट में आपको अंतरियामी बाबा तो होनी जो आपको आंसर नहीं पता और आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे नहीं लिख पाओगे तो पहले वर्किंग नोट में एक्स लेके ही प्रेजेंट करो रिवर्स वर्किंग से ही करो बाद में ऐसे करो कितने बच्चों को समझ आ गया बस इस पे फोकस करो असली आंसर तो आप खुद ही कर लोगे बस सेल निकालने की देर है सेल आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा मुझे जरा जल्दी से सभी लोग बता दो अब बता दो कितने शेर ऐसे हैं जो एक चैप्टर के बाद भी बैठे हैं काफ़ी शेर तो यहीं पे ढेर हो चुके होंगे बहुत सारे शेर जो थे जो कागज़ के शेर थे वो तो यहीं पे ढेर हो गए होंगे उन्हें लग रहा था कि हम तो जे कर देंगे हम तो वो कर देंगे भैया जे वे कुछ ना हुआ वो तो पहले चैप्टर के बाद ही गिर गए ज़रा जल्दी से मुझे दोबारा से अपना नाम और सिटी का नाम बता दो कितने बच्चे बैठे मैं ज़रा मैचिंग कर लूँगा अटेंडेंस लगवा लूँगा टीम को बोल कि कितने कितने आर पे कौन कौन बच्चा जेनविनली बैठा था क्या बात है खाली वही लोग लिखना जो स्टार्टिंग से बैठे अब ये नहीं कि बीच में आए हो और फिर भी अपना नाम और पता लिख नाम और अपनी सिटी का नाम लिख रहे हो चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत बहुत ही बढ़िया शाबाश आइए अगले चैप्टर को प्रारंभ करते हैं अगले चैप्टर का नाम है हमारा प्यारा प्यारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा प्यारा प्यारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आप तैयार हो मेरे साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की यात्रा पे चलने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं अच्छा मैं ऐसे पूरा पूरा रिवाइज कराऊंग ना शॉर्ट में तो ना कराऊ ना चैप्टर रिवाइज शॉर्ट वाली रिवीजन मुझे लगता है हानिकारक होगी अगर हम शॉर्ट में करेंगे पूरा पूरा करना चाहोगे ना रिवाइज जैसे मैं करा रहा हूँ आराम आराम से मतलब कि भाई भले आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे हर चैप्टर में लेकिन कम से कम रिवीजन अच्छी तो हो पक्की तो हो हाँ जी बताओ पूरा बुनाई कराऊ ना बहुत बढ़िया सुनो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए बेटा हम बातचीत कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है सोनो देखो बेटा अब मान लो हमारी एक कंपनी है अब हमारा एक बिजनेस है अब उस बिजनेस को बहुत सारे लोग पैसा देते हैं इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस शेयर डेट बहुत सारे तरीके का पैसा हमारे पास लगा हुआ होता है बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है, है ना इस पैसे पे जिन्होंने हमें पैसा दिया होता है उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है वो कुछ हमसे इसके बदले में चाहते हैं हमें इनके इनको सर्विस करना होता है सर्विस करने का मतलब है कि इनको बदले में कुछ ना कुछ देना होता है तो जो हम इनको बदले में देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट क्योंकि वो कंपनी के लिए कॉस्ट है जो इन्हें दिया जाएगा यानी अगर मैं इक्विटी को कुछ देता हूँ तो वो के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के लिए इक्विटी का क्या रेट पड़ रहा है कंपनी के लिए रिटेन अर्निंग का क्या रेट पड़ रहा है कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर्स का क्या रेट पड़ रहा है और कंपनी के लिए डेट का क्या रेट पड़ रहा है यानी कंपनी यानी हमारा बिज़नेस इन सभी लोगों को किस रेट पर रिटर्न देता है यानी हमारा बिज़नेस इन सभी लोगों को किस रेट पर रिटर्न देता है ये किस रेट पे कमाते हैं या हमें ये किस रेट पे पढ़ते हैं पढ़ने का मतलब हमारी क्या कॉस्ट है हमें कितने रेट पर इन्हें कुछ देना है समझते हैं आप मेरी बात देखो भैया मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ लूँगा ना तो मैं लंबा सेशन नहीं ले पाऊँगा तो मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करो थोड़े अच्छे स्पीकर अपने पास रखो ताकि मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुँचे ठीक है आइए ज़रा हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ़ डेट के बारे में पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ़ डेट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पहले कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे फिर कॉस्ट ऑफ़ प्रेफरेंस पढ़ेंगे फिर कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी पढ़ेंगे फिर कॉस्ट रिटर्न रनिंग पढ़ेंगे फिर इन सबको कंबाइन करके डब्ल्यू ए सी सी पढ़ेंगे जिसे के ओ बोलते हैं और फिर डब्ल्यू एम सी सी पढ़ेंगे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक्स हैं इस इसमें इस चैप्टर के अंदर आइए पहले के हम स्टार्ट करते हैं के ओ से कॉस्ट ऑफ के डी से कॉस्ट ऑफ डेट से ठीक है जी इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिसे कुछ मेथड्स को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड फिर एक होता है ईल्ड टू मेच्योरिटी वाला मेथड जिसे आई आर आर मैथड भी बोलते हैं तो बेसिकली तीन तरीके से के डी निकाली जाती है इसे बोला जाता है के डी क्या बोला जाता है मेरे बच्चों के डी के डी पहली डेट होती है जो इ डेट है जो सपनों की डेट है सपनों की डेट का मतलब आपने उधार लिया और कभी भी वापस नहीं देना ध्यान देना अब ये जो चैप्टर है ना ये ये भारी चैप्टर है अब इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि डेट को कैसे मैनेज करना है समझना इस बात को तो इ डेट पहला टॉपिक है इ डेट अब इिडीमेबल डेट का मतलब क्या है व्हेन वी डोंट हैव टू पे बैक डेट जब हमें डेट वापिस पे बैक नहीं करनी होती यानी जब हमें डेट वापस पे बैक नहीं करनी होती तो इसे बोलते हैं इ डेट समझ गए आप मेरी बात इन क्वेश्चन व्हेन पीरियड ऑफ डेट इज नॉट मेंशनड यानी जब डेट का रिडम्शन पीरियड मेंशनड नहीं होता ये मेंशन नहीं होता कि भैया डेट वापस कब करनी है कोई ईयर नहीं बताया हुए पांच साल दो साल चार साल कुछ नहीं बताया हुआ तो हम उसे इ डेट मान लेते हैं रिडिमेबल डेट का मतलब क्या होता है फॉर्मुला कैसे निकलेगा रिडिमेबल डेट का इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड होना तो चाहिए नेट प्रोसीड लेकिन आजकल आजकल इंस्टीट्यूट किसे मानता है फॉलो करता है आजकल देखो बेटा नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है नेट प्रोसीड का मतलब है कितने का डिवेंचर था उसमें प्रीमियम अगर इशू हो रहा है तो प्रीमियम ऐड करो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट माइनस करो यानी इस सबको नेट करके हम इशू प्राइस बोल देते हैं इशू प्राइस इशू प्राइस का मतलब है फेस वैल्यू में कितना प्रीमियम या कितना डिस्काउंट ट्रीट हो रहा है यानी हमारा जो डिवेंचर है वो सौ रुपये का है अगर वो दस रुपये के प्रीमियम पे बिक रहा है तो एक सौ दस हो गया इशू प्राइस अगर वो पाँच रुपये के डिस्काउंट पे बिक रहा है तो सौ वाला शेयर पाँच रुपये का डिस्काउंट यानी नाइन्टी फाइव हो गया इशू प्राइस ठीक है तो इशू प्राइस में से फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसिस माइनस होते हैं ब्रोकरेज कमीशन फ्लोटेशन कॉस्ट मैनेजमेंट एक्सपेंस किसी भी नाम से दे दे वो खर्चे माइनस होते हैं तो हमारे पास नेट प्रोसीड आती है बट आजकल इंस्टीट्यूट ज़्यादातर प्रेफर कर रहा है मार्केट प्राइस को लेना अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है तो मार्केट प्राइस को ले लेता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बेटा बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डेट को इशू करने का कोई भी खर्चा है वो फ्लोट करने का खर्चा है डेट को इशू करने का जो भी खर्चा है वो फ्लोट करने का खर्चा है वो सारे इधर आएंगे ठीक है जी बेटा जिनका एक बच्चा पूछा है सर जिनका पेपर 19 तारीख को है यानी मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों के ना एग्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश वाले बच्चों के आगे हो गए हैं उनको यही एडवाइस है कि वो अभी पूरी ताकत से पढ़ लें ताकि आप री रिवाइज़ कर सकें जो इन बच्चों का पेपर होगा वो भी ट्राई कर सकें तो अभी अच्छे से पढ़ो ऐसे लग रहा है दूर है पेपर लेकिन कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा पूरी ताकत से पढ़िए ब्रेक बेटा मैं नहीं दूंगा ब्रेक की जगह मैं पता है क्या करूंगा साथ साथ ही आप अपना खाना वाना खा सकते हैं मेरे साथ साथ ही खाते रहिए ठीक है जी बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस पे लगनी चाहिए लेकिन मॉड्यूल में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उन्होंने फेस वैल्यू पे लगाई हुई है क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा हुआ है अगर क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे लगेगी तो फेस वैल्यू पे लगाओ वरना वो इशू प्राइस पे लगनी चाहिए ठीक है देखिए इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है मार्केट प्राइस को अगर मार्केट प्राइस गिवन हो नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला ठीक है जी इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन यूज मार्केट प्राइस आइए जी अगर हम बात करते हैं रिडीमेबल डेट की तो रिडीमेबल डेट में फार्मूला क्या चेंज होता है देखो इ में ये वाला फार्मूला था लेकिन रिडीमेबल में क्या है कि हमें डिवेंचर वापस भी करना है इस कंसेप्ट को समझो इधर देखो हमने डिवेंचर इशू किया सौ रुपये वाला मान लो उसकी नेट प्रोसीड सौ रुपये थी हमें सौ रुपये मिले अब हमें उस पर दस परसेंट का ब्याज देना है हर साल तो सौ रुपये पे दस दस रुपये देने हर साल लेकिन दस रुपये जो देने हैं उस पर टैक्स बच जाएगा थर्टी परसेंट का टैक्स है तो आई वन माइनस टी करके हमें ब्याज महसूस कितना होगा हम ब्याज देंगे दस रुपये का ध्यान से समझो हम ब्याज देंगे दस रुपये का लेकिन हमारा उस पर थर्टी परसेंट टैक्स बच जाएगा जब हमारा थर्टी परसेंट टैक्स बच जाएगा तो, जाएगा तो ब्याज हमें महसूस कितने का होगा सात रुपये का तो सात रुपये का ब्याज हम देते हैं यानी उस पर हम सात रुपये का ब्याज देते हैं बोलो मेरी बात समझ आ गई आपको यानी हम डेट पे सात रुपये का ब्याज देते हैं अग्री और डिसग्री बिल्कुल अग्री सर तो अगर हम सात रुपये का ब्याज देते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वन टू थ्री फोर फाइव जैसे है हमारे पास ठीक है ना तो हम क्या करेंगे कि ये तुम्हारे पाँच साल थे पाँच साल तक हम सात सात रुपये का ब्याज हमें महसूस हो रहा है दे रहे हैं हम दस रुपये लेकिन महसूस हो रहा है सात रुपये दे रहे हैं हम दस रुपये लेकिन महसूस हो रहा है हमें सात रुपये ये बात भी ध्यान रखना और अंत में हमें ये सौ रुपये वाला डिवेंचर रिडीम करना है एक सौ दस का तो देखो हर साल हमें क्या अरेंज करना है ध्यान से समझना हर साल हमें ये सात रुपये भी देने हैं और हर साल दो दो रुपये एक्स्ट्रा भी अरेंज करने दो दो रुपये एक्स्ट्रा क्यों अरेंज करने हैं क्योंकि अगर सौ रुपए वाला डिवेंचर एंड में एक सौ दस का रिडीम होना है आज मेरे पास सौ रुपए आए थे लेकिन मुझे पाँच साल बाद एक सौ दस रुपये देने हैं तो मुझे हर साल दो दो रुपये इकट्ठे करने पड़ेंगे गुल्लक में डालने पड़ेंगे री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो देखिए ये दो रुपए इधर से आए हैं कैसे रिडमशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड यानी इन दोनों को माइनस करो कि कितने पैसे मुझे लौट आने हैं और कितने पैसे मेरे पास आए थे तो कितने पैसे मुझे लौट आने हैं और कितने पैसे मेरे पास आए थे डिवाइड बाय कितने ईयर्स हैं मेरे पास तो इससे मुझे पता लगेगा पर ईयर मुझे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी करनी है पर ईयर मुझे कैपिटल के लिए कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है ये तो मैं ब्याज दे रहा हूँ ना तो ये तो इंटरेस्ट है ये कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है ये आएगा और डिनोमिनेटर में एवरेज आएगी क्यों क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ थे अगले ईयर में मेरे पास हंड्रेड एंड टू थे फिर हंड्रेड एंड फोर्थ थे फिर हंड्रेड एंड सिक्स थे फिर हंड्रेड एंड एट थे फिर हंड्रेड एंड टेन है तो यानी मैं हर साल आपके नाम के दो दो रुपए इकट्ठे कर रहा हूँ तो वो भी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस में भाई मैंने अपने डिबेंचर के नाम पर दो रुपये निकाले लेकिन उसे दिए तो नहीं दूंगा तो पाँच साल बाद भाई डिवेंचर रिडीम कब होंगे पाँच साल बाद तो लेकिन आपके दो रुपये मैं यूज़ कर रहा हूँ अगले साल में आपके चार रुपये यूज़ कर रहा हूँ उसके अगले साल में आपके छः रुपये यूज़ करूँ तो इतने सारे रुपये तो ले नहीं सकते तो हम क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं हम ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज ले लेते हैं मतलब हम नेट प्रोसीड और रिडम्पशन वैल्यू की एवरेज ले लेते हैं हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और डिवाइड बाय टू कर देते हैं हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं डिवाइड बाय टू कर देते हैं एवरेज ले लेते हैं सिंपल सी बात हम इन दोनों को डिवाइड बाय टू कर देते हैं क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको तो बेसिकली हम यहां पर एवरेज ले रहे हैं यानी पर ईयर हम बेसिकली एवरेज ले, ले लेते हैं तो फार्मूला क्या बनता है देखो फार्मूला बनता है कि हमने कॉस्ट ऑफ डेट कैसे देनी है हमने आपको इंटरेस्ट देना है नेट ऑफ टैक्स वाला क्योंकि जब हम आपको इंटरेस्ट देंगे तो हमारा टैक्स बचेगा मैं रिपीट कर रहा हूँ जब हम आपको इंटरेस्ट देंगे तो हमारा टैक्स बचेगा फिर हमें रिडम्पन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन करना है मतलब मुझे जब आपको रिडमशन देना है जब मुझे आपको पैसे वापस देने हैं रिडम्पन पर पैसे वापस देना है तो साथ साथ मैंने आपसे लिए कितने थे मैंने आपको देने हैं एक और लिए थे सौ तो दस एक्स्ट्रा देने पाँच साल में तो यानी हर साल दो दो रुपये आपके नाम के इकट्ठे करने अब क्योंकि आपके दो दो रुपये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपकी एवरेज फंड्स यूटिलाइज क्या है मैं आप इन दोनों की एवरेज ले लूँगा ले बेसिकली तो रिडमशन वैल्यू और नेट प्रोसीड की एवरेज ले, ले लूँगा रिडम्शन वैल्यू और नेट प्रोसीड की एवरेज ले, ले लूँगा ये मेरे पास के में डिनोमिनेटर में एवरेज आ जाएगी क्या मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ ये बातें क्लियर हो गई के का फॉर्मूला क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तो ये इस तरीके से हमने के निकाल लेना है रिडमेबल डेट के लिए रिडीमेबल डेट समझ आ गया आपको और आगे देखिए एक अब हमने पढ़ना है वाई टी एम अप्रोच के बारे में ठीक है जी सुनिए ये तो बेसिकली हमने वाई टी एम इधर समझाया है आपको आई होप कि आपको वाई टी एम आता है के टी देखिए बेटा के डी वाई टी एम अप्रोच से कैसे आता है पहले आप क्या करते हो इस मेथड में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये जो आई की अप्रोच है ये जो आई अप्रोच है ये आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है बट आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़नी होगी क्योंकि आजकल कॉस्ट ऑफ ज्यादातर क्वेश्चनों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही पूछ रहा है वो एग्जाम में पिछले दो तीन साल को अगर आप उठाकर देखो तो ज्यादातर क्वेश्चनों में वाई पूछ रहा है ईल्ड टू मेच्योरिटी की अप्रोच पूछ रहा है आई की अप्रोच से पूछ रहा है कॉस्ट को याद रखना अब कई बच्चों ने पढ़ी नहीं रखा है ठीक है ना ध्यान दीजिए अब हमें यूल टू मेच्योरिटी ये सबसे टफ अप्रोच है और बहुत ध्यान से पढ़नी है देखिए इस अप्रोच में हम एग्जैक्ट रेट निकालना चाहते हैं क्योंकि देखो जब डेट निकालते हैं ना इधर सुनना डेट के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें इन दोनों फॉर्मूलाज को जो अभी तक हमने पढ़े वो उन्हें बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड उन दोनों को क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्ट मेथड जिसे बोलते हैं ईल्ड टू मेच्योरिटी इसे मैं प्यार से बोलता हूं वाई या फिर आई वाली अप्रोच वाई या आई वाली अप्रोच तो इसमें क्या करते हैं सुनो इस मेथड में हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि डेट ने एग्जैक्टली exactly कितना रेट दिया जिस पे एनपीवी जीरो आएगी तो इसमें हम आ, पहले तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं मैं आपको देखिए ये क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस शीट का दसवा क्वेश्चन है इफ द कंपनी ई शूड टेन परसेंट डिवेंचर ध्यान देना टेन परसेंट डिवेंचर है तो ब्याज का रेट है टेन परसेंट फेस वैल्यू है सौ रुपये की रियलाइजेज रुपीज़ नाइन्टी सिक्स तो हमें मिले हैं नाइन्टी सिक्स तो हमारी नेट प्रोसीड होगी नाइन्टी सिक्स यानी इस क्वेश्चन में हमारी नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड मतलब शुरुआत में जब हमने डिवेंचर बेचे थे हमें कितने पैसे मिले हमें मिले हैं सिक्स शुरुआत में जब हमने डिवेंचर बेचे हमें मिले नाइन्टी सिक्स रुपीज़ ठीक है डिेंचर वाइल द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स कितने साल बाद चुकाने हैं ये बारह साल बाद और प्रीमियम देना है बारह परसेंट का बेटा बारह परसेंट का प्रीमियम देना है यानी सौ रुपए का डिवेंचर था उस पर बारह परसेंट का प्रीमियम यानी रिडम्शन करनी होगी एक सौ बारह रुपए पे यानी हमें मिले थे नाइन्टी सिक्स लेकिन एंड में रिडीम करने हैं एक सौ बारह और बारह साल बाद वो भी कब देने हैं बारह साल बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द यूजिंग वाई टी एम अप्रोच और हमने इंटरेस्ट कितना दिया है दस परसेंट और टैक्स है पचास परसेंट तो एक बात बताओ अगर हम सौ रुपए के डिवेंचर पे दस परसेंट का ब्याज देते हैं तो दस रुपए का ब्याज देते होंगे लेकिन दस रुपए का ब्याज जब वन माइनस टी करोगे तो हमें महसूस कितने का होता होगा ठीक है जी ठीक है जी तो बेसिकली हमें इंटरेस्ट महसूस कितना होता होगा खाली फाइव यानी पचास का तो देखो मैंने इंटरेस्ट बारह साल तक पांच पांच रुपए आपको दिया दिए तो दस रुपए होंगे लेकिन उसमें मेरा टैक्स बचा होगा तो इसलिए मुझे वो महसूस सिर्फ पांच रुपए होते हैं मुझे वो ब्याज महसूस सिर्फ पांच रुपए होता है यहां तक क्लियर है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स तो दस रुपए नेट ऑफ टैक्स किया पांच रुपए आ गया यानी मुझे वो इंटरेस्ट महसूस सिर्फ पांच रुपए का होता है जल्दी से मुझे सब बच्चे बता दो कि क्या ये बात समझ आ गई क्या ये बात आपको समझ आ गई कि हमें इंटरेस्ट महसूस कितने का होता है पांच रुपए का होता है हमें इंटरेस्ट की फील कितनी होती है हमारे हमारे दिल पर कितना लगता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट में इं� पांच रुपए का लगता है बहुत बढ़िया तो इंटरेस्ट हमें पाँच रुपये का महसूस होता है बहुत 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 बढ़िया अब वो कहता है कि इंटरेस्ट हमें पता लग गया ये पूरी हमने टेबल बना ली अब देखो नॉर्मल मेथड से नहीं करना इधर अप्रॉक्सीमेशन मेथड नहीं लगानी अप्रोक्सीमेश मेथड लगाओगे तो आंसर आएगा लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वाई बोला है तो वाई में क्या करना होता है आप दो बार एन निकालते हो दो बार एन निकालो एक बार तो पाँच परसेंट पे निकाल दो क्यों पाँच परसेंट क्योंकि देखो दस परसेंट का ब्याज था देखो फर्स्ट रेट हमेशा ऐसे ही मिलेगा कि दस परसेंट का ब्याज था दस तो परसेंट के ब्याज को नेट ऑफ टैक्स कर दो तो नेट ऑफ टैक्स कर दो पांच परसेंट तो का महसूस होता है तो पांच परसेंट के रेट पे एनपीवी निकालो तो पहले हमने पांच परसेंट के रेट पे एनपीवी निकाली कैसे अब जो नेट प्रोसीड थी जीरो पीरियड पर मिल रही थी 96। उसे हमने आउटफ्लो मान लिया और बाकी सबको इनफ्लो मान लिया उल्टा भी कर सकते थे कि इसे इसे इनफ्लो मान के बाकी सबको आउटफ्लो मान लेते तो भी क्वेश्चन हो जाता तब भी आंसर आ जाता चिंता की बात नहीं है बट आईसीआई ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा करता है इसलिए मैं भी यही फॉलो कर रहा हूं आईसीआई मानता है कि इस क्वेश्चन के लिए वाई के लिए जो हमारे पास आया वो आउटफ्लो है और जो हमारे पास से गया वो इनफ्लो है क्योंकि वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है ऐसे मान सकते हो आप तो नेट प्रोसीड हो गई 96 की गई हमारे पास से इंटरेस्ट एक से बारह साल तक पांच पांच रुपए गया क्यों पांच रुपए दस रुपए क्यों नहीं क्योंकि दस रुपए पर नेट ऑफ टैक्स हो रहा है तो पांच रुपए और ये बारह साल के पीवी फैक्टर को ऐड कर दिया फाइव परसेंट के रेट पे फाइव परसेंट के रेट पे बारह परसेंट का पीवी फैक्टर फाइव परसेंट के रेट पर बारह साल तक के पी फैक्टर निकालो और उन्हें ऐड कर दो बारह साल तक के पी फैक्टर निकालो और उन्हें ऐड कर दो तो जब आप उन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल पी वी फैक्टर ये आ जाएगा अब पा, आप पाँच रुपये से इसे इंटू कर दो और रिडम्पशन वैल्यू बारह साल बाद जब बारह साल खत्म हो जाएंगे बारह साल बाद हमने एक सौ बारह रुपये चुकाने हैं वन वन टू रुपीज़ चुकाने तब का पी वी फैक्टर ये है फाइव परसेंट के रेट पर आई होप आपको पी वी फैक्टर निकालना आता है सबको मैं आशा करूंगा क्योंकि ये रिविजनरी सेशन है इसमें पी फैक्टर वगैरह आपको आते हैं तो ये हमारी पी आ गई अब इन सब का टोटल करो इन सब का टोटल पॉजिटिव आ रहा है यानी हमने पाँच से ज़्यादा कमाया है बेटा अगर पॉजिटिव एन आती है इसका मतलब है कि हमने इधर फाइव परसेंट से ज़्यादा अर्न किया है बेसिकली इफेक्टिव रेट फाइव परसेंट से ज़्यादा है तभी पॉजिटिव आ रहा है हमें ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे एन जीरो आता हो वाई का मतलब होता है हमें एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे एन जीरो आता हो उस रेट पे पहुंचना है तो ये फाइव परसेंट है अब फाइव परसेंट पर अगर पॉजिटिव आंसर है यानी हम इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो रेट बढ़ा दो तो पाँच परसेंट था पाँच के बाद हमने दस निकाल लिया अब वो दस की जगह हम आठ भी कैलकुलेट कर सकते थे चाहते तो पर हमने सीधा पाँच के बाद दस कर दिया यूजली क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा एग्जाम में जब आप कर रहे हो नीचे ना टेबल बनी होगी फाइव परसेंट टेन परसेंट उससे पता लग जाता है कि हमें फाइव और टेन पर निकालना है तो हमने फाइव परसेंट से फिर टेन परसेंट पर आ गए टेन परसेंट पर हमने पी फैक्टर्स को लिया जीरो पीरियड पर तो वन ही होगा एक से बारह साल तक के पी फैक्टर को ऐड किया फिर ये बारहवें साल के पी फैक्टर को दिखाया और अब इन अमाउंट्स के साथ ये जो अमाउंट है इन अमाउंट के साथ अब नए वाले पी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया यानी ए इंटू सी तो ये ए है और ये सी है अब इन अमाउंट्स को हमने नए वाले पी वी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पी वी आ गई और ये पी वी नगेटिव आ गई बहुत अच्छा हुआ कि पी वी नगेटिव आ गई हम यही चाहते थे कि एक एन पी वी पॉजिटिव आए एक एन पी वी नगेटिव आए क्योंकि अगर एक एनपीवी पॉजिटिव आएगी एक तरफ से नेगेटिव आएगी तभी तो बीच में कहीं जीरो आएगा हम उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं जहां एनपीवी जीरो होती है हम उस पॉइंट पे जाना चाहते हैं जहां एनपी जीरो होती है जल्दी बताइए बात समझ आई आपको मैंने क्या कहा जल्दी बताइए क्या ये बात आपको समझ आती है मैंने क्या कहा बहुत बढ़िया तो हमें वाई उस पॉइंट का चाहिए जिस पॉइंट पर वाई जीरो आ जाए बेसिकली एनपी वी जीरो आ जाए तो अब वाई का फॉर्मूला क्या होता है देखो इस इस ट्रिक से समझो फ़ाइव परसेंट पे हमारा पॉजिटिव एन था टेन परसेंट पर हमारा नेगेटिव एन था तो किस रेट पे हमारा जीरो एन है मैं दोबारा बोलता हूँ फ़ाइव परसेंट पर पॉजिटिव एन है टेन परसेंट पर नेगेटिव एन है तो किस रेट पे ज़ीरो एन है कौन सा ऐसा रेट है जिसपे जीरो एन आएगा आपका कोई तो ऐसा भी रेट होगा ना इस पर जीरो एन आता होगा वो निकालना है और ये क्वेश्चन ये जो ट्रिक है बेटा इसे अच्छे से समझ लो क्योंकि अभी समझ लोगे तो के में भी काम आएगी के में भी काम आएगी फिर आगे जब आपका एन वाला चैप्टर होगा उसमें भी काम आएगी रिस्क वाला जो चैप्टर है रिस्क एडजस्टेड कैपिटल वेस्टिंग उसमें भी काम आएगी तो प्लीज़ ध्यान दीजिए चार जगह काम आएगा सेम कन्सेप्ट इसलिए वाई को बहुत ध्यान से समझना होता है तो देखिए हमने 5% के रेट पे इतना एन कमाया 10% के रेट पे इतना एन कमाया बेसिकली नेगेटिव आ गया और जी तो किस रेट पे जीरो एन कमाया वो कैसे निकलेगा वाई बोलते हैं ऐसे आई भी बोल देते हैं इसी रेट को तो आप लिखो लोअर रेट फॉर्मूला क्या होता है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एन पी वी अपॉन डिफरेंस ऑफ एन पी वी इन टू डिफरेंस ऑफ रेट फॉर्मूला क्या है लोअर रेट देखिए लिखा आपने लोअर रेट फिर लोअर रेट वाली एन पी वी अपऑन डिफरेंस ऑफ एन पी वी इन दोनों को माइनस करो तो जब माइनस ऑफ माइनस करोगे वो प्लस हो जाएगा तो नीचे प्लस हो जाएगा और रेट का डिफरेंस फिर रेट का डिफरेंस मतलब टेन परसेंट माइनस फाइव परसेंट यह आ गया इसे सॉल्व करो तो आंसर आया सिक्स पॉइंट फोर फाइव यानी हमें ये बात पता चल गई कि डिबेंचर हमें सिक्स पॉइंट फोर फाइव परसेंट पे महसूस होते हैं हमें पाँच परसेंट पे महसूस नहीं होते दस पे भी नहीं होते हमें महसूस होते हैं सिक्स पॉइंट फोर फाइव परसेंट पे यानी डिबेंचर हमें सिक्स पॉइंट फोर फाइव परसेंट पे महसूस होते हैं हमारा उनका जो असली रेट है वो सिक्स पॉइंट फोर फाइव है यानी अगर आप सिक्स पॉइंट फोर फाइव लेके एन पी वी निकालोगे तो वो एन पी वी का जीरो आएगा यानी एन पी वी जीरो आएगा अगर आप वाई टी एम सिक्स पॉइंट फोर फाइव परसेंट पे लोगे जल्दी बोलो राजन पूछते हैं राजन सिंगला जी पूछते हैं सर एनपी इस वाले आंसर में थोड़ा सा आंसर बदल जाता है हाँ पॉइंटों में आंसर बदल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ परसेंटेज में मनी बदलना चाहिए जैसे मानो मेरा आंसर आ रहा है सिक्स अब आपका आ रहा है सिक्स चल जाएगा आपका आ रहा है सिक्स शायद तब भी चल जाएगा बट उससे ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए मतलब पांच छह पॉइंट्स का डेसिमल के बाद का पॉइंट जीरो इतना अंतर आ रहा है चल जाएगा ईशान भाई स्पैम मत करें बच्चों को पढ़ने दें अच्छे से बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ने दें ठीक है जी देखिए मेरी बातों को बहुत 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 ज़्यादा गहराई से समझिएगा अच्छे से पढ़िएगा इधर हमने फार्मूला भी लिखवा दिया है देखिए क्या फार्मूला होता है वाई टी एम या आई आर आर का लोअर रेट प्लस लोअर रेट एन पी वी अपॉन डिफरेंस ऑफ एन पी वी इं टू डिफरेंस ऑफ रेट ये कहीं लिख कर रखना है तो लिख कर भी रख लो आप लोग जल्दी से लिख कर भी रख लो लोअर रेट प्लस लोअर रेट एन पी वी अपॉन डिफरेंस ऑफ एन पी वी इन टू डिफरेंस ऑफ रेट ये फॉर्मूला है आईआरआर का या वाईटीएम का हमारे लिए ये आंसर है इसी अप्रोच से केडी आजकल पूछा जा रहा है केडी और केपी एग्जाम में आजकल इसी अप्रोच से पूछी जा रही है और मुझे अभी भी हाई चांसेस लगते हैं कि जो परसों आपका एग्जाम है उसमें इसी अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो वो बड़ा भी इसी अप्रोच से आएगा मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा क्वेश्चन भी इसी अप्रोच से आएगा ऐसा मुझे लगता है क्या आप सबको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं मैंने क्या कहा बेटा ऐसा होगा नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही जाएगा आपके पास आपको मल्टीपल टाइम लेना पड़ेगा आई होप ये बात भी क्लियर है चलिए तो हमने के का तीन मेथड पढ़ लिए और हमें तीनों मेथड समझ भी आ गए एक के का और है ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं बट मॉड्यूल के अंदर इसका भी क्वेश्चन है तो मैं पूरी रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए इसे पढ़ा दूंगा के का एक है डी डिस्काउंट मॉडल वाला क्वेश्चन जैसे जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि आज आप बॉन्ड इशू करोगे और बीस तीस साल बाद उस बॉन्ड को रिडीम करोगे और तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे आज बॉन्ड बेचेंगे बीस तीस साल बाद इकट्ठे पैसे देंगे तो बेसिकली हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो बॉन्ड जिन पे कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता इसका मतलब बॉन्ड आज इशू होगा प्रेजेंट वैल्यू पे एक बात बताओ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आई रेस टू पावर एन इज इक्वल टू अमाउंट ये होता था यानी या इधर आर लिख लो आई लिख लो जो भी लिख लो बेसिकली आप प्रिंसिपल देते थे और उस पर ब्याज लगता रहता था कंपाउंड होता रहता था और एंड में सीधा अमाउंट आता था आपको अलग से हर साल हर महीने इंटरेस्ट नहीं मिलता था कंपाउंडिंग होती थी यही फार्मूला यूज़ होता है जब आप जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब आप बॉन्ड इशू कर रहे हो इस दाम पर और मान लो बीस साल बाद पच्चीस साल बाद इतने पैसे रिडीम होंगे मतलब बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इकट्ठा पच्चीस साल बाद पैसा मिलेगा तो जितना पैसा एंड में मिलेगा जितना उसकी फेस वैल्यू है वो एंड में मिलेगा और ये अभी इशू प्राइस है इशू प्राइस मतलब अभी आप कितने का बेच रहे हो बॉन्ड हो सकता है कि एक बॉन्ड पच्चीस साल बाद एक हजार रुपये का रिडीम हो हो सकता है वो अभी पचास चालीस रु, रुपये में मिल रहा हो तो चालीस रुपये का बॉन्ड पच्चीस साल तक इंटरेस्ट को कंपाउंड करता रहेगा और इतने पे बिकेगा एंड में आपको एक हजार रुपये देगा ऐसी कोई वैल्यू मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं इन दोनों के बीच में बहुत बहुत बड़े अंतर होते हैं क्योंकि बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल की कंपाउंडिंग होती है ठीक है ना जैसे देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारे प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बॉन्ड है जो थ्री सेवन फाइव ज़ीरो का इशू हो रहा है अभी और पच्चीस साल बाद डेढ़ लाख का रिडीम होगा सोचो सिर्फ आज आप खरीद लो अब आप सोचो आज आप खरीद रहे हो थ्री सेवन फाइव जीरो का और पच्चीस साल बाद वो रिडीम होगा डेढ़ लाख रुपए का पच्चीस साल बाद वो रिडीम होगा डेढ़ लाख रुपए का क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा थ्री सेवन फाइव जीरो से रिडीम होगा सीधा डेढ़ लाख का इतना महंगा ठीक है जी तो आप जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपको रेट निकालना पड़ता है तो आप इसे डिवाइड करेंगे फिर आपके पास वन प्लस आ रही टू पावर ट्वेंटी फाइव इक्वल टू दिस है फिर इसमें आ, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके फोर्टी आ रहा है तो यहाँ पे पावर ट्वेंटी फाइव है वहाँ जाके के वन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगी अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग से एक आपको नोट बता चुका हूँ याद है ना आपको कि इस फिगर को टाइप करो बारह बार अंडर रूट करो माइनस वन करो डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव करो फिर प्लस वन करो इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू बारह बार करो फिर ये आंसर आ जाएगा ये बेसिकली इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो आपने फाउंडेशन में सीखी हुई है वैसे मैंने क्लास में नोट्स लिखवाए हुए बट आप सब बच्चों ने फाउंडेशन में भी सीखी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आती है जरा सभी लोग बता दो कि क्या इसकी कैलकुलेशन फाउंडेशन में सीखी हुई है राइट तीर्थ ठीक है जी आइए अगर सीखना होगा तो फिर अलग से एंड में सिखा दूंगा बट अभी के लिए नहीं तो ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड की बात होती है ठीक है जी एक और कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर अब देखो ये वो पॉइंट है जो कराते नहीं है लोग डिस्कस रेगुलर बैच तक में नहीं पढ़ाते हम तो फास्टेक में भी पढ़ाते हैं बच्चों को तो इन सबको पढ़ना जरूरी है ध्यान से समझना अगर आप इशू करते हैं सौ रुपये का एक डिवेंचर मान लो और उस वक्त आप ये कहते हैं सौ रुपये का एक डिवेंचर है लेकिन आप उन्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं उस वक्त क्योंकि शेयर प्राइस बीस रुपये का था तो आपने शेयर को ईश आपने डिबेंचर को इशू करते हुए अपने शेयर होल्डर को एक वादा किया कि देखो आप मुझसे डिवेंचर ले लो लेकिन मैं आपको पाँच साल बाद कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहा हूँ कन्वर्जन के ऑप्शन का मतलब है कि पाँच साल बाद जब रिडीम होने होंगे तो या तो आप सौ एक एक डिवेंचर सौ रुपये में रिडीम करा लेना जितने का इशू है फेस वैल्यू पे रिडीम करा लेना नहीं चाहोगे तो आप उन्हें पाँच इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेना और फिर इक्विटी मार्केट में भेज देना यानी अगर आप चाहोगे तो एक शेयर के बदले में आपको पाँच शेयर्स मिल जाएंगे और उस वक्त जो भी दाम होगा उस हिसाब से यानी आज क्योंकि सौ रुपये का डिवेंचर है और बीस रुपये का शेयर है तो पाँच शेयर मिलकर एक एक डिवेंचर बनते हैं पाँच शेयर मिलकर एक डिवेंचर बनते हैं तो इसीलिए कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आप आज मुझसे एक डिवेंचर खरीद लो आप मुझसे एक डिवेंचर खरीद लो और पाँच साल बाद आना या तो डिवेंचर के बदले में डिवेंचर के पैसे ले जाना सौ रुपये पूरी फेस वैल्यू ले जाना या फिर अगर आपको लगेगा नहीं यार मुझे फेस वैल्यू नहीं लेनी तो आप इक्विटी ले लेना मुझसे कन्वर्ट कर लेना आप मुझसे इक्विटी में कन्वर्जन करा लेना तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है करना नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही है बस ध्यान रखना है कि रिडम्पशन वैल्यू या तो सौ रुपये होगी या फिर फाइव शेयर इंटू ट्वेंटी एट मान लो उस दिन शेयर का दाम ट्वेंटी एट है आखिर में शेयर का दाम ट्वेंटी एट है तो ट्वेंटी एट इंटू फाइव यानी वन फोर्टी तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या चाहोगे आप एक एक बताओ आप एक इन्वेस्टर बनकर बताओ आप ईमानदारी से बताना मुझे सब लोग बताना आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी एवरीबडीज सिटिंग इन द चैट आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी कि क्या आप मुझे ये बताओ एक डिबेंचर के सौ रुपए लोगे अंत में या एक डिबेंचर के बदले में पांच शेयर ले लोगे अट्ठाईस से अट्ठाईस रुपए वाले आप मुझे बताओ क्या करोगे यानी जब आपको रिडमशन का ऑफर मिलेगा तो आप सौ रुपए लोगे या वन फोर्टी रुपीज लोगे क्या प्रेफर करेगा कोई भी इन्वेस्टर क्या प्रेफर करेगा कोई भी शेयर होल्डर क्या प्रेफर करेगा तनिष्का ने कहा कि शेयर को प्रेफर करेंगे फैजान ने भी कहा कि शेयर्स को प्रेफर करेंगे खुशी ने भी यही कहा वंश ने भी यही कहा सुनिए तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक शेयर के बदले में कितना पैसा मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा तो एक शेयर के बदले में हमें अट्ठाईस रुपए मिल रहे हैं और अट्ठाईस रुपए के हिसाब से पांच शेयर मतलब वन फोर्टी होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि शेयर का पैसा ज्यादा है रिडम्शन वैल्यू ऑफ डिवेंचर से तो ऑब्वियस सी बात है हम कन्वर्जन कराएंगे और हम अब वन फोर्टी रुपीज लेंगे एंड में तो जो आरवी कंसिडर होगी वो वन फोर्टी रुपीज कंसिडर होगी यानी अब आप क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करो जैसे भी करना है यानी अब आप क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करो बस आप ये दिखाओगे कि इशू सौ पे है और यहाँ पे 140 आ जाएगा मतलब यहाँ पे आप 100 मत लेना 140 लेना ये कहना चाहता हूँ और नॉर्मल तरीके से के कैलकुलेट करना करना के ही कैलकुलेट जैसे भी करते हो आप अप्रॉक्सिमेशन मेथड से वाई टी से जो भी बट उसमें जो रिडमशन वैल्यू लेनी है वो वन फोर्टी लेनी है क्यों वन फोर्टी लेनी है क्योंकि अब कंपनी ने आपको वादा किया हुआ है कि कंपनी में आप चाहो तो अपने सौ रुपये का डिवेंचर सौ रुपए में रिडीम करा सकते हो वरना पांच शेयर बनवा सकते हो अगर आप पांच शेयर बनवाओगे तो पांच शेयर वन फोर्टी के पड़ेंगे अगर आप कंपनी से पांच शेयर ले लेते हो तो पांच शेयर वन फोर्टी के पड़ेंगे ये भी तो सोचो तो अगर आप चाहो तो वन फोर्टी के शेयर ले सकते हो एम आई एप्सिल्यूटली क्लियर अबाउट दिस बस इतनी सी बात है कि कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी वो क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा अगर कन्वर्जन वैल्यू मान लो नब्बे रुपये बन रही है मान लो पांच शेयर अठारह अठारह रुपये के तो कन्वर्जन वैल्यू नब्बे बन रही है और रिडम्पशन वैल्यू सौ बन रही है तो ये बेटर है तो अब आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए शेयर आप मना कर दो कंपनी को मुझे नहीं चाहिए शेयर वेयर शेयर तो सस्ते हैं शेयर पिट गया है तुम्हारा मार्केट में तुम्हारा तो शेयर नब्बे रुपये का हो गया मुझे शेयर नहीं चाहिए मुझे तो मेरे डिवेंचर के सौ रुपये वापस कर दो तब हम रिडम्पशन वैल्यू हंड्रेड लेके करेंगे तब हम वन फोर्टी ना लेके हंड्रेड लेके क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व ठीक ना मतलब आपने शेयर होल्ड आपने डिवेंचर होल्डर को अधिकार दे रखा है कि भाई तू डिसाइड कर ले कि तेरे को एंड में शेयर चाहिए या तेरे को मतलब आपको एंड में शेयर चाहिए या आपको एंड में डिवेंचर के पूरे पैसे चाहिए जो डिसाइड करना है कर लो हाँ, बेटा ये एजम्पन नहीं है पहली बात तो अब्दुल ने पूछा अब्दुल कादिर जी ने पूछा कि सर क्या हमें एजम्पन लिखनी है एजम्पन नहीं लिखनी क्वेश्चन में साफ साफ मेन क्वेश्चन के अंदर लिखना है सिंस आप ये लिखोगे कन्वर्जन इज बेटर वी वुड गो फॉर कन्वर्जन और अगर लिखेंगे कन्वर्जन इज नॉट बेटर तो वी लिखेंगे वी आर ओनली टेकिंग डिचर रन वैल्यू नॉट कन्वर्जन वैल्यू बिकॉज इट इज़ अनफेवरेबल फॉर अस ये बात लिखनी पड़ेगी आपको हाँ ये जो फिगर जो भी डिसाइड होगी ना जो भी हायर होगी वो उसे आर वी मान के करना है उसे आर वी मान के जो हमारी कैलकुलेशन थी ना हमने के डी के भी फॉर्मूले इधर समझो एक बारी मैं आपको के डी के फॉर्मूले बता दूँ हमने के डी में क्या क्या पढ़ लिया ज़रा सोचो हमने के डी में क्या क्या पढ़ लिया हमने के डी में, में पढ़ लिया इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स और ये पढ़ लिया नेट प्रोसीड या फिर मार्केट वैल्यू है ना ये तो एक फॉर्मूला हो गया इ रिडीमेबल दूसरा फार्मूला क्या पढ़ लिया इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर अपॉन रिडम्शन वैल्यू प्लस नंबर ऑफ प्लस नेट प्रोसीड बाई टू एवरेज फंड यूटिलाइज तो जो इसमें ये आर है ना आर यहां पर वो वैल्यू यूज होगी कि सौ यूज हो या वन यूज हो कन्वर्टेबल में जो हायर वैल्यू होगी वो यूज करोगे ऑब्वियसली कोई भी बंदा अपना नुकसान नहीं चाहेगा अगर मेरे पास कन्वर्जन का राइट right है और अगर कन्वर्जन करने पर मुझे महंगे शेयर्स मिल रहे हैं मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वो कराऊंगा और नहीं मिल रहा प्रॉफिट तो नहीं कराऊंगा तो फिर मैं खाली डिवेंचर के पैसे ले लूंगा बेटा इक्वल हुआ तो आपकी चॉइस है आप जो भी करो फिर फिर क्या दिक्कत है ये तो फिर इंडिफरेंस पॉइंट हो गया क्या दिक्कत है कुछ भी करो दोनों में आंसर बराबर ही आएगा ठीक है ना राज बड़े हो जाओ बेटा लेट्स ग्रो अप आइए जरा आगे देखते हैं अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसे ही दो दो तीन मेथड हैं एक इ प्रेफरेंस शेयर एक, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिन दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ होता है जो हमने पढ़ा है और फिर एक आई का मेथड ठीक है ना देखिए इ प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिट अपॉन अपॉन देखो अब इन दोनों में फ़र्क पता है क्या है जैसे इसमें इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करते हैं लेकिन जब केपी निकालते हैं केपी तो प्रेफरेंस डिविडेंट रखते हैं नीचे नेट प्रोसीड या मार्केट वैल्यू रखते हैं लेकिन इसे नेट ऑफ टैक्स नहीं करते हैं क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंट पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और ये वाला फार्मूला भी सेम होता है कि जब के निकालोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंट लोगे रिडम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन अपॉन रिडम्शन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई टू सब कुछ सेम है देख रहे हो सब कुछ सेम है लेकिन बस नेट ऑफ टैक्स नहीं होता मतलब ये वाला जो स्टेप है ना नेट ऑफ टैक्स वाला ये वाला स्टेप इधर नहीं होता इधर सीधा सीधा प्रेफरेंस इवेंट आ जाता है बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा बोलिए क्लियर है बहुत बढ़िया और फिर इसका भी वाई टी एम अप्रोच बिल्कुल वैसा ही है जैसा के डी के लिए था बिल्कुल वैसे ही वाई टी एम अप्रोच होगा क्या होगा देखो वाई टी एम अप्रोच में मैं एकदम एक बारी बहुत क्विकली आपको बता दूं वाई टी एम अप्रोच में क्या करेंगे हम वैसे ही एक टेबल बनाएंगे दो अलग अलग परसेंटेजेस लेकर देखिए आप क्या करेंगे जैसे एट फाइव परसेंट मान लो बेसिकली ये वो रेट होगा जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट होगा फिर ये रेट या तो बढ़ाकर आएगा या घटा कर आएगा आप इस रेट पे पहले दिखाओगे नेट प्रोसीड कितनी है जब टाइम पीरियड जीरो है तो आप बेसिकली ये दिखाओगे कि टाइम पीरियड कितना था तो आपके पास अमाउंट कितना आया था मान लो आपके पास सौ रुपये आए थे तो उसे आप नेगेटिव दिखा दोगे तब भी फैक्टर वन होता है तो बेसिकली ये हो सकता है आप एट परसेंट पर कैलकुलेट कर रहे हो क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आया हो तो नेगेटिव आता है तो रेट बढ़ा कर करते हैं और पॉजिटिव आता है तो रेट घटा कर करते हैं नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया अगर अगर इधर पॉजिटिव आता है यानी हम पाँच परसेंट से ज़्यादा कमा रहे हैं तो रेट बढ़ा दो और अगर नेगेटिव आता तो रेट घटा देते फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे मान लो फिर इधर हम प्रेफरेंस डिविडेंट दिखाएंगे कि हम कितना प्रेफरेंस डिविडेंट दे रहे हैं जैसे एक से दस साल तक मान लो दस साल तक का प्रेफरेंस शेयर है फिर दस साल के बाद रिडम्पशन वैल्यू दे रहे होंगे दस साल के बाद वो कितनी आ रही है वो सब दिखाओ और इधर नेगेटिव आंसर निकालो फिर वही वाला फार्मूला लगाओ कौन सा एक नंबर लाइन बना लो कि पाँच परसेंट पे एन कितनी आ रही थी और आठ परसेंट पर एन कितनी आ रही थी ये पॉजिटिव आ रही होगी ये नेगेटिव आ रही होगी हमें जीरो कितनी परसेंटेज पे एन जीरो होती है वो ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे वाई टी अप्रोच से प्रेफरेंस डि बेसिकली के कैसे निकालेंगे वही निकालेंगे लोअर रेट क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको याद है लोअर रेट प्लस लोअर रेट वाली एनपीवी अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी इनटू इनटू डिफरेंस डिफरेंस ऑफ ऑफ रेट रेट ये वाला फॉर्मूला बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा देखो इस रिवीजन का सिर्फ ये पर्पस है आप खुद बैठोगे ना तो आप डेप्थ में नहीं करोगे रिवीजन और डेप्थ में करोगे तो टाइम ज्यादा लगा दोगे मेरे साथ ये फायदा है आप डेप्थ में भी कर पा रहे हो और थोड़ी तेज भी कर पा रहे हो अभी हमने सिर्फ आपको एक बात हो अभी आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत लंबा सेशन हो गया लेकिन ईमानदारी से बताऊँ अभी डेढ़ घंटा हुआ है पढ़ते हुए सिर्फ सिर्फ वन एंड हाफ आवर हुआ है वन एंड हाफ़ आवर में आप देखो बेटा वन एंड एंड हाफ आवर के हिसाब से हम सही चल रहे हैं हमारा अच्छा प्रिपरेशन हो रही है क्योंकि हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं ठीक है जी तो ये वाई आ गया फिर आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बहुत सारे फॉर्मले मैं आपको एक एक करके लिख के दिखाता हूँ ठीक है जी देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कौन कौन से फॉर्मले बनते हैं मैं लिख के समझा देता हूं तो आपको इधर देखिए के ई -E के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं जैसे कि एक होता है डिविडेंड प्राइज मॉडल है ना डीपीएस मॉडल डिविडेंड प्राइज मॉडल जिसे हम बोलते हैं इसमें के ई -E कैसे निकलता है डीपीएस अपॉन एमपीएस से ठीक है एक होता है के ई -E का फॉर्मूला अर्निंग प्राइज मॉडल अर्निंग प्राइज मॉडल में ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर देखते हैं फिर एक होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इसमें क्या करते हैं के ई निकलता है देखिए डी जीरो में ग्रोथ ऐड करो यानी एक साल बाद का एक साल बाद का वैल्यू लो आप तो एक साल बाद की वैल्यू लो बेसिकली डी वन अपॉन शुरू वाला प्राइस प्लस ग्रोथ ये के ई का रेट होगा के ई का रेट क्या होगा एक साल बाद का डिविडेंड अपॉन आज का प्राइस प्लस ग्रोथ क्योंकि शेयर देखो अब इसमें समझो ये शेयर प्राइस की ग्रोथ है ये डिविडेंड और उसकी ग्रोथ है ये डिविडेंड है पुराना और उसकी ग्रोथ है और ये आज की इन्वेस्टमेंट है जो हमने जीरो पीरियड पे की है क्योंकि मैं अगर जीरो पीरियड पे इन्वेस्ट करता हूँ तो डिविडेंड मुझे एक साल बाद मिलता है अगर मैं आज शेयर में पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे डिविडेंड एक साल बाद मिलना चाहिए आज नहीं मिलना चाहिए इसी के एक मॉडिफिकेशन में अर्निंग प्राइज मॉडल भी बना दिया लोगों ने अर्निंग प्राइज़ मॉडल में अर्निंग जीरो पीरियड की देखते हैं फिर उस पर ग्रोथ लगाते हैं प्लस अलग से शेयर प्राइस की ग्रोथ लगाते हैं अपॉन पी करते हैं यानी आप इन दोनों फार्मूलाज में सेम बात कर रहे हैं अर्निंग को ग्रोथ कर रहे हैं या डिविडेंड को ग्रोथ कर रहे हैं ये, ये मैटर करता है मतलब आप अर्निंग की ग्रोथ, तो आप की ग्रोथ कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला और आप डिविडेंड की ग्रोथ कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप कि के ई ऐसे आएगा डिविडेंड वन अपॉन पी ज़ीरो प्लस जी मतलब हमने डिविडेंड वन दिखाया है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एस वन अपॉन पीओ प्लस जी ये बात याद रखनी है कि जो प्राइज है वो बिगनिंग का होना चाहिए पी जीरो पीरियड का होना चाहिए जीरो पीरियड मतलब आज का पीरियड ठीक है ना जीरो पीरियड मतलब आज टूडे और वन पीरियड मतलब एट एंड ऑफ वन ईयर एट एंड ऑफ वन ईयर वन पीरियड तो ये जीरो पीरियड हो गया ये वन पीरियड हो गया ये टूडे हो गया एट एंड ऑफ वन ईयर हो गया क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको जीरो पीरियड और वन पीरियड दोनों समझ आ गए क्या ये बातें क्लियर हैं है? हाँ या ना इज इट क्लियर आगे देखते हैं फिर और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं आइए एक करके जरा तेजी से पढ़ते चलते हैं हम फॉर्मुला देखिए पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यूज होता है डिविडेंड प्राइस मॉडल डिविडेंड प्राइस मॉडल में डी अपॉन एम देखा जाता है डी कैसे आता है कि जो कंपनी ने कमाया उसे डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड कितना दे दिया उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो तो डी आएगा अर्निंग को डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करो तो ई आएगा तो डी पी एस अपन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इसी को रेसिप्रोकल करके वन बाय पी ई रेशियो भी कहते हैं ये आखिरी चॉइस होती है अब सोचो एक बहुत बढ़िया बात है अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझे के ही चाहिए और यही कहीं से भी नहीं निकल रही मान लो कि किसी भी और फॉर्मूला से नहीं निकल रही मेरी बात को ध्यान से समझना अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और केई -E कहीं से भी नहीं निकल रही निकल ही नहीं पा रही कहीं पे फंस गया केई -E में केई कैलकुलेट ही नहीं हो रही अगर केई कैलकुलेट -E नहीं हो रही तो वन बाय और पीई रेशो की बनाए तो वन बाय पीई रेशो से केई कैलकुलेट -E हो जाती है बट ये लास्ट चॉइस होनी चाहिए मैं पहले ही बता दूं ये लास्ट चॉइस होनी चाहिए फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए कभी भी पहले नहीं लगनी चाहिए आखिरी अप्रोच है हमारी ठीक है अगला आता है डिविडेंड डिविडेंड ग्रोथ ग्रोथ मॉडल मॉडल बेटा मतलब अगर मैं आज शेयर में पैसे लगाऊंगा तो डिविडेंड मुझे एक साल बाद वाला मिलना चाहिए तो डी वन अपॉन पीओ प्लस जी ठीक है जी और देखिए बेटा आई यहां पर क्या लेता है इशू प्राइस में आ, फ्लोटेशन कॉस्ट ले या मार्केट प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट ले तो वो इन्हें प्रेफर करता है मतलब वो अगर फेस वैल्यू दी हुई हो ध्यान से सुनना फेस वैल्यू दी हुई हो तो उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करता है वो प्रेफर करता है मार्केट प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट को लेना कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है आईसीआई आजकल क्या कर रहा है देखो मैं एक बात को साफ साफ बता दूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें मार्केट प्राइस दी होगी आप मार्केट प्राइस में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके कर देना आईसीआई क्योंकि आजकल ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसे ही कर रहा है और आप ऐसा कर दीजिएगा और नोट लिख दीजिएगा आईसीआई ये चीज प्रेफर कर रहा है आजकल जो प्रेफर कर रहा है हमें वही करना है ठीक है जी मार्केट प्राइस को लेना प्रेफर कर रहा है आजकल इंस्टीट्यूट ओके अब पता है दिक्कत क्या इंस्टीट्यूट खुद अपनी बातों पे नहीं टिकता पता है क्या आरटीपी में कुछ कर देगा मॉक टेस्ट पेपर में कुछ कर देगा मॉड्यूल में कुछ कर देगा अब आप देख रहे हो अब आप कंफ्यूज हो क्यों कंफ्यूज हो कितने बच्चे इसी बात से कंफ्यूज हैं बहुत सारे बच्चे इसी बात से कंफ्यूज हैं कि सर कहीं वो इशू प्राइस ले लेता है कहीं वो मार्केट प्राइस ले लेता है कहीं वो नेट प्रोसीड ले लेता है ठीक है हाँ नोट जरूर डाल देना जो भी कर रहे हो नोट डाल देना मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा और आप कंफ्यूज हो तो मार्केट प्राइस लेके क्वेश्चन कर दो सिंपल मार्केट प्राइस को में मिलो और क्वेश्चन कर दो नीचे नोट लिख दो ओके okay? नहीं इंटेंशनली नहीं किया जाता एक्चुअली में क्या है कि बुक किसी अलग ऑथर ने, ने लिखी इंस्टीट्यूट के लिए पेपर किसी अलग ने बंदे ने सेट किया मॉक टेस्ट पेपर किसी अलग ने सेट किया आरटीपी किसी अलग बंदे ने सेट करी वो अलग अलग लोग सेट करते हैं तो सबका अपना अपना व्यू है हर कोई अपने व्यू से कर देता है वो ये नहीं सोच पाते है कि बच्चे का व्यू कहाँ जाएगा आईसीआई का क्या व्यू आई सी का अपना कोई व्यू नहीं है जितने लोग आते हैं वहां लिखने क्वेश्चन उनका व्यू है सिंपल ठीक है जी ये तो आपको पता है कि अगर डिविडेंड जीरो पीरियड का होता है तो उस पर ग्रोथ लगा के एक साल बाद का डिविडेंड निकाल लेते हैं ठीक है जी ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं देखो ग्रोथ रेट दो तरीके से निकलती है अगर क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो पता हो तो रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करके ग्रोथ रेट आती है अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट चाहिए हो तो ग्रोथ रेट कैसी आएगी रिटेंशन रेट इंटू रेट ऑफ़ रिटर्न को मल्टीप्लाई करके और अगर क्वेश्चन में मल्टीपल ईयर्स दिए हुए मल्टीपल ईयर्स जैसे सोचो ये बोला है कि 2010 हज़ार का डिविडेंड था चालीस रुपये और 2014-15 का डिविडेंड था पचास रुपये ये बताया है हमें अब मल्टीपल ईयर्स का डिविडेंड दिया हुआ है

तो अब हमने चालीस रुपये पर चार साल की ग्रोथ लगा के पचास रुपये बना दिया इसे सॉल्व कर दिया उधर ले गए फिर जी को सेल सिम्प्लीफाई कर दिया ये वही वाली ट्रिक है बेटे बारह बार अंडर रूट प्रेस करो माइनस वन करो प्लस वन करो डिवाइड बाय फोर करो फिर प्लस वन करो इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू बार बार करो तो ये आंसर आ जाएगा अब आप ये सब सीख चुके हैं नहीं सीखा है तो मुझसे अंत में क्लास के सीख लीजिएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है अगर बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती तो आप अंत में सीख लेना बाकी बच्चे जब चले जाएंगे तो बोलिए ग्रोथ की समझ आ गई बात ग्रोथ कैसे निकलती है अगर क्वेश्चन में ग्रोथ ना हो ज्यादातर क्वेश्चन में ग्रोथ डायरेक्टली गिवन होती है अगर ग्रोथ गिवन ना हो दो फॉर्मुले बताओ जरा जल्दी से मुझे ग्रोथ के दोनों बताओ देखो मैं एक बात बताऊं बहुत सारे बच्चे ना इतना अब मैं एक सच सच्चाई बता दूं आपको एकदम सच बोल दू सच्चाई यह है कि बच्चे पढ़ाई का ढोंग करना चाहते हैं बच्चे पढ़ाई का ढोंग करना चाहते हैं आखिरी दिन भी वो पूरा नहीं पढ़ना चाहते वो चाहते हैं यार हल्के हल्के दो चार पांच फॉर्मूले बता दो हर चैप्टर में और चमका दो हमें आसान आसान से चार क्वेश्चन करा दो और बोलो कि वाह रिवीजन हो गई चैप्टर खत्म हो गया वाह बच्चा तालियां बजाएगा और मज़ा आएगा बेटा फिर एग्ज़ाम में क्या करेगा एग्जाम वाले दिन रो रहा होगा मैं सच बोलता हूँ मैं झूठ नहीं बोल सकता मैं घुमा फिरा के नहीं बोलता मुझसे इसी वजह से बच्चे थोड़े परेशान भी रहते हैं लेकिन वो मैं हमेशा बोलता हूँ एग्ज़ाम वाले दिन मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि एग्जाम जब देकर आते हैं तब उन्हें समझ आता है कि सर जो कहते थे वो सब सही था जिस अप्रोच से उन्होंने पढ़ाया वो अप्रोच एग्जाम में काम आती है वो बात उन्हें समझ आ जाती है उस दिन तो एग्ज़ाम से पहले आप किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते हो सच बता रहा हूँ मैं आपको तो दिक्कत यह है कि बच्चे भारी पढ़ना ही नहीं चाहते जबकि एग्जाम भारी आता है आजकल इंस्टीट्यूट अब अव लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं आप ईमानदारी से बताओ सच बताओ आप मुझे आप, आपको लग नहीं रहा कि इंस्टीट्यूट ठीक पेपर बना रहा है बच्चों वाले पेपर नहीं बना रहा एकदम ऐसे टॉफी टॉफ़ी टॉफी टॉफी नहीं बांट रहा इंस्टीट्यूट मेहनत कर रहा है क्वेश्चन पे काम कर रहा है क्वेश्चन में एडिटिंग कर रहा है क्वेश्चन के अंदर घुमा रहा है एक नई लाइन ऐड कर देता है क्वेश्चन के अंदर बने बनाए क्वेश्चन के अंदर एक नई लाइन ऐड करके पूरे क्वेश्चन का रूप रंग बदल देता है वो कब कर सकते हो वो तभी कर सकते हो जब आपने अच्छा पढ़ाओ अब मैंने एक बात हो मेरे लिए बड़ा आसान है मैं अभी कभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है ना मैं अभी के अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैंने ये फॉर्मले लिखे अब मैं ये फॉर्मले लिखता और आगे बढ़ जाता बात खत्म मैं ग्रोथ रेट पे डिस्कशन ही ना करूं कि ग्रोथ कैसे निकलती है बेटा अगर एग्जाम में ये फॉर्मूले के साथ ग्रोथ रेट डिराइव करनी आ गई तो बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा ना जब तक उसने रिवीजन नहीं करी अब मैं यही फर्क बताता हूं चमकाने में और पूरा पढ़ने में हमें पूरा पढ़ना है हमें चमकना नहीं है हमें कहीं रेट रेस में नहीं भागना कि मेरे इतने चैप्टर कवर हो गए इतनी देर में कवर हो गए ठीक है ना इस बात को समझो आप पढ़ने बैठे हो लॉजिकली पढ़ो अच्छे से पढ़ो आई होप कि बहुत सारे बच्चे इस बात को वैल्यू करेंगे सुनिए तो ग्रोथ रेट अगर नहीं दी होती तो कैसे निकलती है बी इन आर रिटेंशन रेट इंटू रेट ऑफ रिटर्न से और अगर मल्टी ईयर का क्वेश्चन होता है मल्टी ईयर में पुराना डिविडेंड नया डिविडेंड पता होता है तो उनके हेल्प से ग्रोथ रेट डिराइव कर सकते हैं ठीक है जी बेटा मैं ब्रेक नहीं दूंगा बीच में अगर कभी एक दो चैप्टर अभी दो तीन चैप्टर हो जाए फिर देखेंगे दस मिनट का ब्रेक अभी अभी तो नहीं अभी तो पढ़ना ही स्टार्ट हुए आठ बजे साढ़े दस ग्यारह बजे के आसपास कभी देखेंगे अगर ब्रेक की जरूरत हुई वैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ बारह साढ़े बारह बजे तक आज चार पाँच चैप्टर निपटा दूँ फिर जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ा वैसे ही एक अर्निंग ग्रोथ मॉडल भी होता है ठीक है जी ये है वो तरीका कि कैसे आप निकालते हैं फ्रैक्शनल पावर जिन बच्चों को नहीं आती है वो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो फोटो खींच के रख लो इस नोट की फोटो खींच के रख लो ये आपके काम आएगा मैं एंड में बता दूंगा कि ये कैसे यूज होता है ठीक है जी ठीक है जी उस वो बेटा जो डिफरेंट ग्रोथ रेट आता है उसके बारे में बात करेंगे वो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में आता है कृष्णा इसका मतलब यह है कि आपके कॉन्सेप्ट की धजियाँ उड़ी हुई हैं ठीक है ना आइए जरा ध्यान देते हैं आपको चैप्टर भी समझ नहीं आ रहे कौन से चैप्टर की बात हो रही है आइए वी शुड यूज़ एक्स डिविड प्राइस एक और इंपॉर्टेंट बात हमें हमेशा एक्स डिविड प्राइस यूज करना होता है जो प्राइस लेना होता है ना डिनोमिनेटर में वो एक्स डिविडेंट होना चाहिए एक्सक्लूडिंग डिविडेंट होना चाहिए डिविडेंड को हटा कर होना चाहिए वो कम डिविडेंट नहीं होना चाहिए कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि डिविडेंट इलूड करके देता है कभी कभी क्वेश्चन आपको कम डिविडेंट प्राइज दे देगा तो आपको बड़ी चालाकी से क्या करना है कम डिविडेंट प्राइज मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंट तो आप उसमें से डिविडेंट हटा दो तो वो एक्स डिविडेंट प्राइज बन जाएगा उसे लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको हमेशा शेयर एक्स डिविडेंड प्राइस पे लेके क्वेश्चन करना है ऐसे भी दो क्वेश्चन है हमारे पास बुक में जिसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है तो डिविडेंड हटाओ फिर कम डिविडेंड प्राइस देकर क्वेश्चन करो अगला मेथड है सीए पी एम सी एपीएम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सीए पी एम यहा है कि अगर मेरे पास पैसा है और अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊ तो मुझे कितना रिस्क होता है और रिस्क रिस्की वजह से मैं कितना ज्यादा कमाऊंगा अगर किसी कंपनी पर लगाता हूँ तो देखिए अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपने पैसे को कहीं रिस्क फ्री जगह पर बैंक एफ डी में लगाकर गवर्नमेंट के पास लगाकर रिस्क फ्री रेट तो कमाई सकता था अब रिस्क फ्री रेट के अलावा अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगाता हूँ तो स्टॉक मार्केट में कमाने की क्या उम्मीद है देखो स्टॉक मार्केट की एवरेज रिटर्न है ई आर एम इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द मार्केट इस बात को ऐसे समझिए इस बात को आप ऐसे समझिए देखिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ अगर मैं अपना पैसा शेयर में ना लगाऊँ तो रिस्क फ्री रेट तो मैं कमा ही सकता हूँ मान लो कि गवर्नमेंट मुझे सात परसेंट ब्याज देती है तो सात परसेंट ब्याज तो कोई भी कमा सकता है भाई अपना पैसा लो और रिस्क फ्री जगह पे लगा दो बात खत्म अपना पैसा लो और रिस्क फ्री जगह पे लगा दो यानी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि रिस्क फ्री रेट पे तो कोई भी पैसा लगा सकता है रिस्क फ्री रेट पे तो कोई भी बंदा पैसा लगा सकता है बिल्कुल सही बात है सर रिस्क फ्री रेट पर तो कोई भी बंदा पैसा लगा सकता है अब आप मुझे ये बताओ कि रिस्क फ्री रेट पर अगर आप पैसा लगा लेते हो अगर मान लो मैं स्टॉक मार्केट में जाता हूँ तो एवरेज पे स्टॉक मार्केट क्या कमा के देती है मान लो कि स्टॉक मार्केट कमाती है पंद्रह परसेंट यानी रिस्क फ्री से कितना ज्यादा यानी रिस्क फ्री से आठ परसेंट ज्यादा तो बेसिकली इसे बोला जाता है आठ परसेंट जो आप ज्यादा कमाते हो इसे बोला जाता है रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम मतलब कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप आठ परसेंट ज्यादा कमा सकते हो रिस्क लेने की वजह से क्योंकि ये तो बिना रिस्क वाली कमाई है रिस्क फ्री का मतलब है बिना रिस्क वाली कमाई तो देखो अगर मैं बैंक में एफडी करा दूं अगर मैं गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करा दूं तो मैं सात परसेंट कमा सकता हूं लेकिन अगर इस पैसे को मैं स्टॉक मार्केट में लेके जाऊंगा तो मैं रिस्क उठाऊंगा रिस्क उठाऊंगा तो रिस्क से कितनी कमाई आएगी रिस्क की वजह से एक्स्ट्रा कमाई आएगी आठ ये तो हुई एवरेज मार्केट की बात एवरेज मार्केट मतलब जनरल मार्केट की बात क्योंकि जिसमें मार्केट का रिस्क वन होता है, है, है मार्केट का बीटा वन होता है मार्केट का रिस्क वन होता है एवरेज रिस्क ऑफ द बीटा ऑफ द कंपनी ऑफ द मार्केट इज़ वन हम मानते हैं कि बीटा कंपनी का जो मार्केट का बीटा वन होता है लेकिन अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ मान लो आप पैसा लगा रहे हो पेटीएम में मान लो आप पैसे लगा रहे हो रिलायंस में अब देखो रिलायंस में लगाओगे तो सेफ कंपनी मानी जाती है बट अगर पेटीएम में लगाओगे तो थोड़ी सी रिस्की है उसका शेयर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है पिछले कुछ समय से तो डिपेंड करेगा ना कि आपने मल्टीप्लाई किससे करना है यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ये ये बात मैटर करेगी हाँ या ना सच बताओ ये बात मैटर करेगी कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उस कंपनी के बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कंपनी के बीटा तो बीटा बेसिकली क्या बताता है रिस्क मेजर करता है ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो रिस्क प्रीमियम उतने गुना मिलना चाहिए अगर मान लो किसी कंपनी का रिस्क है थ्री टाइम्स तो आपको रिस्क प्रीमियम तीन गुना मिलना चाहिए रिस्क फ्री पैसा तो एक ही बार मिलना चाहिए बट रिस्क प्रीमियम वाला पैसा जो रिस्क की वजह से कमाई है वो तीन गुना मिलनी चाहिए ये कहता है ये फॉर्मूला सीए पी एम तो सीएपीएम केई e. कैसे निकालता है ये कहता है कि केई e. में हमें रिस्क फ्री रेट तो मिलना ही चाहिए और एक्सपेक्टेड अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम स्टॉक मार्केट में कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं आठ परसेंट यह आठ परसेंट उतने गुना मिलना चाहिए जितने गुना उस कंपनी का रिस्क है जितने गुना उस कंपनी का रिस्क है उतने गुना मिलना चाहिए ठीक है जी बोलिए मेरी बातें क्लियर हो गई हाँ या ना सच सच बता दो क्लियर हो गया बहुत बढ़िया बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया है सर तो यही बात हमने सी ए पी एम मॉडल में करी है यही बात हमने अपने सी ए पी एम मॉडल में करी है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया फिर एक है रियलाइज डील्ड अप्रोच इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो मतलब मैं रेलिवेंट रेलिवेंट चीज़ें बता रहा हूँ अभी रेलिवेंट जो बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं लगती मुझे मैं उस पर डिस्कशन अभी नहीं करना चाहूँगा आप स्वयं पढ़ सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन डर्निंग बेटा कॉस्ट ऑफ रिटेन डर्निंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंपनी में आपने इक्विटी का पैसा लगाया इक्विटी का पैसा लगाकर कंपनी ने कुछ कमाया और वो कमाई या तो वो कंपनी आपको दे दे डिविडेंड दे दे आपको और डिविडेंड ना दे तो अपने पास रिटेन कर ले तो जब कंपनी रिटेन कर लेती है उसे बोलते हैं रिटेन डर्निंग यानी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया वो कंपनी ने री कर लिया अगर कंपनी ने उस पैसे को री कर लिया तो दो तरीके के गेंस होते हैं कौन कौन से दो गेंस होते हैं अगर वो पैसा आपको मिलता तो आप पे पर्सनल टैक्स लगता कंपनी अगर वो पैसा रिटेन ना करती तो किसी और से फ्रेश इक्विटी उठाती जब कंपनी मार्केट से फ्रेश इक्विटी उठाती तो उस इक्विटी पर फ्लोटेशन कॉस्ट भरनी पड़ती तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बच गई और आपको पर्सनल टैक्स बच गया तो यानी रिटेन डर्निंग से दो गेंद हो गए कौन कौन से दो गेंद्स हो गए आपको पर्सनल टैक्स नहीं देना पड़ा कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ी दोनों को गेन हो गया तो यानी रिटेन डर्निंग डबल फायदे वाली चीज़ है तो रिटेन डर्निंग डबल फ़ायदे वाली चीज़ है इसलिए रिटर्न डर्निंग कैसे होती है सुनो ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो के और के बराबर होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में के आर ई और के ई बराबर होते हैं क्योंकि उन क्वेश्चंस में पर्सनल टैक्स और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है ज्यादातर क्वेश्चनों में पर्सनल टैक्स और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है मैंने क्या कहा आप समझ गए ठीक है जी बेटा जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है नीरज सर का टेलीग्राम चैनल है एडियो नाइन वन के नाम से नीरज सर का नाम डाल दीजिए नीरज जरोड़ा क्लासेस रेडियो लाइनमेंट डाल दीजिए मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे आसानी से उसमें मैं नोट शेयर कर दूंगा डोंट वरी अभी पहले समझ लो देखो बेटा के आर ई और केई बराबर होते हैं के आर ई और केई बराबर होते हैं अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो क्वेश्चन में कोई पर्सनल टैक्स ना हो तो अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो फिर ये दोनों बराबर होते हैं बात खत्म अगर हमने केई पहले निकाल रखा है अगर के ही क्वेश्चन में दिया हुआ है या निकाल दिया है और अगर हमें के आर ही निकालना है और क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स गिवन है या फिर ब्रोकरेज गिवन है एक्सपेंसेस गिवन है तो वन माइनस पर्सनल टैक्स वन माइनस ब्रोकरेज इन दोनों के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दो और के आ रही आ जाएगी आपके पास क्योंकि के आर ही में इन दोनों की बचत हो रही होती है इसलिए इनके इम्पैक्ट को हटा रहे हैं। और अगर हमें के आर ई कैल्कुलेट करनी है अगर हमें के आर ही कैलकुलेट करनी है तो ध्यान से समझना पहले आप के ई कैलकुलेट करो पहले के ई कैलकुलेट करो डिवन अपॉन एन पी प्लस जी अब जब यहाँ पे आप लोगे नेट प्रोसीड तो आप इशू प्राइस इस प्रेफर्ड इशू प्राइस को लेंगे इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर इक्विटी यानी आप इशू प्राइस और फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर करके के ई निकाल लो फिर जब आप के आर ई निकालेंगे तो के आर ई के डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइज इज प्रेफर्ड याद रखना यहां पर ईशू प्राइज प्रेफर्ड इस पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होती है यहां पे मार्केट इज प्रेफर्ड के आर ई के लिए ठीक है ना यहाँ मार्केट प्राइस दे लो यहां नेट प्रोसीड ले लो के ई -E में नेट प्रोसीड ले लो और यहां पे मार्केट प्राइस ले लो तो के ई -E और के आर ई अलग अलग कैलकुलेट हो जाएगी अगर आपको करनी हो तो ठीक है जी एक बच्चा है ए के वो बोलता है आकांक्षा कैन यू प्लीज टेल मी दैट इज दिस मैराथन सेम एज मे ट्वेंटी थ्री वन बेटा मैं ये लाइव पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डेड नहीं है तो सेम कैसे हो सकती है कोई भी इंसान सेम बात नहीं कर सकता यहां मैं नए नोट से पढ़ा रहा हूँ वहां देखो बात एक ही है बट लाइव पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ और मैं साथ ही साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपके आगे अपनी इच्छा है लास्ट टाइम हमने पूरी मैराथन एक ही बारी में करी थी छः घंटे में छः सात घंटे में पूरे सारे चैप्टर करते थे और शायद डब्ल्यू नहीं करा था तो बच्चों का डब्ल्यू रह गया था इसलिए बच्चे दुखी थे तो मैं इस बार दो पार्ट्स में करा रहा हूँ मैं एक फर्स्ट पार्ट में चार पांच चैप्टर कराऊंगा अगले पार्ट में तीन चैप्टर बचे हुए कराऊंगा कल सुबह कल सुबह नौ साढ़े नौ वाला जो हमारा सेशन है उसमें बचे हुए चैप्टर्स कराऊंगा आपके ठीक है ना ताकि आपको कंप्लीट कवरेज करा सकूं तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं डब्ल्यू ए कैसे आता है के ओ कैसे निकलता है देखो अब हमने इक्विटी से पैसा लिया रिटर्न डर्निंग से लिया प्रेफरेंस से लिया डेट से लिया और सबके रेट पता है हमें सबके अमाउंट पता है हमें तो इन सब की एवरेज जब निकालते हो तो उसे डब्ल्यू ए कहते हैं उसे के ओ बोलते हैं ठीक है जी ये कैसे आता है देखिए आपको जब कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू ए करनी होती है तो आप कैसे करते हैं एक होता है बुक वैल्यू वेट से करते हैं या फिर मार्केट वैल्यू वेट से करते हैं तो बुक वैल्यू वेट्स का मतलब तो बड़ा आसान है बुक वैल्यू वेट्स मतलब बैलेंस शीट में से फिगर्स उठा लो आप दिखाओ इक्विटी रिटर्न लर्निंग प्रेफरेंस शेयर और डेट कितनी कितनी है बैलेंस शीट में उनका टोटल करो और फिर उनके वेट्स निकाल लो यानी बुक वैल्यू अपॉन टोटल फिर इसकी बुक वैल्यू अपॉन टोटल फिर इसकी बुक वैल्यू अपॉन टोटल फिर इसकी बुक वैल्यू अपॉन टोटल तो ये आपने वेट्स निकाल लिए वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ रिटर्न डर्निंग वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेट ऑफ डेट और फिर इसे रेट से मल्टीप्लाई कर लो ये जो रेट हमने कैलकुलेट करने सीखे यानी अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है अभी तक पिछले ऑलमोस्ट वन आवर में हमने जितना चैप्टर पढ़ा ये हमने सबके रेट निकालने सीखे उन रेट से इन वेट्स को मल्टीप्लाई कर लो यानी हम क्या कर रहे हैं हम वेट और रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम वेट और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल आ जाएगा क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल बोलो मेरी बातें समझ गए आप ये हमारा डब्ल्यू का टोटल आ जाएगा इसी को के बोलते हैं के मतलब हमें ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है जब हम अपने पैसे को अरेंज करते हैं तो ऑन एन एवरेज हमें क्या कॉस्ट पड़ती है ये थी बुक वैल्यू वेट अब हम इसी से मार्केट वैल्यू वेट कैसे निकालते हैं मार्केट वैल्यू वेट कैसे होता है तो अब हम क्या करते हैं ये जो हमारी बुक वैल्यूज़ हैं हम इन्हें मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये तो बैलेंस शीट की वैल्यूज़ है फिर इन्हें कन्वर्ट करके मार्केट वैल्यू पर लेकर आओ देखो कैसे लाते हैं ध्यान से समझना पहले डेट के लिए समझो डेट की बुक वैल्यू को लिखो उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड करो मान लो एक डिवेंचर था सौ रुपए का तो आपने बुक वैल्यू लिखी कि आठ लाख के डिवेंचर है एक डिवेंचर है सौ रुपए का लेकिन अब वो मार्केट में बिक रहा है एक सौ दस का तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम डिवेंचर की जो बुक वैल्यू है उसे डिवाइड बाय कर रहे हैं एक डिवेंचर की बुक वैल्यू तो उससे नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर और उसे इंटू एक सौ दस कर दो बेसिकली ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स को इंटू एक सौ दस कर दो तो आपके पास डेट की बुक वैल्यू आ गई बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर हो गई मैं रिपीट कर देता हूं अगर मैं बुक वैल्यू को डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू मार्केट प्राइस कर दू तो मेरे पास डेट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डेट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी बोलिए क्लियर है मेरे पास डेट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल लो अब मेन बात आती है इक्विटी की जब इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकलती है तो वो इक्विटी और रिटेन अर्निंग की इकट्ठे निकलती है क्योंकि मार्केट में रिटेन डर्निंग अलग से नहीं बिकती कभी आपने देखा स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीदने जा रहे हो और आप रिटेन डर्निंग अलग से खरीदते नहीं क्योंकि जब आप मान लो आप रिलायंस का शेयर खरीदो तो जब आप रिलायंस का शेयर खरीद दो तो उसमें आपका रिलायंस का शेयर और रिलायंस की रिटेन डर्निंग दोनों आ जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू नहीं होती रिटेन अर्निंग की भी फेस मतलब मार्केट वैल्यू होती है दोनों की कंबाइंड मार्केट वैल्यू निकलती है तो अगर किसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना अगर किसी क्वेश्चन में के ई -E अलग हो और के आर ई अलग हो अगर दोनों के रेट अलग अलग हैं अगर के ई और के आर ई दोनों के रेट अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में के ई -E और के आर ई -E दोनों के रेट अलग अलग हैं तो हम मार्केट वैल्यू को भी जितनी भी टोटल मार्केट वैल्यू आ रही होगी ना मान लो एक लाख शेयर्स है और हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू है तीस रुपये तो तीस लाख रुपये की मार्केट वैल्यू हो गई तो इस तीस लाख रुपये को ब्रेक कर दो ब्रेक मतलब बांट दो किस रेशियो में बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दो जो इक्विटी और दोनिंग की बुक वैल्यू थी ना हंड्रेड और फिफ्टी वन दोनों की बुक वैल्यू की रेशियो क्या थी टू इस तो तो बेसिकली बीस लाख बन जाएगी इक्विटी की मार्केट वैल्यू और दस लाख बन जाएगी रिटेन डरिंग की मार्केट वैल्यू यानी आप इनकी वैल्यू बांट दो मैं दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनना अच्छे से सुनना एक बारी जरा टेबल बनाकर समझा रहा हूं ध्यान दो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं हमने लिखा इक्विटी और हमने लिखा रिटेन डर्निंग फिर हमने लिखा प्रेफरेंस शेयर्स फिर हमने लिखा डेट अब इनकी मार्केट वैल्यू तो आसानी से आ गई कैसे इनकी बुक वैल्यू को डिवाइड बाय फेस वैल्यू किया और मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करा इसकी बुक वैल्यू को भी फेस वैल्यू से डिवाइड करा नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गया इनटू मार्केट प्राइस से इनटू कर दिया तो ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस आ गया ये तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ गया ये तो आसान था अब नब इक्विटी में क्या किया नंबर ऑफ शेयर्स लिया और मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ़ इक्विटी आ गया लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू होती है क्योंकि इन दोनों की अलग अलग मार्केट वैल्यू नहीं होती अगर तो भगवान ने ऐसा किया कि क्वेश्चन में आनंद आ गया कि के ई और के आर ई बराबर है अगर तो क्वेश्चन में के ई और के आर ई बराबर है तो सिर्फ के ई दिखा दो बांटने की जरूरत भी नहीं है इन्हें अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है छोड़ो क्योंकि जब इन्हें अलग अलग भी करोगे तब भी दोनों पर सेम रेट मल्टीप्लाई करोगे तो फ़ायदा क्या है जब रेट ही सेम रहना है तो अगर के ई के आर ई का सेम रेट है तो बांटने की जरूरत भी नहीं है फिर इसे ऐसे ही चलने दो फिर इसे बांटने की जरूरत भी नहीं है इसे ऐसे ही लिखे रहने दो बोलो मेरी बातें समझ आई इसे क्योंकि के पी से करेंगे इसे के डी से करेंगे ये बात समझ आ गई लेकिन अगर इन दोनों का रेट अलग अलग हो मान लो अगर इन दोनों का रेट अलग अलग है के ई का रेट अलग है के आर ई का रेट अलग है मान लो ये उन्नीस परसेंट है और ये सत्रह परसेंट है अलग अलग रेट है अब अब दोनों के रेट अलग अलग हैं तो क्या करें अगर रेट अलग अलग है ठीक है जी बोलिए यहां तक की बातें समझ आई आपको मैंने क्या कहा इधर तक की बातचीत क्लियर है आपको आप क्या कर रहे हैं आप मार्केट वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं आप मार्केट वैल्यू को ब्रेक कर दीजिए किस रेशियो में ब्रेक कर दीजिए ठीक है जी भक्ति एक बार दोबारा डाउट भेज दो बेटा और अगर मैं लाइव क्लास में हूं तो मेरा ना डबल वर्जन नहीं है मतलब मेरे ट्विन नहीं है कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ और बच्चे के डाउट भी सॉल्व कर पाऊँ एक ही वक्त पे नहीं कर पाऊँगा जैसे ये सेशंस ख़त्म होंगे आज और कल वाला सुबह वाला उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगा मैं दो दिन से लगातार बच्चों के डाउट ले रहा हूँ जिन जिन बच्चों के रेलिवेंट डाउट है साथ साथ अगर आप सही तरीके से अपना नाम अपने एडमिशन डिटेल्स के साथ मुझे भेजते हैं तो आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा पहले भी अगर आपने पूछे होंगे तो आपके डाउट के रेजोल्यूशन आए होंगे ठीक है कम्यूनिटी में ना पूछें आप मुझे व्हाट्सअप करें ठीक है और समय दें सामने वाले को क्योंकि ना इंसान को आपने खरीद नहीं रखा है इस बात को समझें टीचर है टीचर के पास भी समय की पाबंदी है थोड़ा सा समय दें आपने अभी क्वेश्चन पूछा दो घंटे बाद आप एक्सपेक्ट करें रिप्लाई कर रहा है टीचर सो रहा है कोई क्लास ले रहा है नहीं हो पाएगा ना बेटा पॉसिबल डाउट कराया जाएगा लेकिन विद डिटेल्स पूछा जाना चाहिए आप कौन है किस बैच में आपका एडमिशन है क्या डाउट है डाउट का एक प्रॉपर मैंने फॉर्मेट बताया है आप क्वेश्चन की फोटो भेजेंगे सोल्यूशन अगर मैंने आपको दे रखा है उसकी फोटो भेजेंगे अपने हैंड एंड अटेम्प्टेड सोल्यूशन की फोटो भेजेंगे और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर उसके बारे में लिख कर भेजेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में आपके डाउट का कर रिप्लाई करूँ हाँ अब आप मुझे आ, ऐसे बोल रहे हैं कि सर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ नहीं आ रहा तो भाई टीचर वर्बल नोट पर ऑडियो नोट पर व्हाट्सएप पर चैप्टर नहीं पढ़ा पाएगा चैप्टर देखना पड़ेगा और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ठीक है ना मतलब मज़े नहीं लेने ठीक है जी बेटा दोबारा भेज दो मैंने यही कहा ना भक्ति दोबारा भेज दो जस्ट डोंट अंडरस्टैंड पता है दिक्कत क्या है द मेन्टेलिटी ऑफ़ द स्टूडेंट हैज़ गॉन अप टू अ लेवल जहाँ पे ना फिर ना इस सब के बाद ऐसा लगता है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं क्यों मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा जैसे बाकी टीचर्स करते हैं फीस ली पढ़ाया बात खत्म फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वही मोड सही है वो एक तो फीस डबल ले लो दो गुना तीन गुना फीस लो फिर उसका डाउट भी रिप्लाई मत करो किससे बात मत करो वो टीचर मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है दे आर अर्निंग मोर दे आर मोर हैप्पी हमारे जैसे टीचर्स ना जो फीस भी रीज़नेबल ले रहे हैं पूरी सर्विस करने की कोशिश कर रहे हैं बैच एग्जाम वाले दिन तक भी बच्चे के साथ बैठ रहे हैं डाउट भी रिजॉल्व कर रहे हैं नाइन्टी परसेंट डाउट मैं हंड्रेड नहीं कहूँगा नाइन्टी परसेंट डाउट में व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी करता हूँ थोड़ा देर हो सकता है लेकिन ज़रूर करता हूँ और उसके बाद भी यदि बच्चा ऐसी बात करता है ना तो फिर ऐसे लगता है कि आप फिर तो व्यर्थ ही कर रहे हैं अपना समय चलिए खैर कोई और वो भी पता है क्या है चैट फिर भेज नहीं रहा दो दिन वेट अब एक बात हो अगर ई आई एस का एग्जाम है पहले बच्चों के ई आई एस के डाउट रिप्लाई कर रहा हूँ या पहले एफ एम वालों को रिस्पॉन्ड करने लग जाऊंगा बीच में आई आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भाई मैं एक सब्जेक्ट एक टीचर सेम एक सब्जेक्ट पढ़ाता है उसका दूसरा एग्जाम चल रहा है तो बीच में एफ एम के डाउट नहीं रिप्लाई करेगा ना बच्चे को इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए इंटर बेटा भगवान ने चाह पास हो गए तो फाइनल में आ जाओगे सोचो सी ए फाइनल जो इंडिया की एपेक्स बॉडी है उसके फाइनल एग्जाम में पहुंच जाओगे तो कुछ तो बच्चे को भी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी आइए चलिए वापस आइए ठीक है जी वापस आइए यहां तक की बातचीत हमने कर ली थी देखिए बेटा मैं आपको यह बता रहा था दोबारा सुनो कि इक्विटी की जो कंबाइंड वैल्यू होती है इसे ब्रेक करना पड़ता है फिर क्योंकि अगर रेट अलग, अलग अलग है तो इसे कम इसे ब्रेक करना पड़ेगा इक्विटी की अगर कंबाइंड वैल्यू है तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा बोली बातें क्लियर है आपको क्या कहा किस रेशियो में ब्रेक करना पड़ेगा बताओ इसे बुक वैल्यू की रेशियो में ब्रेक करना पड़ेगा बुक वैल्यू जी हाँ जो इनकी बुक वैल्यू होगी मान लो इक्विटी और प्रेफरेंस की जैसे इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू थी सौ और पचास तो टू इस टू वन तो आप क्या करो इसकी जो मार्केट वैल्यू आएगी उसे टू इस टू वन में ब्रेक कर दो जैसे मान लो इसकी मार्केट वैल्यू तीस लाख तो तीस लाख का बीस लाख यहां आ जाएगा दस लाख यहां आ जाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करो यानी जब आप मार्केट वैल्यू में एस्टिमेशन कर रहे होते हैं दोबारा सुन लो जब आप मार्केट वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन कर रहे होते हैं और अगर रेट अलग अलग होता है तो बांटने की जरूरत है वरना बांटने की भी जरूरत नहीं है वरना बांटने की भी जरूरत नहीं है बुक वैल्यू के रेट में इन दोनों को बांटना होता है ठीक है ना बोलिए बातें क्लियर है बेटा आपको अब एक कंसेप्ट है डब्ल्यू एम सी सी का वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान से सुनना सोचो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 200 लाख की एग्जिस्टिंग कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब जो क्वेश्चन ने बता रखा है कि ये कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है 100 लाख की इक्विटी है 50 लाख की प्रेफरेंस है 50 लाख की डेट है ये सब डिटेल क्वेश्चन ने दी होगी अब वो बोल रहे हैं हमें एक नया प्रोजेक्ट लगाना है और नए प्रोजेक्ट के लिए हमें हंड्रेड लाख चाहिए हमें एक नया प्रोजेक्ट लगाना है नए प्रोजेक्ट के लिए हम हंड्रेड लाख चाहिए और वो हंड्रेड लैख हम डेट और इक्विटी से फिफ्टी फिफ्टी लैख से रेस करना चाहते हैं तो ये हो गई अडिशनल कैपिटल न्यू कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल जो हम रेस करना चाहते हैं ठीक है जी बोलिए मेरी बातें क्लियर है ध्यान दीजिए एडिशनल सौ लाख की कैपिटल है हमारी सौ लाख रुपए की एडिशनल की कैपिटल है और डब्ल्यू एन सी सी वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा जब आप सुनो जब मार्जिनल कॉस्ट याद है आपको बचपन में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते थे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट जब एक एडिशनल यूनिट बनाओगे तो उसकी क्या कॉस्ट है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट मैं रिपीट करता हूँ जब एक एडिशनल यूनिट आप बनाते हो उसकी क्या कॉस्ट है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट वैसे ही अगर हम नया पैसा रेस कर रहे हैं ये नया वाला सौ लाख रुपया रेस कर रहे हैं तो इस सौ लाख की जब अलग से कॉस्ट निकालोगे अलग से इसके लिए एक टेबल बनाओ इसकी कॉस्ट निकालो तो ये डब्ल्यू कहलाएगा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी अडिशनल फंड्स की कॉस्ट टोटल फंडस की कॉस्ट नहीं अडिशनल वालों की यानी अगर मैं सिर्फ इनकी कॉस्ट निकालू इनकी एवरेज कॉस्ट निकालू तो वो डब्ल्यू कहलाएगा और अगर मैं पूरे की पूरे 300 हंड्रेड लैक की कंबाइंड कॉस्ट निकालू तो वो न्यू डब्ल्यू कहलाएगा वो क्या कहलाएगा न्यू डब्ल्यू न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोबारा सुनो हमारे पास 200 हंड्रेड पहले से ही थे उनकी अगर कॉस्ट निकालो तो वो ओल्ड के ओ है ओल्ड के ओ ओल्ड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर सौ लाख रुपए हमने नया रेस किया उस सौ लाख रुपए की अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो वो डब्ल्यू होगा वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है जी बोलिए यहां तक क्लियर है बेटे इज इट क्लियर अब इसको और इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे कंबाइन तो ये न्यू डब्ल्यू जाएगा न्यू डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिल न्यू डब्ल्यू ए सीसी आ जाएगा क्या मेरी ये दोनों बातें आपको क्लियर है क्या आपको मेरी ये दोनों बातें क्लियर है ठीक है जी इको की मैराथन इस बार नहीं लूंगा बेटा इको की मैराथन जो लास्ट सीजन में ली हुई है वही वाली आप चला लो वो बिल्कुल वो वैलिड है हमने वो मैंने उसका लिंक भी दिया है आज जो शाम को पांच बजे वीडियो रिलीज की थी उसके अंदर उसका लिंक भी होगा अब वरना मेरा नाम टाइप करो ईको मैराथन टाइप करो मिल जाएगी आपको चलिए जी इसके बारे में ना एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं हम ठीक है सुनिए एक आधा क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एक मैं इसका आंसर दिखाना चाहता हूं जरा देखो इलास्ट्रेशन नंबर सत्रह देखो वो कहता है कि आप चलो मेरे लिए डब्ल्यू निकालो वो हमें कहता है डब्ल्यू निकालो बुक वैल्यू वेट से भी मार्केट वैल्यू वेट से भी ठीक है और वो हमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा है तो यानी बेसिकली वो ये बुक वैल्यूज़ दे रहा है तो हमें बुक वैल्यूज़ तो पता है कि डिबेंचर की कितनी है प्रेफरेंस की कितनी है इक्विटी की कितनी है हमें इन सब की बुक वैल्यू पता है बहुत बढ़िया तो तीनों की बुक वैल्यू तो बन गई अब मार्केट वैल्यू चाहिए ठीक है जी मार्केट प्राइस भी पता है तो मार्केट वैल्यू भी मिल जाएगी है ना अब वो हमें कहता है कि देखो अब इनके बारे में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू तो दो उसने दोनों दे दी तो इधर समझना ये देखो अभी तक हमारे दिमाग में क्या क्या आ चुका है मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ हमारे दिमाग में अभी तक ये बात आ चुकी है कि सोर्स ऑफ कैपिटल में डिबेंचर की बुक वैल्यू प्रेफरेंस की बुक वैल्यू और इक्विटी की बुक वैल्यू हमें पता है इन सब का टोटल करो और पांच लाख को डिवाइड बाई ट्वेंटी करो वेट आ गया वेट आ गया वेट आ गया यहां तक हमें समझ आ चुका है आप मुझे पहले यह बताओ कि क्या बुक वैल्यू वेट्स में आपको समझ आ गया सिर्फ रेट चाहिए रेट चाहिए हमारे को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पर आ जाएगा यहां तक क्लियर है बुक वैल्यू वेट में यहां तक क्लियर है बोलिए बेटे हा या ना बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं आपको हां या ना इज इट क्लियर बेटे भक्ति मुझे अभी अभी भी आपका डाउट दिख नहीं रहा है कहीं भी व्हाट्सएप पे आप एक बार दोबारा मैसेज करिए ताकि मैं देख सकूं आप क्या पूछना चाहते हैं ठीक है जी यहां तक बच्चे कह रहे हैं बातचीत समझ आ गई बहुत बढ़िया अब हमें रेट निकालने रेट के लिए देखो वो क्या डेटा देता है रेट के लिए वो हमें कह रहा है ध्यान से समझिएगा दस मैंने ये सब पहले जो मार्क कर रखा है ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं चलिए डिवेंचर के लिए नीचे पढ़िए यूज वाई टी एम मेथड

मार्केट प्राइस कितनी है एक सौ पांच रुपए एक सौ पांच रुपये ध्यान रखना एक सौ पांच रुपए की डेटा लेकिन उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाती है चार रुपए चार परसेंट तो एक सौ पांच रुपए पे चार परसेंट की फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाती होगी तो आपके पास हंड्रेड पॉइंट एट बचता होगा हंड्रेड पॉइंट एट तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई नेट प्रोसीड हो गई और अब आप उसे कितने साल बाद वापिस करते हो दस साल बाद दस साल बाद आप उसे वापस करते हो जब आप उसे रिडीम करते हो तो पार पे करते हो पार मतलब सौ वाला सौ में वापस करते हो तो वापस आप उसे सौ में करोगे तो अब आपके पास रिडम्शन वैल्यू भी है आपके पास नेट प्रोसीड भी है क्या ये दोनों बातें समझ आ गई नेट प्रोसीड और रिडम्शन वैल्यू दोनों है तो देखो यहां पे आपने जीरो पीरियड पे नेट प्रोसीड ले ली और 10 साल के बाद रिडमशन वैल्यू ले ली ये बातें भी क्लियर हो गई यानी शुरू में आपको ये पैसे नेगेटिव दिखा देने और बाकी दोनों पॉजिटिव या उल्टा भी कर सकते हो कि इसे पॉजिटिव ले लो और इन दोनों को नेगेटिव ले लो बट मैं वो फॉलो कर रहा हूँ जो आई कहता है ठीक है ना आई इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पर ले आता है कि इन्वेस्टर ने ये पैसे हमें दिए होंगे और फिर हमने इन्वेस्टर को दिए तो इन्वेस्टर के पास ये पैसे जा रहे हैं ये पैसे भी जा रहे हैं ऐसा मान लो तो इन्वेस्टर को अब इंटरेस्ट रेट सात क्यों लिया है दस क्यों नहीं लिया जबकि दस परसेंट का रेट था लेकिन बेटा दस परसेंट का रेट था लेकिन वन माइनस टैक्स थर्टी परसेंट था तो हमें तो सात परसेंट ही फील होता है यानी सात रुपये का इंटरेस्ट फील होता है दस सौ रुपये पे तो सात रुपये का इंटरेस्ट एक से दस साल तक दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हर साल हमने सात सात रुपये पे करे होंगे हर साल हमने सात सात रुपये पे करे होंगे वैसे पे तो दस रुपये होंगे बट उस पर तीन रुपये का टैक्स बच गया होगा तो इफेक्टिवली हमने सात सात रुपये ही पे करे होंगे ठीक है ना मान लो ऐसे कुछ तो ये हो गया तो अब हमने पहले पाँच परसेंट के रेट पे किया पाँच पे क्यों किया भाई वैसे करना पहले सात पे चाहिए था पहले सात परसेंट पर करेंगे हम कैसे करेंगे सात पे देखो क्योंकि मैंने आपको रेट कैसे डिसाइड करना बताया मैंने आपको ये बताया कि अगर टेन परसेंट का रेट है और टैक्स है तीस परसेंट तो टेन परसेंट में से जब तीस परसेंट टैक्स चला जाता है तो बचता है सात तो पहले आप सात के हिसाब से कैलकुलेट करो आप सात के हिसाब से पी फैक्टर जीरो पहले जीरो पीरियड पर बन लो जब जीरो पीरियड है तो पी फैक्टर वन हो गया फिर सात परसेंट के हिसाब से एक से दस साल तक का पी फैक्टर ऐड करो फिर दस बीस साल का पी फैक्टर लिखो फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास पी आ जाएंगी ये आपके पास अलग अलग पी आ जाएंगी क्या मेरी बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा जी हाँ इज इट एप्सल्यूटली क्लियर बोलिए हाँ या ना आप मुझे पहले इतनी बातें बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लियर है बहुत बढ़िया लेकिन ये आंसर नेगेटिव आया अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो अब हम रेट बढ़ा नहीं सकते अब हम रेट घटा कर दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो अब हमने रेट घटा दिया सेवन परसेंट पर नेगेटिव आ रहा है तो हमने घटा दिया रेट रेट कर दिया पाँच परसेंट अब हमने पाँच परसेंट के हिसाब से पी फैक्टर लिए और दोबारा कंप्यूट करा अब पॉजिटिव आ गया बढ़िया हो गया एक पॉजिटिव आंसर एक नेगेटिव आंसर यही हमें चाहिए था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ताकि हम अपने लिए आई आर आर अप्रोच लगाकर कर वाई टी एम निकाल सकें बेसिकली के डी निकाल सकें फिर उन्होंने वैसे ही निकाला लोअर रेट देखो लिखा लोअर रेट फिर लोअर रेट की एनपीवी अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी इनटू डिफरेंस ऑफ रेट तो उससे रेट आ गया 6.89 तो केडी का रेट है 6.89 क्या आप सभी को केडी का रेट समझ आ गया क्या आप सभी को केडी का रेट समझ आ गया आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी एवरीबडी इन दी चैट शुड टेल मी कि क्या आपको ये बातचीत समझ आ गई हाँ या ना बोलिए बेटे क्या आप सभी को ये बातें समझ आ गई से यस और नो चलिए तो रेट आ गया सिक्स पॉइंट एट नाइन परसेंट कोई डाउट तो नहीं था तो देखिए हमने इनकी रेट लिख दी सिक्स पॉइंट एट नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स के लिए निकाल दिया आ, अब इक्विटी में आपको दिखा देता हूं देखो प्रेफरेंस भी सेम तरीके से सॉल्व कर रहा है वो मैं इसलिए बता नहीं रहा क्योंकि वो सेम अप्रोच पे सॉल्व होना है तो अब क्या सेम चीज बार बार बताऊं है ना बोलिए क्लियर है आपको आइए देखिए वो हमें ये कहता है कि रुपीज़ हंड्रेड पर ये सब तो चलो ठीक है अब आगे बढ़ो थर्ड वाला इक्विटी शेयर कह रहा है चार रुपये की फ्लोटेशन कॉस्ट है मार्केट प्राइस है चौबीस रुपये का मार्केट का प्राइस है चौबीस रुपये तो उसने साफ साफ ही बता दिया तो इधर उसने चौबीस रुपये में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करी एक रुपये का हम डिविडेंड देंगे एक साल बाद क्योंकि उसने बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक्सपेक्टेड मतलब वो एक साल बाद ही आएगा डी है और ग्रोथ रेट है पाँच परसेंट तो पाँच परसेंट की ग्रोथ दिखा दी तो के डी का के ई का रेट आ गया टेन परसेंट तो के ई का रेट इधर दिखा दिया हमने टेन परसेंट और इस सब को सॉल्व करके हमारे पास कॉस्ट जो आई है ये के ओ आई है लेकिन ये बुक वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग आई है बुक वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको ये बुक वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग आई है क्या मेरी बातें क्लियर हैं हाँ या ना चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स के बारे में देखिए बेटा मार्केट वैल्यू वेट्स कैसे आएंगे देखो रेट्स तो अब सेम रहेंगे एक अच्छी बात यह है कि जो रेट हमने कॉलम डिसाइड किया था ना ऊपर रेट तो सेम आएंगे तीनों में रेट में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है वेट्स में फर्क पड़ना है तो देखो वेट्स अब अब मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ले आओ तो यहां पे आपने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वेट्स दिखा दिए सबकी मार्केट वैल्यू निकाल दी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए बेसिकली ये नंबर ऑफ़ डिवेंचर्स हैं ये नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं और उन्हें मार्केट वैल्यू से इंटू कर दिया ये कैसे आए होंगे सोचो ये पचास पाँच हज़ार कैसे आया होगा फाइव लाख ,00 था ना बुक वैल्यू फाइव लाख को डिवाइड बाई हंड्रेड करो तो नंबर ऑफ़ डिवेंचर्स आ गए अब नंबर ऑफ़ डिवेंचर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से किया है बोलिए ज़रा जल्दी से बता दीजिए इतनी बातें आपको क्लियर है हाँ या ना जल्दी से मुझे बता दो अगर ये बातें क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं बच्चों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है ठीक है जी एक ये वाला क्वेश्चन भी कराई देता हूँ इलास्टेशन नंबर एटीनथ भी ये भी भारी क्वेश्चन है फिर इसके बाद हम चैप्टर चेंज कर लेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल लेंगे ठीक है ना इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा जो ब्रेकिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है वो भी इधर कवर हो जाएगा ठीक है ध्यान दो ये मेन ब्रेकिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है ये इसी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा अच्छा क्वेश्चन है भारी क्वेश्चन है सबसे भारी क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में इस चैप्टर का अगर ये समझ आ गया तो मानू कि ज़्यादातर कंसेप्ट आपको समझ आ गए पूरा ध्यान देना पूरा ध्यान देना पूरा का पूरा सारा कराऊंगा ठीक है ना ध्यान दो अच्छे से ठीक है जी तीन स्टेक बोलते हैं हमें दे दीजिए एक क्वेश्चन करने के लिए नहीं बड़ा टाइम लग जाएगा अभी ना बच्चों की रिविजन थोड़ी फास्ट चलानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे वैसे ही हर चैप्टर के लिए हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे से ज़्यादा ऊपर दे नहीं सकते हैं तो अभी मेरे पास ग्यारह मिनट बचे हैं और मुझे एक क्वेश्चन निपटाना है ध्यान दीजिए बट समझाना भी अच्छे से है साथ-साथ सुनिएगा एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एबीसी लिमिटेड हैज दी फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम जो कि ऑप्टिमम है क्या 31 मार्च 2022 ध्यान दीजिएगा अच्छे से वो ये कहता है 14% डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर ये कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है. है, है अब पढ़िए आगे ध्यान से वो ये कहता है द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स शेयर का मार्केट प्राइस हमें बता रहा है कि शेयर का मार्केट प्राइस नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50 परसेंट ऑफ ईयर 2021 EPS. तो 2021 तो ईयर का जो ईपीएस है इसमें से आधा अगले साल हम डिविडेंड में देने वाले हैं तो 2.36 का 50 है. यानी 1.18 अगले साल का डी वन है हमें यह बात पहले ही पता है यह अगले साल हमने डिविडेंड बांटना है हमें पता है तो इसका मतलब यह हो गया कि रिटेन अर्निंग कितनी है बचा हुआ आधा पैसा हम रिटेन कर रहे होंगे तो यानी कि 1.18 पॉइंट पर शेयर हम रिटेन डर्निंग करते हैं इसका मतलब वन पॉइंट वन एट हम रिटेन लर्निंग करेंगे और हमारे पास दस हज़ार शेयर थे तो इसका मतलब दस हज़ार से आप इसे इनटू कर दो समझते हैं आप मेरी बात तो वन वन एट ज़ीरो ज़ीरो इतने की हमारे पास रिटेन डरनिंग है यानी इतने की हमारे पास रिटेन डरनिंग होगी अगले साल स्पेयर क्या यहाँ तक की बातचीत आपको समझ आ गई मुझे ज़रा जल्दी से बताइए क्या आप सभी को मेरी बातचीत समझ आ गई मैंने क्या कहा ठीक है ना बहुत बढ़िया अब और आगे बढ़ते बेटा यहां तक तो बातचीत क्लियर है अब वो कहता था कंपनी इशूड न्यू डिवेंचर इसे ध्यान से समझना द कंपनी इशूड न्यू डिवेंचर कैरिंग सिक्सटीन परसेंट इंटरेस्ट रेट देखो हमारे पुराने डिवेंचर थे चौदह परसेंट वाले है ना जो पहले इशू थे वो चौदह परसेंट वाले थे अब नए हैं सोलह परसेंट वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज नाइन्टी सिक्स अब देखो यहां इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ो तो वो क्या कहना चाह रहा है कि नए डिवेंचर सोलह परसेंट के रेट पे इशू होंगे सोलह परसेंट का ब्याज हम उन्हें देंगे बोली मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा लेकिन उनका प्राइस कितना होगा नाइनटी अब ना एक चीज है

ऑलरेडी प्राइज ऑफ न्यू डिवेंचर एम पी एस ऑफ न्यूडिवेंचर तो ऐसा नहीं है कि न्यू डिवेंचर का प्राइस हमें डिराइव करना है इस क्वेश्चन में नहीं करना इस क्वेश्चन में हमें नए डिवेंचर का प्राइस नहीं निकालना नहीं निकालना क्या मेरी बातें क्लियर है देखो उधर उसने जब के डी निकाली है तो उसने सोलह परसेंट का इंटरेस्ट लिया नेट ऑफ टैक्स किया और नाइनटी सिक्स लिया क्या यह नाइनटी सिक्स आपको समझ आ गया यानी ये न्यू डेट का प्राइस ऑलरेडी पता है हमें यानी वी ऑलरेडी नो वी ऑलरेडी नो प्राइस ऑफ न्यू डेट इस क्वेश्चन में यानी न्यू डेट का दाम हमें ऑलरेडी पता है मैंने क्या कहा न्यू डेट का दाम हमें ऑलरेडी पता है क्या ये बातें क्लियर हैं है आपको इज इट क्लियर बेटा चलिए बहुत बहुत ही बढ़िया आगे देखिए द प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज नाइन पॉइंट टू विद एनुअल डिविडेंड ऑफ वन पॉइंट वन पर शेयर वर ऑल्सो इशूड वो कहता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे नाइन पॉइंट टू वाले जिनकी एनुअल डिविडेंड वन पॉइंट वन आई उनका डिविडेंड है वर ऑल्सो इशूड तो ये तो बेसिकली केपी साफ साफ दे रहा है कैसे भाई वन पॉइंट वन का उनका डिविडेंट है इशू है नाइन पॉइंट टू पे तो ये उनका के पी हो गया बारह परसेंट इनका रेट था एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट के डी इनका रेट था बारह परसेंट ठीक है अब आगे पढ़िए क्लियर है हाँ या ना बहुत बढ़िया और समझिए वो राउंड ऑफ करके ले रहा है एलेवन पॉइंट नाइन फाइव आ रहा होगा ठीक है जी इतनी बातें क्लियर है हाँ या ना जल्दी बता दो बहुत बढ़िया आगे चलिए अब अब वो हमें देखो क्योंकि क्यों क्यों ना उसने न्यू डेट का रेट मांगा है न्यू प्रेफरेंस का रेट मांगा है और न्यू इक्विटी का रेट मांगा है कॉस्ट जो मांगी है वो नए की मांगी है याद रखना इस बात को अब इक्विटी जो है उसका हमें डिविडेंट ऑलरेडी पता है आने वाले ईयर का बेटा उसने खुद ही बोला था कि डिविडेंड हम एक साल बाद देंगे जितनी हमारी रिटेन डर्निंग है जितनी हमारी ई है उसका आधा तो उसका आधा हम डिविडेंट देंगे तो डी हो गया बहुत बढ़िया तो अगर मुझे एक बात हो मुझे केई चाहिए होती है तो मुझे केई में क्या क्या चाहिए होता है डी चाहिए होता है इधर नेट प्रोसीड चाहिए होती है या प्राइस चाहिए होता है है ना और प्लस ग्रोथ चाहिए होती है तो मुझे डी वन तो पता लग गया डी वन तो ये रहा वन पॉइंट वन एट तो देखो जब आप के ही कैलकुलेट करोगे तो वन पॉइंट वन एट तो हमें ऑलरेडी पता है अब क्वेश्चन में प्राइस चाहिए हमें तो प्राइस को ढूंढो ये रहा प्राइस मार्केट प्राइस है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स कंपनी के नए शेयर का जब मार्केट प्राइस ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स है नए शेयर भी उतने पे इशू होंगे तो ये भी लिख दिया हमने अब हमें चाहिए ग्रोथ रेट अब देखो ग्रोथ रेट इसमें देख कर भी निकाल सकते हो ये एक रुपये से एक रुपये दस पैसे हुई तो टेन परसेंट ग्रो हुई यहाँ पे भी टेन परसेंट ग्रो हुई यहाँ पे भी टेन परसेंट ग्रो हुई हर साल टेन टेन परसेंट ग्रो हो रही है तो अगर आप देखो तो इधर देख कर ही निकाल सकते हो कि ग्रोथ टेन परसेंट है अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो बट वैसे ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो दिखने से ही पता लग रहा है कि टेन परसेंट की ग्रोथ है दिखने से ही पता लग रहा है टेन परसेंट हर साल कंसिस्टेंट ग्रोथ है चाहो तो आप इसे कैलकुलेटर पर कंप्यूट करके रीचेक भी कर सकते हो जैसे आपने वन रुपी टाइप करा पहले वन रुपी टाइप करा फिर प्लस करो टेन परसेंट टेन परसेंट वन पॉइंट वन आया फिर प्लस करो टेन परसेंट तो वन पॉइंट टू वन आया वही मैच करता जा रहा है तो बस इसी ऑर्डर में लेके चले जाओ ठीक है ना तो अब यहां पे आपने टेन परसेंट की ग्रोथ लिखा दी ये ग्रोथ दिखा दी इससे हमारे पास के ई आ गया पंद्रह परसेंट के ई आ गया पंद्रह परसेंट क्या ये बातें क्लियर हैं ठीक है ना उन्होंने ग्रोथ रेट कैसे डिराइव करी है ये दिखा दिया कि इस, मतलब वन पॉइंट वन वाली ई फिर एक साल पुरानी ई और डिवाइड बाई औरिजिनल ई पी एस तो टेन की ग्रोथ है ठीक है जी और ये बात भी हमने पता थी तो अब हमने क्या क्या कर लिया देखिए हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट में क्या करना था कैलकुलेट आफ्टर टैक्स ये तीनों रेट निकालने थे निकाल लिए अब वो कहता है मार्जिनल कॉस्ट चाहिए मार्जिनल ये हुई ना बात मैं आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था देखो मैं आपको मार्जिनल में क्या बता रहा था कि आपको एग्जिस्टिंग का नहीं निकालना ना 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 ना, ना एग्जिस्टिंग का नहीं निकालना नए का रेट निकालना नए का कि जो नया पैसा रेस करेंगे उसका रेट क्या आएगा जो नया पैसा रेस करेंगे तो देखिए वो हमसे मार्जिनल कॉस्ट मांग रहा है नए पैसे का रेट अब पहले इधर पढ़ो कि हमने नया पैसा रेस कितना करना है देखो ये तो एग्जिस्टिंग था क्या न्यू फंड्स कितने चाहिए ये पता है पता ही नहीं है सर सर ये तो दिक्कत हो गई पता ही नहीं है तो एक बात बताओ नए फंड्स नहीं पता लेकिन नए फंड्स की रेशियो पता है क्यों क्योंकि क्वेश्चन क्यों ने ये बात बोली थी कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो ना कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिम है इसका मतलब ये है कि इट मीन्स इसका मतलब होता है कि अवर रेशियो ऑफ कैपिटल इज बेस्ट रेशियो ऑफ कैपिटल इज बेस्ट सो इट विल बी यूज इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल बी यूज इन फ्यूचर ऑल्सो यानी अगर आप नया मार्जिनल कॉस्ट भी निकालोगे तो भी सेम रेशियो में कैपिटल रेस करोगे मैं ये नहीं कह रहा कि सेम कैपिटल रेस करोगे सेम रेशियो में कैपिटल रेस करोगे मैंने क्या बोला आपको समझ आई बात मैंने यह कहा आपको कि सेम रेशियो में कैपिटल रेस करोगे सेम रेशियो में कैपिटल रेस करोगे बोलो मेरी बातें क्लियर हो गई आपको क्लियर है चलो अच्छे से पढ़ लो बेटा इंडिया मैच जीत गया अब अब परेशान मत हो अब अच्छे से पढ़ाई कर लो ठीक है ना पढ़ाई कर लो निकमो और कितने वादा किया था कि शुरू से एंड तक बैठेंगे और बच्चे कितने देख रहे हो अभी तो और गिरते जाएंगे एक दो चैप्टर्स के बाद अब ऐसे ही थोड़ी ना बेटा रिज़ल्ट रेशो इतनी कम आती है क्योंकि बच्चे को मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई के लिए वो कम मिलती है बच्चे को कम बच्चे ही इतने मोटिवेटेड मैंने बता भी दिया कि मैच जीत गए जीत गए बात खत्म अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ध्यान दीजिए तो यानी हम सेम रेशियो फ्यूचर में रखेंगे तो रेशियो क्या थी रेशियो थी पॉइंट वन फाइव पॉइंट जीरो फाइव एंड पॉइंट एट जीरो ये रेशियो है अगर आप इन तीनों की रेशियो देखो तो ये बनेगी पंद्रह परसेंट पाँच परसेंट और अस्सी परसेंट ये रेशियो बनेगी तो यानी फ्यूचर में भी जब पैसा रेज़ होगा तो इसी रेशियो में रेज होगा क्योंकि हमने एक बात बताओ मैंने क्लास में इसे कैसे समझाया था मैंने कहा कि मैंने चाय बनाई और बढ़िया चाय बन गई तो मैं मानता हूँ कि चाय आज ऑप्टिमम बनी है जब मैं मान लेता हूँ कि चाय ऑप्टिमम बनी है तो मैं चाय का फॉर्मूला याद कर लेता हूँ कि इतनी चीनी इतना पानी इतना सब कुछ डालना है इतना दूध डालना है इतना सब कुछ ये डालना है तो उस रेशियो को याद कर लेते हैं फिर जब भी चाय बनाते हैं उसी रेशियो में इनपुट करते हैं उसी रेशियो में इनपुट करते हैं यानी हमने अगर अपनी कैपिटल की बेस्ट रेशियो देख ली कि ये ऑप्टिमम है तो जब भी कैपिटल रेस करोगे इसी रेशियो में रेस करोगे इसी रेशियो में रेस करोगे ठीक है जी ध्यान दीजिए तो अब देख रहे हो इन्होंने इधर सीधा रेशियो ले ली अब आपको ये बात समझ आई अमाउंट क्यों नहीं दिखाया अमाउंट तो पता ही नहीं ना क्या आपको मार्जिनल कॉस्ट नया पैसा कितना रेस करना है इसका अमाउंट पता पता है नहीं लाख 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 कितने करने मुझे पता ही नहीं है लेकिन मुझे रेशियो पता है कि जब भी रेस होगा रेशियो यही रहेगी तो मैंने वेट्स यूज कर लिए अब आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर कितना प्यार है आपके दिमाग के लिए कितना कितनी प्यारी बात लिखी हुई है कि सीधा वेट यूज कर लो जब अमाउंट नहीं पता ठीक है जी बोलिए हा या ना आइए तो हमारे पास स्पेशल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दी हमने जो स्पेसिफिक कॉस्ट थी इनकी बेसिकली इसके साथ के डी के पी इसके साथ के ई और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया बेसिकली ये KO, आप ये कह सकते हो डब्ल्यू एम सी सी आ गया वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया बहुत बढ़िया तो ये बात भी समझ आ गई बी पार्ट भी आपका क्लियर हो गया सी पार्ट पे आइए डिटरमाइन द अमाउंट ये है इंपॉर्टेंट बात ये है आपका ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट इसे ध्यान से समझना वो कहता है कितना अमाउंट आप टोटल कैपिटल पे लगा सकते हो बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड तो देखो बेटा आप मतलब आप रिटेन लर्निंग यूज करके कितना पैसा ला सकते हो जैसे एक एग्जाम्पल हो मुझे ये बात पता है ध्यान से समझना इस बॉक्स को समझना मुझे ये बात पता है कि जब भी हम अपने पास कैपिटल रेस करते हैं उसमें एट्टी परसेंट इक्विटी डालते हैं ठीक है पंद्रह परसेंट डेट डालते हैं यानी हम जब भी कैपिटल रेस करते हैं एट्टी परसेंट हम इक्विटी से रेस करते हैं पंद्रह परसेंट हम डेट से उठाते हैं पैसा और 5 परसेंट हम प्रेफरेंस से उठाते हैं ये हमें पता है ये हमारी ऑप्टिमम रेशियो ये हमारी ऑप्टिमम रेशियो ये हमारी बेस्ट रेशियो है ठीक है जी ठीक है जी बोलो बोलो मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको क्या कहा ये हमारी बेस्ट रेशियो है इज इट क्लियर अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास जो रिटेन अर्निंग है वो भी तो इक्विटी बेटा इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग एक ही पार्ट में काउंट होती है ना अगर मेरे पास रिटेन अर्निंग पड़ी है कितने की ग्यारह हजार आठ सौ की थी चेक करना कितने की रिटेन अर्निंग थी हमारे पास ग्यारह हजार आठ सौ की थी ना हमने निकाली भी थी शायद कहीं ये देखो ग्यारह हजार आठ सौ की रिटेन अर्निंग थी अगर मेरे पास ग्यारह हजार आठ सौ की रिटेन अर्निंग है जिसे मैं यूज करूंगा तो उस वक्त मेरे सवाल को समझो ब्रेकिंग पॉइंट इसी को कहते हैं उस वक्त टोटल कैपिटल कितनी होगी जब रिटेन डर्निंग ये वाली यूज हो जाएगी तब टोटल कैपिटल कितनी होगी क्योंकि उसके बाद अगर और पैसा रेस करना है तो रिटेनिंग खत्म हो जाएगी फिर नई इक्विटी उठानी पड़ेगी नया इक्विटी शेयर बेचना पड़ेगा रिटेन डरिंग इस लेवल पे खत्म हो जाएगी इसके बाद हमें नए इक्विटी शेयर बेचने पड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ इस बात का अर्थ यह है बेटा कि अगर आपके पास रिटेन डर्निंग है ध्यान दीजिए अगर आपके पास रिटेन डरिंग है ग्यारह की तो इसके पश्चात इसके बाद अगर आप जाओगे तो कितना आप कितना पैसा रेस कर सकते हो तो उस वक्त टोटल कैपिटल कितनी होगी ये पूछ रहा है वो आपसे कि उस वक्त टोटल कैपिटल कितनी होगी तो अगर ये एट्टी परसेंट है तो बता दो कि ग्यारह हजार आठ सौ का अगर एट्टी परसेंट है तो वन किसके बराबर है कर दो डिवाइड तो ग्यारह हजार आठ सौ डिवाइडेड बाई पॉइंट एट वन तो ये आंसर आ गया फोर्टीन सेवन फिफ्टी फ़ोटीन सेवन फिफ्टी बोलिए मेरी बातें समझ आ गई आपको तो ये आपके पास फ़ोर्टीन सेवन फिफ्टी आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है जी बोलिए 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 इतनी बातें समझ आ गई आपको तो ये फ़ोटीन सेवन फ़िफ्टी आ गया यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 14750 का सोल्यून आएगा यानी इतनी टोटल कैपिटल रेज होगी जब हमारी रिटेन डर्निंग खत्म होगी और इसके बाद हमें फ्रेश इक्विटी उठानी पड़ेगी मतलब इसके बाद अगर और पैसा चाहिए तो अब रिटेन डर्निंग खत्म हो गई है तो फ्रेश इक्विटी उठानी पड़ेगी फिर फ्रेश इक्विटी बेचेंगे साथ में थोड़ी डेट उठाएंगे थोड़ी प्रेफरेंस उठाएंगे और नया पैसा उठाएंगे वो बात की बात है क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि जब रिटेन डर्निंग खत्म होगी तब आपकी टोटल कैपिटल कितनी आ चुकी तो आपकी टोटल कैपिटल चौदह आएगी देखिए उसी बात को उसने कैसे लिखा है ज़रा समझो द कंपनी कैन स्पेंड द फॉलोइंग अमाउंट विदाउट इंक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट सेलिंग न्यू इक्विटी शेयर नए इक्विटी शेयर बेचने की जरूरत नहीं है तब तक हमारे पास इतने की रिटेंडर नहीं है अब ये 80% परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल है तो यानी इतना पैसा ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है इस पॉइंट के बाद ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट के, के बाद ब्रेक होने का मतलब इस पॉइंट के बाद मैं ब्रेक नहीं दूंगा इसका मतलब यह कि इस पॉइंट के बाद अगर आपको और पैसा रेस करना है तो आपको इक्विटी शेयर रेस करने पड़ेंगे नए ठीक है अब आगे पढ़िए डी पार्ट वो कहता है कि आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नए के लिए बताओ अगर नया शेयर बीस रुपए में बिकेगा अगर रिटर्न डर्निंग खत्म हो जाएगी जब रिटर्न डर्निंग भी खत्म हो जाएगी तो नया शेयर बेचना पड़ेगा नया शेयर बीस रुपए का बिक रहा है तो अब के ही चेंज होगा बेटा देखो के डी सेम रहेगा केपी सेम रहेगा लेकिन केई चेंज हो जाएगा अब के ही चेंज क्यों हो जाएगा क्योंकि अब हमें बीस रुपए का शेयर बिकना है अब बीस रुपए का शेयर बेचना है तो देखो दोबारा के ही कैलकुलेट करो तो आपने दोबारा से के ही कैलकुलेट करा बीस रुपए का शेयर लेके बीस रुपए के शेयर के अकॉर्डिंग नई के ई आ गई पंद्रह पॉइंट नाइन फिफ्टीन पॉइंट नाइन परसेंट तो अब वेट सभी भी सेम यूज़ होंगे वेट तो भैया वेट तो ऑप्टिमम है चाय तो बेस्ट बना रहा हूं मैं रेशियो लेके तो जब भी मैं नई चाय बनाऊंगा उसी रेशियो में चाय चीनी उसी रेशियो में पत्ती उसी रेशियो में दूध और पानी वानी सब डालूंगा रेशियो तो मैं डिसाइड कर चूँगा अब जितनी मर्जी चाय बनवा लो दो कप चाय कप दस कप बना लो रेशियो वही रहेगी तो यानी अब हमें और पैसा रेस करना है तो भी रेशियो यही रहेगी पंद्रह परसेंट पांच परसेंट अस्सी परसेंट बट इसका रेट भी सेम रहेगा इसका रेट भी सेम रहेगा इसका रेट बदल गया क्योंकि अब इक्विटी शेयर नए आ गए अब रिटर्न टर्निंग नहीं आ रही अब नया वाला इक्विटी शेयर आ गया पुराने वाले नहीं है इसलिए नए रेट के हिसाब से नया के नया डब्ल्यू आ गया ये था बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसमें सर्वगुण संपन्न था जितनी बातें पेंडिंग थी वो सारी की सारी बातें हमने आपके साथ कर ली इस क्वेश्चन में एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है आवाज़ आवाज़ कैपिटल स्ट्रक्चर पे लेकर आ रहा हूँ मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पे आ जाओ जरा जल्दी जल्दी से बता दो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पे आवाज़ आ रही है माइक ड्रोप, माइक ड्रॉप ड्रॉप तो उसमें करते हैं एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है उसमें करते हैं माइक ड्रॉप है ना यही मतलब होता है ना माइक ड्रॉप क्या बात है क्या बात है आ गई बेटा आवाज वापिस आ गई है आई एम बैक ठीक है जी आइए अक्षय अरोड़ा जी अभी अभी आए हैं पूछ रहे हैं कौन कौन से चैप्टर हो गए बेटा अभी तक दो चैप्टर हो गए हैं लिवरेज और कैपिल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया है अब कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग चलने लगे हैं बच्चे कह रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर करा दो करा दो करा दो तो ठीक है करा देते हैं आइए कैपिटल स्ट्रक्चर देखो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब पहले समझो एक कंपनी है ठीक है अब एक बंदा है जिसका नाम है शेख अखिल ये फाइनेंस मैनेजर है ये हमारे बैच में स्टूडेंट थे मैंने लिखते लिखते उन्हीं का नाम लिख दिया था एग्जाम्पल में मान लो कि आप ध्यान देंगे बेटा आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं कंपनी के अब कंपनी के पास इक्विटी देखो आपको 200 करोड़ रुपए रेस करने हैं आपको यह पता है कि आपको टोटल कैपिटल चाहिए 200 करोड़ तो अब आप 200 करोड़ या तो पूरा इक्विटी से रेस करो या आधा इक्विटी आधा डेट से रेस करो या आधा इक्विटी 25 परसेंट डेट 25 परसेंट प्रेफरेंस से रेस करो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन हैं बड़े सारे कॉम्बिनेशन है बेसिकली कंपनी ने यह कह दिया कि हमें दो करोड़ चाहिए भाई ऑपरेशनल मैनेजर ने बता दिया कि मुझे दो करोड़ रुपये चाहिए नई बिल्डिंग बनाने के लिए नया प्लांट लगाने के लिए नया प्रोजेक्ट चलाने के लिए अब ये 200 करोड़ आप कहां से लाओगे किस किन सोर्सेज से किस कॉम्बिनेशन में लाओगे वो डिसाइड करने को बोलते हैं है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर यानी आप किस तरीके से रेशियो प्लान करोगे रेशियो जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमने बोला था ना कि रेशियो ऑप्टिमम है हमें पहले ही पता थी बेस्ट रेशियो क्या है इधर हमें वो रेशियो डिसाइड करनी है कि, कि कितना इक्विटी उठाएं कितना डेट उठाएं कितना प्रेफरेंस उठाएं पैसा कहां कहां से लाएं ये डिसाइड करना है ठीक है जी बोलिए क्लियर है आइए जरा सुनिए 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 तो मैंने आपको बताया कंसेप्ट वन पहला इसका कंसेप्ट क्या है पहला कंसेप्ट आसान सा है आपको डिसाइड करना होता है कि अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे लिए हमें जैसे दो तीन ऑप्शन देगा कि पूरे पैसे इक्विटी से रेस कर लो आधा इक्विटी आधा डेट कर लो या आधा इक्विटी आधा प्रेफरेंस आधा डेट कर लो ऐसा कुछ तो हमें दो करोड़ रेस करने हैं तो पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ कि या तो पूरे के पूरे दो करोड़ इक्विटी से आएंगे या आधी इक्विटी आधी डेट आएगी या फिर आधी इक्विटी फिफ्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रेफरेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट डेट आएगी तो फिर आप क्या करो पहले इन सब में न्यू टोटल ई निकाल लो न्यू टोटल ई निकाल लो कि टोटल ई कितनी है न्यू ठीक है जी आप पहले न्यू टोटल ई निकालो माइनस कर दीजिए इसमें से लेस कर दीजिए न्यू टोटल इंटरेस्ट मतलब न्यू टोटल ई बी का मतलब क्या है सर इसका क्या मतलब न्यू टोटल ई बी देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पुरानी ई बी गिवन होती है और पुरानी कैपिटल गिवन होती है मैं इसे समझाता हूँ पहले पहले इसी पॉइंट को अच्छे से समझो आओ देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि ना आपके पास ध्यान से सुनना एग्जिस्टिंग कैपिटल पता होती है आपको कि हमारे पास पहले ठीक है जी एग्जिस्टिंग कैपिटल होती है जिसमें हमारे पास इक्विटी रिजर्व प्रेफरेंस डेट सब कुछ है अब ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया होगा कितना कितना इक्विटी है कितना प्रेफरेंस है कितना डेट है कितना क्या है सब कुछ दिया है पहले आप क्या करो इन सबको ऐड करो इससे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो आप पहले ये पता लगा लो कि आपके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आप ये देख लो कि आपके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है ये निकाल लो निकाल लिया अब आपके पास जितनी भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है आप ये देखो कि आपके पास एग्जिस्टिंग ई कितनी है आप अभी कित ध्यान से सुनो आप अभी कितना कमा रहे हो और आपके पास अभी कैपिटल कितनी है मैं रिपीट करता हूँ आप अभी कितना कमा रहे हो और आपके पास अभी कैपिटल कितनी है और आप इन दोनों से परसेंटेज निकाल लो कि आप अभी कितने परसेंट ई बी कमाते हो कितने परसेंट पैसा लगा कर यानी आप मान लो दस लाख कमा रहे हो दो करोड़ लगा कर। तो आप दस लाख कमा रहे हो दो करोड़ लगाकर यानी आप पाँच परसेंट कमा रहे हो ईबीआईटी आपकी पांच परसेंट है अभी की एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट आपकी ईबीआईटी बी आई परसेंट यानी अभी आप पाँच परसेंट के रेट से कमा रहे हो तो अगर आप अभी पाँच परसेंट के रेट से कमा रहे हो तो आप जब फ्यूचर में नया पैसा लाओगे वो भी पाँच परसेंट के रेट पर कमाएगा भाई अभी अगर अभी आपके पास दो करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और दो करोड़ पे आप पाँच परसेंट कमा रहे हो तो जब आपके पास कल को तीन करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी तो आप तीन करोड़ का पाँच परसेंट कमाओगे भाई हम ये मानते हैं कि आपकी रेट ऑफ अर्निंग सेम रहने वाली है हम क्या मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि आपकी रेट ऑफ अर्निंग सेम रहने वाली है जितने रेट पे आप पहले कमाते थे आप फ्यूचर में भी उसी रेट पे कमाओगे क्या कहा मैंने दोबारा बोलो हम ये मान के चलते हैं कि जिस रेट पे आप पहले कमाते थे आप आने वाले समय में भी उसी रेट पर कमाओगे हम ये मानते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप पहले पाँच कमाते थे तो आप फ्यूचर में भी पाँच कमाओगे तो जो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है न्यू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड न्यू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसमें पुरानी कैपिटल और नई कैपिटल को ऐड कर लो टोटल कैपिटल आ, आ। जाएगी अब उस टोटल कैपिटल को आप z परसेंट से जो है आपने z परसेंट निकाला है इससे मल्टीप्लाई कर दो आपको न्यू टोटल ई पता लग जाएगी न्यू ई पता लग जाएगी यानी दोबारा ध्यान से समझो हम जितने रेट पे पहले कमाते थे पैसा हम ये मानते हैं कि हम उसी रेट पे भी फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं अगर मान लो पहले मैं दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बातों को अगर मान लो मेरे पास टोटल इक्विटी प्रेफरेंस डेट वेट पुराने जो पहले का पैसा था जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कैपिटल था नया की बात नहीं कर रहा पुराने की बात करो जो एक्जिस्टिंग था जो क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस शीट के अंदर यानी इस पैसे से मैं इतनी अर्निंग कर लेता था मतलब और एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं दो करोड़ रुपए से मान लो बीस लाख रुपये कमा लेता था और आसान कर देता हूँ दो करोड़ रुपए से बीस लाख तो यानी मैं हम बीस लाख रुपए कमा लेते थे दो करोड़ रुपए लगाकर यानी हम टेन परसेंट ई बी आई टी कर लेते थे हम अपनी कैपिटल से टेन परसेंट कमाते थे हम अपनी कैपिटल से टेन परसेंट ई बी आई टी कमाते थे सिंपल तो अगर कल को मेरी कैपिटल बढ़ गई अगर मैं ओल्ड कैपिटल के साथ नई कैपिटल भी ले आया तो मेरी टोटल कैपिटल बढ़ जाएगी अब मेरी टोटल कैपिटल जो बढ़ जाएगी उस पर भी मैं टेन परसेंट कमाऊंगा तो मैं उस न्यू टोटल कैपिटल पे टेन परसेंट कमाऊंगा तो ये मेरी न्यू ई हो जाएगी कितने बच्चों को समझ गए कि न्यू टोटल ई हो जाएगी हमारी ठीक है जी तो ये हमारी न्यू टोटल ई आ जाएगी मान लो हमने एक करोड़ और रेस किया है तो हमारी न्यू टोटल ई बी आई तीस लाख हो जाएगी अब क्योंकि टेन परसेंट है टेन परसेंट ऑफ थ्री करोड़ हो जाएगा अब तो थ्री करोड़ के हिसाब से हमने तीस लाख रुपए कमाएंगे सिंपल अब इसमें से न्यू टोटल इंटरेस्ट माइनस करो टैक्स माइनस करो प्रेफरेंस इवेंट माइनस करो पुराना भी नया भी फिर ई आई ई एस पे आ जाओगे फिर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो जितने भी नए पुराने और नए मिलाकर इक्विटी शेयर्स हैं इससे आपके पास ई पी एस आ जाएगा कई क्वेश्चन में इसके आगे कुछ नहीं होता कई क्वेश्चनों में ई पी एस के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है ई पी एस के बेसिस पे डिसीजन लो कौन सा ई पी एस ज़्यादा है उसके इसको सिलेक्ट कर लो भाई देखो हम हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के सगे होते हैं हम है फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर किसके सगे हैं हमें रखा किसने हमें हायर किसने किया हम किसके लिए काम कर रहे हैं हमें सैलरी कौन दे रहा है हमें प्रमोशन कौन देगा इक्विटी शेयर होल्डर तो हम किसके सगे हैं इक्विटी शेयर होल्डर के हम हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के सगे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को हाइस्ट ईपीएस जिस केस में मिल रहा होगा हम उसे सिलेक्ट देंगे इन तीनों में से जिसमें ईपीएस हाईएस्ट है उसे सिलेक्ट कर दो अगर पी ई रेशो भी गिवन है क्वेश्चन में अगर पी रेशो गिवन है या निकल सकती है उसका हिंट है तो आप पी ई रेशो से इंटू करो तो आपके पास एम पी एस आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगी एम पी एस एम पी एस मतलब मार्केट प्राइस उधर शेयर आ जाएगा क्योंकि ये कैसे आया है? ये बात समझ आई देखो इस बात को समझने की कोशिश करो पी ई रेशो का मतलब क्या होता है पी रेशो -E का मतलब होता है एम पी एस बाई ई पी एस अगर मुझे पी ई रेशो पता है और ई पी एस पता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ई पी एस और पी ई रेशो को मल्टीप्लाई करो आपके पास एम पी एस निकल आएगा एम पी एस डिराइव हो जाएगा तो आपने क्या किया आपने ईपीएस के साथ पीई -E रेशियो को मल्टीप्लाई किया आपके पास एम पी एस डिराइव हो गया आपके पास कौन डिराइव हो गया आपके पास एम पी एस डिराइव हो गया बोलिए मेरी बातें क्लियर हो गई आपको यानी क्या कहा आपके पास एम पी एस डिराइव हो गया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया यानी आपके पास एमपीएस डिराइव हो गया ठीक है जी ये सारी बातें क्लियर होगी जो हायर एमपीएस है वो जीत जाएगा जो हायर एमपीएस है वो जीत जाएगा अगला पॉइंट है इंडिफरेंस लेवल ई बी आई टी इन लेवल ई बी आई टी का मतलब जहां मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑप्शन वन को सिलेक्ट करूं या ऑप्शन टू को सिलेक्ट करूं मतलब ऐसा लेवल जिस पे दोनों ऑप्शन का ईपीएस बराबर आ जाए देखो मैंने क्या कहा मैं हायर ईपीएस को सिलेक्ट करना चाहता हूं दोबारा सुनो मैं हायर ईपीएस को सिलेक्ट करना चाहता हूं हायर एमपीएस को सिलेक्ट करना चाहता हूं पर अगर दोनों का ईपीएस आई बराबर रहा हो तो फिर मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लूंगा इन का मतलब क्या है आप मान लो मैंने आपको सौ रुपये देने हैं अब मैं सौ रुपये का एक नोट दूँ या पचास पचास के दो नोट दूँ आपको क्या फ़र्क पड़ता है मिल तो सौ रुपये रहे ना भाई मिल तो सौ ही रुपये रहें चाहे सौ रुपये का एक नोट हो चाहे पचास पचास के दो नोट हो बिल्कुल सिंपल ऐसी अब मेरे को हाइस्ट एम पी ई कमाना है हाइएस्ट ई अगर वन में और टू में दोनों में ई बराबर आ रहा है तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा यार मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है फिर मैं दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करूँगा फिर मैं दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा क्या मेरी बातें क्लियर हैं हाँ या ना क्या आप सभी को मेरी पूरी बातें समझ है हाँ या ना बहुत ही बढ़िया अगर आप सभी को यहां तक की सभी बातें समझ आती हैं तो यह बहुत अच्छी बात है तो देखिए इंडिफरेंस लेवल का मतलब होता है वो लेवल जिस पे दोनों ऑप्शंस में ईपीएस बराबर आता है तो हम क्या करते हैं दोनों लेवल का ईपीएस बराबर है ईपीएस का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना Ebit में से इंटरेस्ट माइनस करो फिर टैक्स नेट करो तो देखो ऐसे ही हो ना Ebit में से पहले इंटरेस्ट होता होता है, फिर होता है, तो हो फिर करो, और करो. तो गया, फिर टैक्स टैक्स तो गया, प्रेफरेंस ये फर्स्ट केस का ईपीएस का ईपीएस के के आ गया आ गया को आप इक्वेट कर दो इक्वल रख के सॉल्व कर दो आपके पास इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने ई बी आई टी को डिराइव करना है जो रेड कलर के पेन से लिखा है ना मैंने ई बी आई टी इसे डिराइव करना है इसे निकाल के लाना है आपने तो जब आप ई बी आई टी निकाल लोगे वो इन डिफरेंस लेवल का ई बी आई टी होगा वो ई इ... बी लेवल का ई बी आई टी होगा ठीक है जी बोली मेरी बातें समझ आई आपको इन्हें क्या कहा प्रॉबेबली बेटा मैं ट्वेल्थ थर्टी तक पढ़ाऊंगा ट्वेल्व थर्टी तक हम अभी एक दो चैप्टर और पढ़ लेंगे क्योंकि अब वाले चैप्टर थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि बेस बिल्डिंग में करा चुका हूँ आपकी तो हम इन डिफरेंस लेवल ई बी आई टी तक पहुँच जाएंगे अब इनडिफरेंस लेवल ई बी आई टी को अगर जो मेरे पास ई बी आई टी आया उस ई वी आई डी को मैं यहाँ पुट कर दूँ या यहाँ पुट कर दूँ अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ या यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास इंडिफरेंस लेवल का ई पी एस आ जाएगा मेरे पास इनडिफरेंस लेवल का ई पी एस आ जाएगा इनडिफरेंस लेवल का ई पी एस आ जाएगा क्या ही बात समझ गए इसका नाम मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ फिर डायग्राम वाइग्राम सब कुछ बनवाना चाहता हूँ ठीक है एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि उससे आपको बेटर फील होने लगेगा थोड़ा सा आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसे हम कंप्लीटली कर लेते हैं ठीक है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें बच्चे कह रहे हैं हमसे कैलकुलेशन कराओ एक आधी आपसे भी करवा लूंगा डोंट वरी। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इलास्टेशन नंबर फोर्टीन वो कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ध्यान दीजिएगा एक कोई कंपनी है जिसका नाम है क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड वो कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है फिफ्टी टू लैख का ठीक है तो ये बेसिकली ईबीआईटी हो गया इसमें से डिबेंचर का इंटरेस्ट बारह परसेंट वाला बारह लाख का इसका मतलब हमारी जो डेट होगी वो वन करोड़ की होगी डेट सौ लाख की होगी इसका मतलब टैक्स लग जाता है फोर्टी परसेंट के रेट पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है फिर इसमें टैक्स लग जाता है फिफ्टी परसेंट के रेट से बहुत बढ़िया तो हमारे पास क्या बचता है हमारे पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बीस लाख अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आठ लाख है ईपीएस टू पॉइंट फाइव है पीई रेशियो टेन है एमपीएस ट्वेंटी फाइव है एम पी एस ट्वेंटी फाइव है ठीक है जी ये सारी बातें कही हुई है द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट देखो ये सब तो हो चुका है ये तो हमारी एग्जिस्टिंग है अब वो कहता है कि हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसकी टोटल कैपिटल आउटले चालीस लाख है यानी हमें चालीस लाख रुपए और चाहिए न्यू फंड रिक्वायर्ड न्यू फंड रिक्वायर्ड यानी ये हमें कह रहा है कि न्यू फंड रिक्वायर्ड तो हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल पता है अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बताओ देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल में अगर आप ध्यान से देखो तो डेट है सौ लाख की है ना डेट आपके पास सौ लाख की है और अगर आपके पास आठ लाख शेयर हैं दस रुपये वाले आठ लाख शेयर हैं दस रुपये वाले तो अस्सी लाख रुपये के शेयर भी हैं आपके पास तो यानी आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है नहीं पच्चीस रुपये का मार्केट प्राइस दे रखा है ना उसने तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है सौ लाख की डेट है और दो सौ लाख की इक्विटी है यानी आपके पास टोटल कैपिटल अभी तक तीन सौ लाख रुपये की है आपकी टोटल कैपिटल तीन सौ लाख रुपये की है बोलो मेरी बातें समझ आई आपको मैंने क्या कहा अभी तक आपके पास टोटल तीन सौ लाख रुपए की कैपिटल है क्योंकि मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने दे रखा है वरना फिर मुझे रिटर्न डर्निंग निकालनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए मैंने रिटर्न डर्निंग ना निकालने के लिए सीधा इक्विटी से निकाल दिया तो हमारे पास टोटल तीन सौ लाख है और तीन सौ लाख पे हम कमाते हैं कितना है कितने? देखो हम तीन सौ लाख पे कमाते कितना है फिफ्टी टू लाख तो अगर हम फिफ्टी टू लाख रुपीज़ कमाते हैं तीन सौ लाख पे तो हम सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कमाते हैं यानी हम सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कमाते हैं तो ये हमारी एग्जिस्टिंग रेट है अगर फ्यूचर में हम चालीस लाख रुपए और रेस करेंगे चालीस लाख और तो देखो तीन करोड़ तो पहले ही थे अब थ्री करोड़ प्लस फोर्टी लैक्स हो जाएंगे थ्री करोड़ प्लस फोर्टी लैक्स तो यानी हमारे तीन सौ चालीस लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अब हम उस पर सेवेंटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कमाएंगे तो हमारा न्यू ई बी आई टी जो आएगा न्यू ई बी आई टी वो फिफ्टी एट पॉइंट नाइन थ्री लैक होगा यानी आने वाले समय में हमारा जो ई बी आई टी हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्या आप सबको ये बात क्लियर हो गई अच्छा लेकिन ना क्वेश्चन में केयरफुल रहा करो कभी कभी वो नया ई बी आई टी खुद दे देता है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वो नया आई खुद दे देता है तो अगर दे रखा हो तो उसको यूज़ कर लेना फिर आप ये कैलकुलेशन मत करना फिर आपको ये कैपिटल निकालने वाली रेट निकालने वाली रेट अप्लाई करने वाली कैलकुलेशन नहीं करनी अगर क्वेश्चन नहीं दे दिया है लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं दे रहा तो आपको यूज़ करना चाहिए ऐसे क्या ये बातें समझ आती हैं आपको मैंने क्या कहा अच्छे से समझ आती हैं बेटा मेरी बातें बहुत बढ़िया अब वो क्या कहता है ज़रा देखो अब वो हमें कहता है अब ना मैं इसे आपको खुद समझने के लिए दूंगा इस पॉइंट को आपने समझना है ध्यान देना वो कहता है कि अगर डेट और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी की रेशियो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी की रेशियो थर्टी फाइव परसेंट से ऊपर चली गई तो के ई साढ़े बारह परसेंट हो जाएगा पी ई रेशियो आठ जो रिड्यूस हो जाएगा आठ पे जो पीई रेशियो पहले टेन था वो एट पे आ जाएगा और जो नया इंटरेस्ट है वो फोर्टीन परसेंट पर मिलेगा नया डेट नया डेट फोर्टीन परसेंट पर मिलेगा है। हमारे पास दो दो ऑप्शन है हम सारा पैसा या तो लोन से उठा ले डेट बढ़ा लें चालीस लाख रुपए की यानी हम लोन ले लें चालीस ले लाख का या हम इक्विटी बेचे ठीक है और इक्विटी जब हम रेस करेंगे तो हमें चालीस लाख रुपए की इक्विटी चाहिए ठीक है जी हमें चालीस लाख रुपए की इक्विटी चाहिए सर इस लाइन का क्या मतलब है कि रिटेनिंग वन करोड़ की पड़ी है हमारे पास ये लाइन का क्या मतलब है देखो अब ये एग्जाम के लिए तो जरूरी नहीं है बट मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि वरना आप कंफ्यूज रहोगे कि ये 1.2 करोड़ का क्या मतलब है देखो बेटा इधर समझो जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है एक बात बताओ उसमें हमारे पास डेट कितनी थी एग्जिस्टिंग कैपिटल जो हमारे पास पहले थी उसमें हमें सौ लाख की डेट थी क्योंकि तभी तो बारह लाख रुपए का ब्याज जा रहा है यानी हमारी डेट थी सौ लाख रुपए की या फिर वन करोड़ की है ना हमारी इक्विटी कितनी थी अगर आप इक्विटी की सिर्फ बुक वैल्यू दिखाओगे बुक वैल्यू तो आपको रिटेन डरनिंग भी साथ में दिखानी पड़ेगी तो इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी थी आपके पास आठ लाख शेयर थे और कितने रुपए वाले शेयर थे बताओ आपके पास आठ लाख शेयर थे और कितने रुपए वाले शेयर थे सोचो दस रुपए वाला शेयर तो अस्सी लाख रुपए यानी पॉइंट एट लैख की पॉइंट एट करोड़ की इक्विटी थी और रिटेन अर्निंग होगी वन पॉइंट टू करोड़ की रिटर्न डर्निंग होगी वन पॉइंट टू करोड़ तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तीन करोड़ आ गया इसको दिखाने का एक तरीका और क्या हो सकता था मैंने कौन सा तरीका फॉलो किया मैंने ये वाला तरीका फॉलो नहीं किया मैंने इसकी जगह कैसे दिखाया था मैंने दिखाया था कि डेट है एक करोड़ और इक्विटी जो शेयर कैपिटल है प्लस रिटेन डर्निंग को मिला के मार्केट वैल्यू निकाल ली मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू कंबाइंड होती है ना दोनों की तो हमने आठ लाख रुप आठ लाख शेयर्स के पच्चीस रुपये के रेट पे सीधा तीन सीधा दिखा दिया था कि ये दो करोड़ है और टोटल वैल्यू तीन करोड़ हमने इस मेथड से दिखाया इस मेथड से भी दिखा सकते थे करेक्ट तब भी होता बोलो मेरी बातें आपको समझ आई कि बेसिकली इन दोनों की ये तो बुक वैल्यू है ना और ये मार्केट वैल्यू है तो हमने सीधा मार्केट वैल्यू दिखा दी थी अगर आप बुक वैल्यू से दिखाते तब भी आंसर मैच हो जाता ये मतलब है इसका बट आप कैसे भी करो मार्क्स तो बराबरी मिलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है और अब आपको समझ भी आ रहा है क्योंकि मैं बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का concept आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझा के भी आया ठीक है जी अब वो कहता है कि अगर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी पैंतीस परसेंट से हाई हो गई तो क्या क्या होगा के ई -E ऊपर चला जाएगा साढ़े बारह परसेंट पे पीई रेशियो आठ पे आ जाएगा और बोरविंग का नया रेट फोर्टीन परसेंट पे आ जाएगा तो देखो ये इधर मैंने कैलकुलेशन करी ये मैं चाहूंगा आप समझे आप खुद मैं हट जाता हूँ बीच में से दो मिनट आप समझे और इसे लिक, इसे लिख कर देखें इस वाली कैलकुलेशन को ये जो वन और टू ऑप्शन की कैलकुलेशन है ये आप लिख कर देखें कहीं ख़ुद करें मैं चाहूँगा दो मिनट का टाइम लो लेकिन ये लिख कर देखो जब तक तो ये लिख कर नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी मैं हट जाता हूँ मेरे मेरे रास्ते में आ रहा हूँ ना मैं आपके ये लो करो जरा इसे एक बार देखो ये रेट ये कैलकुलेट करके देखो हाँ जी यहीं हूँ पानी भरने गया था बॉटल में बताओ भैया किया गया क्वेश्चन कि नहीं किया अरे प्रभु क्या करें बताओ हो गया ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा एक बच्चा कह रहा है बफर हो रहा है लेकिन बफर मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा मैंने पूरा चेक कर लिया अभी इंटरनेट भी ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा वाटर ही ठीक है पानी पीते रहो काम चलाते रहो अभी क्लास के बाद खा लेंगे बारह बजे खा लेंगे कोई बात नहीं हम तो कभी कभी लेट भी खा लेते हैं आप लोग टाइम पे खाते हैं, मैं कभी कभी डिनर लेट भी कर देता हूँ फाइनेंस विद प्रभव पूछते हैं कौन कौन से चैप्टर हो गए मेरे भाई चैप्टर हो गए हैं अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है ये बात समझ आ गई सबको देखो इस वाले केस में ध्यान दीजिएगा जो केस वन है जिसमें हम डेट रेस कर रहे हैं वहां पर ओल्ड डेट थी सौ लाख की नई डेट आई चालीस लाख की तो टोटल थ्री फोर्टी में से अब डेट का परसेंटेज पैंतीस परसेंट से ज़्यादा आ गया तो पाप हो गया पाप हो गया मतलब डेट बढ़ गई डेट बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा न्यू के भी चेंज हो जाएगी और पीई रेशियो अब एट पे आ जाएगा जबकि यहां पे कोई चेंज नहीं होगा यहां पे पीई रेशो टेन ही रहेगा ठीक है जी आइए जरा अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है देखो क्वेश्चन ने यही बात बताई सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये हमने पहले ही निकाल ली थी कि सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कैसे आया फिर वो डेट अपॉन डेट इक्विटी रेशियोज ने चेक करी कि इसमें बढ़ रहा है इसमें नहीं बढ़ रहा अब देखो इसके आंसर देख लो जरा ये देख लो बेटा उसने क्या किया है प्लीज पढ़िए उन्होंने किया ऑप्शन वन ऑप्शन टू अगर हम पैसा सिर्फ डेट से रेस करेंगे या हम पैसा आठ लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे दस रुपए वाले दैट इज एक लाख सोलह नहीं हमने कितने शेयर बेचे होंगे एक लाख साठ हजार शेयर पच्चीस रुपए वाले ऐसे ऐसे भी दिख सकते हो आप उसे ठीक है जी तो देखो उसने क्या किया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारा नया प्रॉफिट है यहां पे इंटरेस्ट जो है यह बढ़ जाएगा क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों आया होगा लेकिन इधर यह तो खाली ओल्ड दिख रहा है अभी ओल्ड इंटरेस्ट तो दोनों केसेस में जाएगा लेकिन न्यू इंटरेस्ट खाली इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसमें तो नई इक्विटी रेज इक्विटी रेस है इसमें तो इक्विटी रेस है इसमें तो डेट रेस है तो इसमें नया इंटरेस्ट आएगा इसमें आएगा ही नहीं तो यह प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया अब दोनों में से टैक्स माइनस कर दो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स आठ लाख है इसमें नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड है क्यों क्योंकि इसमें ओल्ड शेयर थे आठ लाख और न्यू शेयर है वन पॉइंट सिक्स लाख न्यू शेयर वन पॉइंट सिक्स लाख क्यों है सुनो हमने चालीस लाख रुपये की नई कैपिटल रेस करनी है ठीक है जी और एक शेयर कितने रुपये का आता था उसने हमें बता रखा था बता के रखा है ना उसने हमें पच्चीस रुपए का शेयर दिया होता ना तो पच्चीस रुपए से डिवाइड करो यही तो आ रहा है 1.6 लाख शेयर्स ही तो आ रहे हैं। तो, तो हमें ये नए इक्विटी शेयर रेस करे ये अब दोनों की ईपीएस आ गई अब दोनों की पी ई रेशो चेंज हो गई है देख रहे हो यहां पर पी रेशो चेंज हो गई यहाँ नहीं हुई तो इसका एम कम आ गया इसका एम ज्यादा आ गया जिसका एम ज्यादा है वो जीतेगा तो हम बोलेंगे कि हमें इक्विटी से पैसा रेस करना चाहिए हमें पैसा किससे रेस करना चाहिए इक्विटी से ना कि डेट से यानी हमें इक्विटी से पैसा रेज करना चाहिए ना कि डेट से जल्दी से मुझे बता दो क्या ये बात आपको समझ आ गई जल्दी से मुझे बता दो क्या आप सभी को ये बातें समझ आ गई हां या ना ठीक है जी बहुत ही बढ़िया क्या आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ना चाहेंगे एक बारी क्विकली क्या आप मेरे साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ना चाहेंगे एक बारी क्विकली देखिए ज़रा अच्छा इंडिफरेंस लेवल के बारे में बात करनी थी हमने इंडिफरेंस लेवल का मतलब क्या होता है ये भी बताते हैं देखो इंडिफरेंस लेवल का मतलब होता है एक ऐसा लेवल जहाँ पे दोनों में दोनों ऑप्शंस में आंसर बराबर आ जाए जहाँ पे दोनों ऑप्शंस में आंसर बराबर आ जाए उसे कहते हैं इंडिफरेंस लेवल क्योंकि उस लेवल पर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा डायग्राम मीट कर जाता है यानी उस पॉइंट पर हम ऑप्शन वन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन टू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उससे पहले जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस पॉइंट से पहले ऑप्शन बी बेटर है क्योंकि वो हायर है यानी उसमें ज्यादा ईपीएस आएगा और इस पॉइंट के बाद ऑप्शन ए हायर है यानी उसमें हायर ई आएगा यहां पे ऑप्शन ए में ज्यादा ई आएगा यहां पे ऑप्शन बी में ज्यादा ई आएगा ठीक है जी ब्रेक इवन पॉइंट कैसे बोलते हैं ये हम पहले ही पढ़ कर आए हैं आज लेवरेज में पढ़ लिया था हमने ब्रेक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस इवेंट अपॉन वन माइनस टी बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस वन माइनस टी जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं ना नीचे इन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जहां से कर्व बनना स्टार्ट होता है डायग्राम बनना स्टार्ट होता है इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और जहां पे ये दोनों मीट कर जाते हैं इसे बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट इस पॉइंट को क्या बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट मैं एक क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको जो मैंने करा रखा है क्लास के अंदर वो मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन इसमें से पढ़वा देता हूं है ना क्योंकि अब मॉड्यूल में ढूंढने में बड़ी देर लग जाएगी जिसमें हमने डायग्राम वाइग्राम बना रखा है खुद सॉल्व कर रखा है वो वाला एक क्वेश्चन आपको ओवरव्यू करा देता हूं जैसे ये क्वेश्चन है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी ठीक है जी और थोड़ा डेवलप्ड क्वेश्चन ढूंढूं दुण ये परफेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए आइए मेरे साथ पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पढ़ लीजिए एक बारी देखिए प्लीज सुनिएगा अच्छे से एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ आ जाएगा बेटा अडेप्टेड अड़ा का मतलब होता है क्वेश्चन में हमने कुछ चेंज किया है एग्जैक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रखी है इसका मतलब होता है सुनो गणेश लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद अ कैपिटल आउटले ऑफ लाख आप एक साठ लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं नया प्रोजेक्ट आप नया पैसा साठ लाख रुपए चाहते हैं जिसके लिए आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं या तो आप सौ परसेंट इक्विटी से पैसा ले लो दो सौ रुपए का एक शेयर बेटा अगर दो सौ रुपए का एक शेयर बेचोगे साठ लाख रुपए चाहिए दो सौ रुपये का एक शेयर बेचोगे तो तीस हजार शेयर बेचने पड़ेंगे तीस हजार नए शेयर बेचने पड़ेंगे या फिर आप डेट इक्विटी दोनों उठा लो टू इस टू वन में टू इज टू वन का मतलब हुआ कि आप इसमें से डेट उठा लो चालीस लाख की और इक्विटी उठा लो बीस लाख की यानी आप डेट उठा लो चालीस लाख की और इक्विटी उठा लो बीस लाख की यहां तक की बात क्लियर है यानी आपके पास दो चीजें हैं ठीक है जी जल्दी देखिए बेटा जल्दी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं ठीक है जी कि अगर हम इक्विटी या डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो समझिए द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल ऑन द डेट इज एटीन परसेंट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट वो कहता है कि आपने क्या निकालना है इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है फाइनेंशियल ब्रेक इन पॉइंट निकालना है और डिसीजन टेबल बनाना है तीन काम बोल रहा है क्वेश्चन ठीक है चलिए तीनों काम करते हैं तो सुनो पहली बात हमें साठ लाख रुपए चाहिए या तो साठ लाख रुपया इक्विटी से ले आओ या तो साठ लाख रुपया आधा पैसा इक्विटी से ले मतलब थोड़ा पैसा इक्विटी से और टू थर्ड पैसा डेट से ले आओ ठीक है तो पहले इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा इंडिफरेंस पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों प्लानस का ई बराबर आ जाता है जिसमें दोनों प्लान्स का ई बराबर आ जाता है ई कैसे आता है ई माइनस इंटरेस्ट माइनस नेट ऑफ टैक्स अपॉन माइनस प्रेफरेंस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे ई माइनस डेट का इंटरेस्ट अपॉन वन माइनस इंटू वन माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टैक्स अब ध्यान दीजिएगा यहां पे ई बी कितना है हमारे पास ई बी हमें पता है कितना है यही तो निकालना है सर इसी को तो डिफरेंस लेवल की ईबीआईटी को तो निकालना है ठीक है इस केस में इंटरेस्ट कितना है जीरो नेट ऑफ टैक्स हो गया माइनस फोर्टीट प्रेफरेंस रिवेंट भी जीरो क्योंकि ना तो डेट है ना प्रेफरेंस है दोनों जीरो हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर तीस हजार है तो तीस हजार को इधर रख दिया इधर आ जाओ इधर इंटरेस्ट कितना होगा चालीस लाख का अठारह परसेंट बेटा चालीस लाख का अठारह होता है सेवन इंटरेस्ट हो गया ई माइनस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्रेफरेंस इवन जीरो नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर दस हजार है तो दस हजार अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई वगैरह करो आपके पास ई बी आई टी आ जाएगा टेन लाख एट्टी थाउजेंड यानी आपका इंडिफरेंस लेवल का ई बी आई टी आ गया टेन लाख एट्टी थाउजेंड यानी टेन लाख एट्टी थाउजेंड अगर ई बी आई टी होगा इसका मतलब क्या है कि अगर टेन लाख एट्टी थाउजेंड ई बी आई टी होगा तो दोनों प्लान का आंसर बराबर आ जाएगा दोनों प्लान का ई पी एस बराबर आ जाएगा तो पर कितना ईपीएस आएगा ये भी तो बताओ मैं ये कह रहा हूं

तो ये हमारा इंडिफरेंस लेवल ई आ गया तो अब मुझे इंडिफरेंस लेवल का ई भी पता है और इंडिफरेंस लेवल का ई भी पता है यानी इतने ई आएगा और इतने ई बी आई दोनों प्लान्स का अब हमें चाहिए देखो इससे पता है क्या पता लग रहा है इन दोनों पॉइंटों से इन दोनों पॉइंटों से हमें यह पता लग गया कि जब ये ई होगा ये ई बी होगा तो इस पॉइंट पे मीटिंग होगी जहां पे टेन लैक एट्टी थाउजेंड का ई होगा वहां पे 21.6 का ईपीएस होगा उस पॉइंट पे दोनों कर्व मीट करेंगे ये तो हमें पता चल गया दोनों कर्व कहाँ मीट करेंगे दोनों लाइनें कहाँ मीट करेंगी दोनों प्लान्स की लाइंस कहाँ मीट करेंगी लेकिन अब ये कौन बताएगा कि ये एक्स एक्सेस पे कहाँ मीट करेंगे उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो वो निकालना पड़ता है तो बताओ इन दोनों प्लान्स का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मला क्या बताया था मैंने आपको इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंट अपॉन वन माइनस टी अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविड तो है ही नहीं तो छोड़ दो तो सिर्फ इंटरेस्ट बताना है इस केस में इंटरेस्ट भी नहीं है तो इंटरेस्ट जीरो है फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट भी जीरो हो गया इस केस का इंटरेस्ट कितना है सात लाख बीस हजार तो देखो दोनों का फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट निकालो फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट इसका आएगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस इवेंट अपॉन वन माइनस टी तो जीरो ही आ जाएगा इसके लिए आएगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस इवेंट अपॉन वन माइनस टी ये भी सात लाख बीस हजार आ गया यानी दोनों का फाइनेंशियल ब्रेक ब्रेकिंग पॉइंट भी आ गया प्लान ए प्लान बी दोनों का तो यानी प्लान ए जीरो से स्टार्ट होगा प्लान बी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड से स्टार्ट होगा दोनों की फाइनेंशियल ब्रेक ब्रेकिंग पॉइंट पता लग गए हमें फिर ये मीट कहाँ करेंगे जहां टेन लाख एट्टी थाउजेंड होता है ई बी आई टी वहां ई पी एस होगा ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स तो ये इन डिफरेंस पॉइंट है इसे बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट क्योंकि इसका इनडिफरेंस लेवल ई बी आई टी और इनडिफरेंस लेवल ई पी एस हमें दोनों पता है मैंने क्या कहा इनडिफरेंस लेवल ई बी आई टी और इनडिफरेंस लेवल ई पी एस हमें दोनों पता है तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि इंडिफरेंस है इंडिफरेंस मतलब दोनों प्लान में से किसी भी प्लान को सिलेक्ट कर लो बराबर आंसर आएगा लेकिन इस पॉइंट से पीछे अगर नीचे आओ तो ये ज्यादा है ये लाइन हायर है यानी प्लान ए हायर है इस पॉइंट से कम यानी अगर ई इस पॉइंट से कम है तो ये वाला प्लान बेटर है ये वाला बे.. बेटर नहीं है क्योंकि ये नीचे जा रहा है यानी इसमें ई कम आएगा इसमें ई कम आएगा इसमें ई ज्यादा आएगा प्लान ए में और इस पॉइंट के बाद ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है तो इसमें ईपीएस ज्यादा आएगा तो प्लान बी सिलेक्ट होगा तो डिसीजन टेबल आपके लिए मेन था जो मैं समझाना चाहता था कि लेवल ऑफ ई देखते हैं अगर ई बी आई टी से कम है अगर टेन लैक एटी थाउजेंड से ई बी आई टी कम है तो प्लान ए बेटर है तो कौन बेटर है प्लान ए तो सिलेक्ट प्लान ए इस पॉइंट पे दोनों ही बेटर है तो दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो इसे बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के बाद मतलब इसके आगे प्लान ए बेटर प्लान बी बेटर है प्लान बी हायर जा रहा है ना उसमें ज़्यादा ई आएगा तो प्लान बी को क्योंकि उसमें हायर ई आएगा सिंपल ये डिसीजन टेबल और ये टेबल बनाना आना चाहिए कम आता है एग्जाम में लेकिन जब भी आएगा बहुत सारे बच्चों के मार्क्स लेके जाएगा इसलिए मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको थ्रू विद अ क्वेश्चन थ्रू अ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन करा दिया है क्या आप सबको समझ आ गया जरा जल्ण जल्दी से मुझे बता दो वर्किंग कैपिटल बेटा कल सुबह कराने वाला हूँ मैं वर्किंग कैपिल सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा जितना मुझे लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल है डायग्राम्स इसके क्यों नहीं है मॉड्यूल में चलिए आइए पढ़ते हैं आगे थ्योरीज़ में ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार अच्छा आर्बिट मैं इसमें नहीं कराऊंगा आर्बिट ना मैंने भी कुछ समय पहले एड नाइन वन लाइव वाले चैनल पे एक वीडियो ली थी अगर आप कहेंगे तो मैं उसका उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ वो वो एक घंटे की वीडियो है उसमें मैंने सिर्फ आर्बिट राज पढ़ा है जिन बच्चों ने आर्बिट पढ़ना हो वो उस वीडियो से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आर्बिट अगर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ तो बहुत देर हो जाएगी फिर एक घंटा अकेले उसी को पढ़ाने के लिए चाहिए आइए ज़रा देख लिया ऑलरेडी अनन्या ने ऑलरेडी देख ली अनन्या एक बारी उस वीडियो का लिंक इधर चैट में भी शेयर कर दो बच्चों के साथ ठीक है ना या मुझे भेज देना मैं फिर टेलीग्राम पे डाल दूँगा बच्चों के लिए आइए ज़रा मुझे ढूँढनी नहीं पड़ेगी अगर आपने ढूँढ रखी है तो ठीक है ना मेरे मेरे को व्हाट्सएप कर देना बेटा सुनिए हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ के बारे में किसके बारे में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में, में. देखिए एक होती है एनआई थ्योरी एनआई थ्योरी क्या कहती है समझिए वो ये कहती है कि जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाते हैं देखो कंपनी जब आगे बढ़ती है तो वो लिवरेज बढ़ाती है लिवरेज बढ़ाने का होता डेट बढ़ाती है एन अप्रोच ये कहती है कि जैसे जैसे लिवरेज आगे बढ़ेगी जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट चेंज नहीं होगा के का भी रेट चेंज नहीं होगा मतलब ये मानते हैं कि अगर आप डेट कम उठाओ या डेट धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ अपनी कैपिटल में डेट आप बढ़ाते चले जाओ तो भी इक्विटी के रेट पे कोई चेंज नहीं आता डेट के रेट पे कोई चेंज नहीं आता ये मानते हैं इक्विटी और डेट के रेट पे कोई चेंज नहीं आता तो ऑब्वियस ही बात है और के नीचे होता है के से मतलब डेट का रेट कम है इक्विटी का रेट ज़्यादा है ऑब्वियसली इक्विटी ज़्यादा रिस्की है डेट कम रिस्की है क्योंकि डेट सिक्योर्ड होता है तो डेट इसलिए कम रिस्की है इक्विटी ज़्यादा रिस्की है इक्विटी का रेट ज्यादा है डेट का रेट कम है लेकिन दोनों के रेट कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन है दोनों के रोट रेट स्ट्रेट लाइन है ठीक है जी देखो एक बच्चा पूछा सर आर्बिट्राज आता है एग्जाम में बेटा आ सकता है उसमें मुझे क्या पता मैंने पेपर नहीं बनाया लेकिन आता है कई बार ही आता है ठीक है ना तो इसमें हो क्या रहा है क्योंकि आप धीरे धीरे करके लिवरेज बढ़ा रहे हो लिवरेज बढ़ाने का मतलब आप धीरे धीरे डेट बढ़ा रहे हो अपनी कैपिटल में जब आप अपनी कैपिटल में डेट बढ़ा रहे हो Sea, तो यानी आप सस्ते वाले कैपिटल को बढ़ा रहे हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कम हो जाएगी यानी सोचो आप चाय बना रहे हो और चाय में आप पानी ज़्यादा डालते जा रहे हो दूध कम डाल रहे हो चाय तो बना रहे हो लेकिन उसमें पानी ज़्यादा डाल रहे हो यानी सस्ती चीज़ ज़्यादा डाल रहे हो तो आपकी चाय सस्ती होने लग जाएगी क्योंकि आपका केव फॉल होने लग जाएगा आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल होने लग जाएगी क्यों क्योंकि आप टोटल कैपिटल में अब डेट को बढ़ावा दे रहे हो लेवरेज बढ़ावा देने का मतलब है डेट को बढ़ाना आप डेट को बढ़ा रहे हो डेट सस्ती है तो आपका धीरे धीरे केओ फॉल हो जाएगा फिर एनवाई है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये थी नेट इनकम अप्रोच ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये अप्रोच क्या कहती है कि जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाओगे के डी तो सेम रहेगा डेट तो सेम रहेगा लेकिन के ई बढ़ जाएगा के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा के डी सेम रहेगा लेकिन मैंने आपको ये बोला कि के डी तो सेम रहेगा लेकिन के ई बढ़ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा इसका अर्थ ये हुआ कि डेट तो जैसे जैसे आप डेट मान लो अब आप डेट बढ़ा रहे हो तो डेट तो महंगी नहीं हो रही लेकिन इक्विटी महंगी हो जाएगी भले ही आप इक्विटी कम डाल रहे हो लेकिन इक्विटी महंगी होती जाएगी इस वजह से आपका के ओ कॉन्स्टेंट हो जाएगा देखो इसमें क्या था के ई कॉन्स्टेंट था और के ओ फॉलिंग था यहां पे क्या है के ई राइजिंग है इसलिए के ओ फॉल है के ओ कॉन्स्टेंट है मैं रिपीट करता हूँ इधर क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए प्लीज ध्यान दीजिए के डी कॉन्स्टेंट है के डी कॉन्स्टेंट है इधर के ई कॉन्स्टेंट है लेकिन इधर के ई राइजिंग है इधर के ओ फॉलिंग है लेकिन इधर के ओ स्ट्रेट लाइन है कॉन्स्टेंट है यानी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग के ओ कॉन्सटेंट रहता है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग के ओ कॉन्स्टेंट रहता है एमएम ने भी जब अपनी पहली अप्रोच लिखी थी वो इसी के बेसिस पे लिखी थी विदाउट टैक्स वाली अप्रोच फिर आती है ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है दोनों ही कांस्टेंट नहीं है जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा क्योंकि जब एक कंपनी ज़्यादा लोन उठाने लगेगी ज़्यादा डेट उठाने लगेगी उसका रिस्क बढ़ेगा और क्योंकि उसका रिस्क बढ़ेगा तो थोड़े समय बाद उसका के भी बढ़ेगा और उसका के भी बढ़ेगा थोड़े समय बाद यानी उसकी कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी भी बढ़ेगी और उसकी कॉस्ट ऑफ़ डेट भी बढ़ेगी दोनों की दोनों चीज़ें बढ़ेंगी मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगी और धीरे धीरे करके आपकी के भी बढ़ेगी दोनों की दोनों बढ़ जाएंगी इसके कारण क्या होगा आपका शुरू में जब तक ये स्ट्रेट थे तब तक के ओ फॉल करेगा लेकिन एक ऑप्टिमम पॉइंट जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना ऑप्टिमम कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं जिस पॉइंट पर लोएस केय होता है लोएस्ट के ओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होती है यानी उस पॉइंट पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है आपका केय सबसे कम है तो जब शुरू में के ओ फॉल करता है तो जहाँ पे के ओ लोएस्ट होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उस पॉइंट के बाद केओ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है यानी यहाँ पे क्या था के ओ फॉल कर रहा था यहाँ पे केओ कॉन्स्टेंट था यहां पे क्यों शुरू में फॉल करता है बाद में बढ़ने लग जाता है क्यों बढ़ने लग जाएगा ठीक है जी बोलिए इतनी बातें क्लियर है जी हां वेस्टिंग भी कराऊंगा बेटा शुभम कल सुबह कराने वाला हूँ वेस्टिंग और वर्किंग कैपिटल दोनों बड़े चैप्टर कल कराने वाला हूं सुबह सुनिए तो ये बात भी बच्चों को समझ आ गई अब बात होती है एमएम विद टैक्स की एमएम विद टैक्स में क्या विदाउट टैक्स विदाउट टैक्स में तो सेम अप्रोच है जो एनओ आई में पड़ी थी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम में पड़ी थी वही अप्रोच है कि के डी कॉन्स्टेंट होगी के ई बढ़ जाएगा और इस वजह से के ओ सेम रहेगा इसका मतलब यह है कि आप लेवरेज बढ़ाओ या ना बढ़ाओ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहने वाली है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी आपकी डब्ल्यू एस सी सी यानी आपकी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहने वाली है तो इसलिए कंपनी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम MM एम कहते थे कि विदाउट टैक्स वाले वर्ल्ड में जब टैक्स नहीं है दुनिया में तो कंपनी चाहे डेट उठाए चाहे ना उठाए उसकी के ओ सेम रहेगी अगर उसकी के ओ सेम रहेगी तो उसकी वैल्यू ऑफ जो फर्म है के ओ से वैल्यू ऑफ फर्म डिराइव होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कहते थे एम एम विद आउट टैक्स फिर आता है एम एम विथ टैक्स उन्होंने एक अप्रोच अपनी लिखी विद टैक्स टैक्स के साथ अब इस अप्रोच में उन्होंने क्या कहा सुनिए उन्होंने कहा कि अगर अगर आप टैक्स बेनिफिट उठाना चाहते हो अगर आप डेट बढ़ाओगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा देखो जो उस कंपनी के पास डेट होगी उसको इंटरेस्ट पे करना है इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा तो उसे टैक्स बेनिफिट होने लग जाएगा इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अनलिवर्ड फर्म से तो लिवर्ड फर्म की वैल्यू अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू से बढ़ जाएगी क्योंकि उसे टैक्स सेविंग मिलती है यह कहा उन्होंने कि लिवर्ड कंपनी की वैल्यू हायर होगी अनलिवर्ड कंपनी की वैल्यू से अगर टैक्स है दुनिया में तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म किसके बराबर है लिवर्ड फर्म मतलब जिसने डेट उठा रखी है तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट प्लस डेट इंटू टैक्स रेट यानी जितना डेट था उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करो तो इतनी टैक्स सेविंग आप कर सकते हो तो टोटल में तो इस टैक्स सेविंग को अनलिवर्ड फर्म के साथ आप ऐड कर दो आप अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू के साथ ऐड कर दो तो आपके पास लिवर्ड फर्म की वैल्यू आ जाएगी यानी आपके पास उस कंपनी की वैल्यू आ जाएगी जो लिवरेज के साथ काम कर रही है यानी जो ब्याज वाली जिसने ब्याज वाले कैपिटल को रेस किया हुआ है इंटरेस्ट वाली कैपिटल को रेस किया हुआ है यानी जिसने डेट इशू की हुई है उस कंपनी की कंपनी की वैल्यू क्या होगी दोबारा सुनो वैल्यू ऑफ़ द लिवर्ड फॉर्म क्या होगी वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म होगी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट प्लस डेट इंटू टैक्स रेट ठीक है जी एक फार्मूला और उन्होंने बताया था कि अगर जैसे के ई निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस डेट अपॉन ये विदाउट टैक्स वाले वर्ल्ड में बताया था एम एम ने फार्मूला कि के ई कैसे आ सकता है के ओ प्लस डेट बाय इक्विटी के ओ माइनस इंटरेस्ट बेसिकली आपने इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा कमाया वो हिस्सा आप डेट पे कमा के इक्विटी को बांट देते हो ये मतलब है इसका अब मैं इस पर चल नहीं रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सेगमेंट ऑफ के ई के ई वाले पार्ट्स पढ़ाए थे उसमें इन सबको समझा रखा है क्लास में तो ये अब इतनी जल्दी में नहीं हो पाएगा रिविजन में हो नहीं पाएगा वरना आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो लेकिन याद जरूर कर लो ठीक है जी जनरल नोट्स पढ़ लो ये वाले देखिए के ई कैसे आती है ई आई एस अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो निकाली जा सकती है के ओ कैसे आती है ई बी आई डी अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म तो इन तीनों में से भी अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है जी बोलिए बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा फिर आर्बिट्राज जा आ जा जाता है जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ मैं सिर्फ थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था मैंने कर ली हैं हाँ नोट्स मैं शेयर कर दूंगा नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा इस फॉर्मूला में डी बाई होता है डी अपॉन डी प्लस ई नहीं होता है स्वाति बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ऑलरेडी दे चुका हूं बट वो काफी बड़ी लिस्ट है वो उन बच्चों के लिए जिनके पास हमारी बुक है ठीक है जी वो एंड में बता दूंगा सौम्या कि लाइव एंड होने के बाद आपने कैसे पढ़ना है ठीक है ना चलिए जी तो कैपिल स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर लिया है आइए अब हम डिस्कस करने चलते हैं रेशियोज वाला चैप्टर एक हमने रेशियो वाला चैप्टर डिस्कस करना है क्विक मैनर में आइए बहुत क्विक मैनर में पढ़ेंगे रेशियो ठीक है ना इसके बाद डिविडेंड डिसीजन पढ़ूंगा बस फिर उसके बाद छुट्टी दूँगा तो दो चैप्टर और आधे आधे घंटे में डिस्कस करूंगा ये छोटे चैप्टर जल्दी जल्दी डिस्कस होंगे इनमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराने कंसेप्ट सारे बता दूँगा रेशियो और डिविडेंड डिसीजन फिर हम छुट्टी करेंगे साढ़े बजे तक होफली हम छुट्टी कर देंगे आपके आज ठीक है ना इसे जल्दी करेंगे सुनिए रेशियो एनालिसिस के बारे में बात कर रहा करूँ मैं ज़रा फास्ट पढ़िएगा जरा एक बार जल्दी से बताइए कितने बच्चे शुरू से बैठे हैं और पूरा पढ़ के जाएंगे अभी वन आर और रुकेंगे वन आर में दो चैप्टर कराऊंगा रेशियो और डिविडेंड डिसीन दोनों डिस्कस करूंगा ध्यान देना बेटा खुशी हमने लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे मिल जाएगा मेरे चैनल पर या नीरज सरवा चैनल पर दोनों पर मिल जाएगा आपको एडियो नाइन वन का जो मेन चैनल है आप उस पर खोज लीजिए मिल जाएगा आप टाइप करिए एडियो नाइन वन नीरज जो क्लासेज ऐसे एक टेलीग्राम चैनल है हमारा मेन उसमें आपको मिल जाएगा थोड़ा सा खोजना पड़ेगा मेरे ख्याल से पंद्रह बीस दिन पहले शेयर किया होगा कौन कौन बैठा है शुरू से शाबाश आइए रेशियो एस के बारे में बात हो रही है रेशियो क्या होती है बेटा बेसिकली मैं फास्ट चलूंगा बहुत ध्यान देना रेशियो बेसिकली दो टर्म्स के बीच में रिलेशन होता है एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन को हम रेशियो बोलते हैं और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमेशा लिंक होने चाहिए अनलिंक नहीं हो सकते मतलब अगर डेटा टर्न ओवर रेशियो है तो डेटर्स खाली क्रेडिट सेल्स के बारे में रिलेटेड होते हैं तो ऊपर खाली क्रेडिट सेल आनी चाहिए टोटल सेल नहीं आनी चाहिए मतलब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन uh, होना चाहिए मैं ये कहना चाहता हूं ठीक है ना बोलिए इतनी बातें क्लियर हैं आपको बहुत बढ़िया अगला है इनकम स्टेटमेंट ध्यान दीजिए इन डिफरेंट फॉर्मेट अब इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट ये भी है या इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है रेशियो पढ़ने के लिए कि सेल्स में से पहले सी ओ जी एस माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम फिर आप ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो जैसे रॉयल्टी या कोई फ्रेंचाइज अर्निंग वगैरह इन सबको ऐड करो तो जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को माइनस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं तो आपके पास फाइनल आप रिजल्ट तो तो आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपके पास फाइनल रिजल्ट किसका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ठीक है जी तो क्योंकि अब आपके पास फाइनल रिजल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है तो इसमें अगर आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में तीन पड़ाव होते हैं कौन कौन से जब सेल में से सी ओ जी एस चला जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है फिर अगर आप उसमें ऑपरेटिंग चीज़ों को ट्रीट कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है फिर आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इनकम है उन्हें ट्रीट कर देते हैं तो आप नेट प्रॉफिट में पहुँचते हैं ठीक है जी तो आइए जरा हमने फिर एक ये रूल पढ़ा था कि कैसे कैसे करंट एसेट्स को देखा जाता है समझो फिर फॉर्मले पढ़ाऊंगा अभी नून भाई करंट एसेट्स को कैसे देखा जाता है तो समझिए जब आप सभी करेंट एसेट ऐड कर देते हैं जैसे कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी डेटर लोन्स एंड एडवांस जो हमने दिए हुए हैं स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस सबको ऐड कर देते हो तो करंट एसेट आता है सबको ऐड कर दोगे तो करंट एसेट आएगा ठीक है जी इन सबको ऐड करके करेंट एसेट लेकिन इसमें से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड हटा देते हो तो जो एसेट बचते हैं उन्हें बोलते हैं क्विक एसेट उन्हें बोलते हैं क्विक एसेट या उन्हीं को बोलते हैं लिक्विड एसेट फिर उनमें से डेटर और लोन्स वगैरह को भी हटा दो सिर्फ कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को लो तो इसे बोलते हैं एप्सोल्यूट लिक्विड एसेट इसे क्या बोलते हैं एप्सोल्यूट लिक्विड एसेट एप्सोल्यूट लिक्विड एसेट का मतलब ये संपूर्णतः लिक्विड एसेट है पूरी तरह ये तो बिल्कुल बस मार्केट में लेके जाओ कैश बना लो इन्हें ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट है मतलब करेंट एसेट में क्या क्या किया जाता है ध्यान दीजिएगा आप क्या कर रहे हैं आप पहले एक टेबल बना रहे हैं आपने टेबल में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए तो आपके पास क्विक एसेट बचे ये वाले और इनमें से अगर आप डेटर और लोन्स को भी हटा दो तो ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट बचे ठीक है तो इन तीनों से अलग अलग फॉर्मूले निकलते हैं देखो जब करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी रखते हो तो ये करंट रेशियो आती है जब क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी लेते हो तो क्विक रेशियो आती है जिसे एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं और जब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी रखते हो तो बेसिक डिफेंस के लिए बात आती है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जिसे बोलते हैं वो आती है ठीक है जी आगे देखिए ओवरऑल रिटर्न की रेशियोज देखिए अब देखो कंपनी में टोटल पैसा लगा होता है तीन लोगों का टोटल कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसा लगा होता है तीन लोगों का किसका इक्विटी का प्रेफरेंस का, का और लॉन्ग टर्म डेट का है ना अगर मैं तीनों के पैसे को देखूँ और तीनों की कमाई को देखूँ तो इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पूरे पैसे पर क्या कमाया है अगर मैं सिर्फ इन दोनों के पैसे को और इन दोनों की कमाई को देखूँ तो इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड सिर्फ दो लोगों को देख रहे हैं खाली मालिकों को देख रहे हैं इसे नहीं देख रहे और अगर सिर्फ इक्विटी को देखो तो इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो तीन रेशियो बनती है कैसे तीनों को इकट्ठा लेके देख रहे हो या दो को इकट्ठा लेके देख रहे हो या अकेले को देख रहे हो तो समझो अगर तीनों को इकट्ठा ले रहे हो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ई तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ई और नीचे आ जाएगा तीनों का पैसा क्योंकि ई में से ही तीनों का पैसा जाता है ई में से इंटरेस्ट जाता है ई में से ही प्रेफरेंस रेवेंट जाता है ई में से ही ई जाता है तीनों को जो अर्निंग जाती है वो इसी में से जाती है तो न्यूमरेटर में रख लो ई और अब डिवाइड कर दो तीनों के पैसे से इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट तीनों को ऐड कर दो तो बेसिकली तीनों की कमाई अपॉन तीनों का पैसा ये हो गई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर ओ इसी को बोलते हो आप ठीक है बट ये था बिफोर टैक्स कुछ लोग इसे आफ्टर टैक्स कैसे बनाते हैं वन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे इन तीनों को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं बट ये गलत है क्योंकि इसमें आपने पूरे पे टैक्स लगा दिया जबकि इंटरेस्ट पे टैक्स लगना नीचे था इसलिए ये गलत है इससे ज़्यादा सही इसे मानता हूँ मैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड करो अर्निंग आफ्टर टैक्स में मतलब पहले क्या करो पहले ई में से इंटरेस्ट माइनस करो ई आएगा ई में से टैक्स माइनस करो ई आएगा अब ई में इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दो तो ई प्लस इंटरेस्ट क्योंकि ई में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा और इक्विटी को जाएगा और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो तो तीनों की कमाई ऐड होगी ना इक्विटी प्रेफरेंस डेट तीनों की कमाई ऐड होगी न्यूमिनेटर में तो ये ज़्यादा सही तरीका है आफ्टर टैक्स वाला तो ये दो फॉमले आप याद कर सकते हो एक अगर ई लेते हो तो बिफोर टैक्स कहलाएगा ई प्लस इंटरेस्ट कर दोगे तो आफ्टर टैक्स कहलाएगा डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन आता है देखो इसे कैसे कैसे निकाल सकते हो या तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट तीनों के पैसे को ऐड करो वरना बैलेंस शीट से भी निकाल सकते हो बेटा इन तीनों का पैसा ऐड करना है तो क्या करो फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी क्योंकि इस साइड से भी टोटल निकलेगा सेम आएगा इधर का भी टोटल सेम होना चाहिए अब इस टोटल में से अगर करंट लाइबिलिटी हटा दोगे तो बचा हुआ इन तीनों का पैसा होगा तो इन तीनों का पैसा अगर नहीं पता हो तो फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी कर दो तो भी आ जाएगा यानी अगर आप फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर दो इन दोनों को नेट करके वर्किंग कैपिटल आ जाता है वो कर दो तो भी कैपल एम्प्लॉयड आ जाएगा तो कैपल एम्प्लॉयड निकालने के हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए कैसे कैसे दोबारा देखिए रिटर्न ऑन कैपल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है मतलब डिनोमिनेटर में तीनों का पैसा आएगा इक्विटी प्रेफरेंस डेट तीनों का यानी डिनोमिनेटर में एम्प्लॉयड आएगी और कैप एम्प्लॉयड कैसे आती है ये मैंने आपको समझा दिया रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होती है बेटा रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब सिर्फ मालिकों का जो दो मालिक है इक्विटी और प्रेफरेंस तो नीचे इक्विटी और प्रेफरेंस लिखो अब इन दोनों को जो कमाई मिलती है इक्विटी और प्रेफरेंस को वो इस पैसे में से मिलती है क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से ही प्रेफरेंस को भी डिविडेंड मिलता है इक्विटी का भी पैसा जाता है तो सिर्फ न्यूमिनेटर में ई आई रख दो बस ईजी अगर खाली रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी है सिर्फ इक्विटी के पैसे पे तो डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड रखो और न्यूमिनेटर में ई आई एस रखो ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला है और ये रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगा सिर्फ इक्विटी ने क्या कमाया और इक्विटी ने क्या लगाया यहाँ इक्विटी और प्रेफरेंस ने मिलकर क्या कमाया इक्विटी और प्रेफरेंस ने मिलकर क्या लगाया यहां हमने ये पढ़ा इक्विटी प्रेफरेंस डेट तीनों ने मिलकर क्या कमाया इक्विटी प्रेफरेंस और डेट तीनों ने मिलकर कितना पैसा लगाया ठीक है जी बोलिए ये बातें क्लियर है, है बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन एसेट किसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट ठीक है जी अगर कोई क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्मूला है आर निकालने का ई आई टी अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन एवरेज टोटल एसेट नीचे टोटल एसेट लिख लो ऊपर अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कर दो ठीक है जी कवरेज रेशोज का मतलब क्या होता है कवरेज रेशियो मतलब आप कितने गुना कवर कर रहे हो यानी जो पैसा आपने देना है उस पैसे को देने से पहले आपके पास कितना पैसा है देखो क्या लिखा है यानी जो पेमेंट आपने करनी है उस पेमेंट को करने से पहले आपके पास कितना पैसा है जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो आपने डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट लिख दिया अब इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास कितना पैसा होता है ई क्योंकि ईबीआईटी में से तो इंटरेस्ट पे करते हैं प्रेफरेंस डिवेंट कवरेज इशू तो डिनोमिनेटर में लिखो प्रेफरेंस इवेंट अब प्रेफरेंस इवेंट देने के लिए आपके पास कितना पैसा है प्रेफरेंस इवेंट देने से पहले आपके पास कितना पैसा होता है ई तो न्यूमिनेटर में ई रख लो इक्विटी डिविडेंड कवरेज इशू तो इक्विटी देने के लिए इक्विटी देने के लिए आपके पास कितना पैसा ई आई इक्विटी डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास ई है फिर आता है डिविडें कवरेज इशू अब डिविडेंड में तो दोनों आ गए देखो ये तो था प्रेफरेंस कवरेज इशू प्रेफरेंस इवेंट किस में से जाता है ई में से इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो इक्विटी डिविडेंड किस में से जाता है ईआईएस में से अगर आ गया डिविडेंड कवरेज रेशो तो अब तो दोनों का डिविडेंड आ जाएगा प्रेफरेंस का भी और इक्विटी का भी ये किस में से जाता है ये ई में से जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स में से दोनों का डिविडेंड जाता है ठीक है जी बोलिए क्लियर है बेटा आइए देखते हैं अब हम बात करते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिफरेंट है देखो बेटा डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि जो हमने ध्यान दीजिएगा डेट को सर्विस करना है आप डेट को हमने दो तरह के पैसे देने होते हैं सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देना होता डेट को इंस्टॉलमेंट भी देनी होती है डेट को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देना होता डेट को इंस्टॉलमेंट भी देनी होती है दोनों चीज़ें देनी है ना हमने तो आप डेट को क्योंकि दोनों चीज़ें देना चाहते हो तो आप डेट के लिए डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट और और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दोनों लिखोगे डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट भी लिखोगे और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट भी लिखोगे यानी आप डेट के लिए दोनों चीज़ें लिखोगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दोनों लिखो मैं रिपीट करता हूं डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट भी लिखो और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट भी लिखो दोनों को लिखो और न्यूमिनेटर में क्या लिखो न्यूमिनेटर में आप लिखो अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को लिखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट आप दोनों को लिखिए क्यों तो ये बेसिकली हम जैसे हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी थी जब हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी है देखो पंगा क्या है इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स दिया जाता है लेकिन इंस्टॉलमेंट आफ्टर टैक्स दी जाती है तो हमें चाहिए आफ्टर टैक्स पैसा लेकिन बिफोर इंटरेस्ट पैसा तो ये हमने आफ्टर टैक्स पैसा लिया प्लस इंटरेस्ट कर दिया क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कवरेज का मतलब क्या होता है पहले समझो कवरेज रेशो का मतलब होता है जो पैसा देना है वो डिनोमिनेटर में आएगा और उस पैसे को देने के लिए आपके पास कितना पैसा है वो में आएगा जो पैसा आपने पे करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा और उस पैसे को पे करने के लिए आपके पास कितना पैसा है वो न्यूमिनेटर में आएगा ये होता है कवरेज रेशो का मतलब तो अगर मुझे डेट सर्विस कवरेज रेशू देनी है तो मुझे डेट को देना क्या क्या है दो चीज़ें देनी है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दोनों देनी है पर इस पैसे को देने के लिए मेरे पास कितना पैसा है इस पैसे को पे करने के लिए मेरे पास पहले कितना पैसा है इस पैसे को पे करने के लिए मेरे पास अर्निंग तो आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट है मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी देना है प्लस इंटरेस्ट भी देना है दोनों चीज़ें देनी है ठीक है ना अर्निंग आफ्टर टैक्स भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है प्लस अब एक बात हो ये पे करने के लिए इसे पे करने के लिए मुझे और क्या चाहिए ध्यान से सोचो ये अगर मुझे पे करना है तो मुझे डेप्रिसिएशन नॉन कैश डप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सब क्यों क्योंकि ये वाला पैसा मैं यूज़ कर सकता हूँ इस पै इसे पे करने के लिए मैं ये पैसे को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का पैसा है वो कैश तो मेरे पास ही पड़ा है जो अमोटाइजेशन का पैसा है वो कैश तो मेरे पास ही पड़ा है कैश में तो वो गया नहीं है तो उस पैसे को इसलिए ऐड कर देते हैं नॉन कैश खर्चों को ऐड बैक कर देते ये फॉर्मूला आप याद करिएगा ये वाले फाइनेंशियल चार्ज वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए टर्नओवर ओवर कैसे आती हैं किसी की भी टर्न ओव रेशो पर है जैसे रॉ मेटेल टर्न ओवर रेशो तो नीचे एवरेज रॉमेट्रिख दो डब्ल्यू आई पी टर्न ओवर रेशो तो नीचे एवरेज डब्ल्यू आई पी लिख दो फिनिश गुड टर्न ओवर रेशो तो नीचे फिनिश गुड्स की एवरेज लिख दो और ऊपर लिख दो उससे रिलेटेड चीज़ अगर रॉ है तो रॉ मेटील कंज्यूम्ड डब्ल्यू आई पी है तो फैक्ट्री कॉस्ट अगर फिनिश गुड्स है तो सी ओ जी एस और अगर सी ओ जी एस नहीं निकल सकता तो सेल ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है स्टॉक टर्न ओवर रेशो का स्टॉक टर्न ओवर रेशो का मतलब क्या होता है नीचे आता है एवरेज स्टॉक और न्यूमिनेटर में आता है सीओ जी एस और अगर सीओ जी एस नहीं निकल सकता तो सेल आता है अगर सीओजीएस नहीं निकल सकता तो सेल आता है ठीक है जी अगर अभी भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी वर्थ है क्योंकि जो डेट चैप्टर मैंने भी कराना है वो तो आपको समझ आएगा कम से कम देखिए दोबारा देखिए स्टॉक टर्न ओवर रेशन ओवर ये क्या होती है सुनो किसी की भी टर्नवर रेशियो अगर होगी किसी की भी अगर टर्न ओवर रेश उसकी एवरेज को डिनोमिनेटर में लिख दो जैसे स्टॉक टर्न ओवर तो एवरेज स्टॉक नीचे आएगा डेटा टर्न ओवर तो एवरेज डेटर या एवरेज अकाउंट रिसीबल नीचे आएगा डेटर प्लस बी को अकाउंट रिसीवल बोलते हैं तो एवरेज डेटर प्लस एवरेज बी आर नीचे आएगा क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो मतलब एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल पेबल नीचे आएगा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल पेबल बोलो मेरी बातें समझ आई मैं रिपीट कर रहा हूं जब हम ओवर रेशियो निकालते हैं जब हम कौन सी रेशो निकालते हैं टर्न ओवर रेशियो अगर मुझे स्टॉक के टर्न ओवर रेशो निकालनी है तो एवरेज स्टॉक नीचे आएगा डेटर की टर्न ओवर रेशो निकालनी है तो एवरेज डेटर नीचे आएगा क्रेडिटर के टर्न ओवर निकालनी है तो एवरेज क्रेडिटर नीचे आएगा ये तो क्लियर हो गया अब न्यूमरेटर में उन्हीं से रिलेटेड टर्म आएगी यहाँ एवरेज स्टॉक आएगा तो ऊपर सीओ आएगा यहाँ एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आएगा तो ऊपर क्रेडिट सेल्स आएगी यहाँ एवरेज अकाउंट पेबल आएगा तो ऊपर क्रेडिट परचेजेज आएगी क्योंकि ये क्रेडिटर है परचेजेस से रिलेटेड है डेटर है ये क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड है और स्टॉक है वो सी से रिलेटेड है और अगर सी ना निकल सकता हो तो सेल्स लेते हैं अगर सी ना निकल सकता हो तो सेल लेते हैं ठीक है थीके? और एक बात सुनिए फिर आता है स्टॉक वेलोसिटी बेटा स्टॉक वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टॉक वेलोसिटी का क्या मतलब है स्टॉक वेलोसिटी का मतलब है कि आपने जो रेशियो निकाली है इसे डिवाइड बाय कर दो टाइम से मतलब जैसे अगर मंथ्स में करना है तो ट्वेल्व अपॉन एस डेज में करना है तो थ्री अपॉन एस और वीक्स में करना है तो फिफ्टी अपॉन एस तो विलॉसिटी कैसे निकलती है स्टॉक की विलॉसिटी तो डेज अपॉन एस डेटर विलॉसिटी डेज अपॉन डी टी आर क्रेटर विलॉसिटी डेज अपॉन सी टी आर सी टी आर मतलब क्रेडिट जो हमने क्रेडिट टर्न ओवर रेशियो निकाली थी यानी इन्हीं को रेसीप्रोकल में ले जाओ तो टर्न ओवर रेशियोज बन जाती है अगर इन्हें डिनोमिनेटर में ले जाओ इन्हें डिनोमिनेटर में ले जाओ इन्हें डिनोमिनेटर में ले जाओ तो हमारे पास टर्न ओवर रेशियोज आ जाती हैं ठीक है जी आगे देखते हैं आइए क्वेश्चन अब देख लेते हैं जरा ये वाले एक दो फॉर्मूले और देख लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कैसे आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग खर्चे तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स और इन दोनों को ऐड करके 100 परसेंट आता है यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एड करोगे तो हंड्रेड आएगा ये किसी किसी फॉर्मुला के बीच में काम आ सकता है क्यू रेशियो एक स्पेशल फॉर्मुला है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी अपॉन एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट यानी जो हमारे पास एसेट है अगर हम उसे रिप्लेस करें अगर उसकी जगह नए एसेट खरीद के लाएं तो कितने में आएंगे वो और हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है अभी मान लो हम कहते हैं हमारी मार्केट इक्विटी की मार्केट वैल्यू मार्केट में चल रही है बारह करोड़ लेकिन जो हमारे पास एसेट्स हैं अगर वो एसेट हम बेच दें ठीक है ना और उस उनकी जगह नए एसेट वैसे ही बनाने हो दोबारा उन एसेट्स को रिप्लेस करना हो वैसे दोबारा कंपनी वैसी बनानी हो वैसी फैक्ट्री दोबारा लगानी हो तो कितना पैसा खर्च होगा मान लो अट्ठारह सौ करोड़ खर्च होगा तो इसका नाम हमारी इक्विटी अंडर वैल्यूड है कैसे क्योंकि हमारी इक्विटी मार्केट में बारह करोड़ की है जबकि सेम बिजनेस कोई और बनाएगा तो इस वक्त अट्ठारह करोड़ लग सकते हैं तो हमारी इक्विटी अंडर वैल्यूड है इससे यह समझ आ जाता है अगर यह रेशियो लेस देन वन है तो इट मीन्स हमारा स्टॉक अंडर वैल्यूड है इसका मतलब हमारा स्टॉक अंडर है बोलिए क्लियर हो गई आपको बातें जी हां बहुत बढ़िया डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है देखो डू पॉइंट में क्या करते हैं कि हम मल्टीपल रेशियोज को मल्टीप्लाई करके एक फाइनल रेशियो का आंसर निकालते हैं बहुत ज़्यादा इसमें से एग्जाम में पूछा नहीं जाता जो एक पूछा जाता है वो बता देता हूँ कि जैसे अगर आपने दो तीन रेशियोज़ मल्टीप्लाई करी जैसे इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर होना चाहिए इसका डोमीटर इसका न्यूमिनेटर होना चाहिए ताकि फाइनली रेशियो ए बाई डी बन जाए तो जो मेनली एग्जाम में काम आया है आज तक वो ये वाला क्वेश्चन है ये वाला फॉर्मूला है क्या इसे बोलते हैं कैपिटल टर्न ओवर रेशियो कैपिटल टर्न ओवर रेशियो यहाँ कैसे निकालते हैं सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड से इन टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल तो सेल से सेल कट जाता है बचता क्या है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ओ का फॉर्मूला है तो कौन सी तीन रेशियोज के बीच में रिलेशन एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे कौन सी तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन पूछ सकता है बताओ कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इंटू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इंटू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आर ओ आई निकल आएगी यानी सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स तो सेल से सेल कट जाएगी बचेगा नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा नेट प्रॉफिट अपॉन एम्प्लॉयड क्या बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा चलिए मैं कुछ फॉर्मुलाज इधर क्विकली पढ़ा देता हूँ बुक में से भी अपनी देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू हंड्रेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू हंड्रेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है वो मैंने आपको सिखा दिया था ऊपर कैसे कि जब आप सेल में से सी ओ जी एस माइनस कर देते हैं तो आपके पास ऑपरेटिंग बेसिकली आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज माइनस कर दो ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है याद आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स कर दो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे आती है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन सेल रेशियो जिसे पी वी रेशो बोलते हैं वो कैसे आती है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स से कवरेज रेशियो मैंने अभी ऊपर कवर कराई दी सारी की सारी आपको टर्न ओवर रेशियोज भी बता दी कि जिस भी चीज़ की टर्न ओवर रेशियो आनी होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है जैसे अगर स्टॉक टर्न ओवर रेशो है तो स्टॉक नीचे आ जाएगा फिर ऊपर सीओ जी एस आ जाएगा उससे रिलेटेड डाटा टर्न ओवर रेशो यह सब बता दिया क्रेडिट टर्न ओवर रेशो भी बता दिया वर्किंग कैपिटल टन ओवर रेशियो कैसे आएगी बेटा वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो आएगी नीचे आएगा एवरेज वर्किंग कैपिटल अगर निकल सकता हो वरना क्लोजिंग आ जाएगा और अपॉन टर्न ओवर फिक्स एसेट टर्न ओवर में नीचे आ जाएगी एवरेज फिक्स एसेट्स ऊपर आ जाएगी टर्न ओवर नीचे कैपिटल टर्न ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एवरेज निकल सकती हो तो एवरेज हमेशा यूज करना अपॉन टर्न ओवर अपॉन ऊपर ऊपर क्या आ रहा है टर्न ओवर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो डेट टू डेट डेट टू टोटल फंड्स बेटा डेट टू टोटल फंड्स तो वो आएगी डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी क्योंकि नीचे डेट प्लस इक्विटी दोनों टोटल फंड्स आने चाहिए

तो न्यूमिनेटर में आएगा डेट और प्रेफरेंस डिनोमिनेटर में आएगा खाली इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशियो बेटा प्रोप्राइटरी मतलब मालिक हक होने की रेशियो कितने परसेंट आप मालिक हो तो इसमें आप नीचे लिखते हो नेट एसेट नेट एसेट मतलब वगैरह नेट कर दिया करो तो आप नीचे लिखते हो नेट एसेट और ऊपर लिख देते हो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस क्योंकि ये दोनों लोग मालिक कहलाते हैं दोनों नेटवर्थ में आते हैं दोनों के दोनों किस में आते हैं नेटवर्थ तो नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों तो न्यूमिनेटर में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं डिनोमिनेटर में नेट एसेट आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटी रेशियो का मतलब है कि अगर आप जैसे अपनी कंपनी दिखा रहे हो किसी को शो ऑफ कर रहे हो कि ये देखो ये मेरा बिजनेस है तो भैया वो ये पूछ सकता है ना कि जो टोटल एसेट्स हैं जो नेट एसेट्स हैं आपके उसमें से कितने के मालिक आप हो कितने परसेंट के मालिक आप हो अब कहीं विजय माल्या वाला हाल तो नहीं है कि आप दिखाओ तो बहुत बड़ी कंपनी दे पर उसमें से आप आपके पैसे कम लगे हुए डेट के पैसे ज्यादा लगे हुए ऐसा नहीं होना चाहिए समझते हैं आप मेरी बात तो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है नीचे आएगा नेट एसेट न्यूमिनेटर में आएगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ठीक है जी अगला है फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स तो ये तो ऊपर फिक्स एसेट आ जाएगा नीचे लॉन्ग टर्म फंड्स आ जाएंगे लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको बताई दी थी करंट रेशियो कैसे आती है सी ए बाय सी एल ठीक है क्विक रेशियो कैसे आती है क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट कैश रेशियो कैसे आती है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन ऑन करेंट लाइबिलिटी और मैंने इन एसेट्स के बारे में आपको बताई दिया कैसे कैसे आते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर ये इंपॉर्टेंट है बेटा बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो क्विक एसेट पड़े हैं जो जो क्विक वाला पैसा पड़ा है वो कितने दिन चलेगा मतलब इसे उसे डिवाइड कर दो एक दिन के खर्चे से उसे डिवाइड कर दो एक दिन के खर्चे से क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा उसे आप डिवाइड कर दो एक दिन के खर्चे से इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा एक दिन का खर्चा कितना है हमारा बेसिकली ये पता लग जाएगा हमें कि हमारा एक दिन का खर्चा कितना आता है क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा तो हमें पता लग जाएगा जो हमारे पैसा पड़ा है वो कितने दिन के लिए पड़ा है मैंने क्या कहा हमारे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो पैसा पड़ा है वो कितने दिन के लिए पड़ा है ठीक है जी आइए जी ई पी एस पी रेशो ये सब आपको पता है डिविडेंड डील्ड वगैरह अच्छे से पता है ना तो यही है एक आधा क्वेश्चन दिखाऊं रेशियोस का क्या चीज रिपीट हसलर बताइए डिविडेंड यील्ड के बारे में पूछना चाहते हो देखो डिविडेंड में क्या फर्क होता है मैं समझा देता हूं आपको देखिए डिविडेंड के लिए तीन चीजें पढ़ाई जाती हैं एक होता है डिविडेंड ईल्ड एक होता है डिविडेंट रेट एक होता है डिविडेंट पे आउट तीनों अलग अलग मतलब रखाते हैं क्योंकि तीनों में डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है देखो तीनों में न्यूमिनेटर तो सेम आता है इसमें भी डिविडेंट आता है इसके न्यूमिनेटर में भी डिविडेंट आता है इसके न्यूमिनेटर में भी डिविडेंट आता है बेसिकली डीपीएस आता है ठीक है बट फर्क क्या है जब डिविडेंट को डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कर देते हैं मतलब मार्केट प्राइस से जब डीपीएस को मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो वो डिविडेंट ईल्ड कहलाता है लेकिन जब डिविडेंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं जब यानी डी को फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड का रेट कहलाता है और जब डिविडेंट को अर्निंग से ई से डिवाइड कर देते हैं तो डिविडेंट का पे आउट कहलाता है अब ध्यान से पढ़ना अगर क्वेश्चन में कभी क्या लिखा है कि डिविडेंड की ईल्ड लिखी है तो एम से डिवाइड हुआ होगा मतलब ईल्ड देखा जाता है कि जितने पैसे का शेयर है मार्केट में जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से कितने परसेंट कमा रहे हो ये देखा जाता है कि फेस वैल्यू पे कितना आपको रेट मिल रहा है जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई कंपनी 80 परसेंट डिविडें दे रही है 80 परसेंट रेट पे लेकिन 80 परसेंट रेट उसकी फेस वैल्यू भी होता है मार्केट वैल्यू भी नहीं होता अब शेयर दस का मार्केट वैल्यू दो पे है तो वो दस के हिसाब से डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तीनों में डिफरेंस है बेटे आई होप आपको समझ आ गए फॉर्मूलाज हां मैं ये फॉर्मूला शेयर कर दूंगा बेटा क्लास के बाद मैं लाइव क्लास के बाद ये सारे जो मैं लिख रहा हूं ये आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ में ठीक है चलिए आइए देखते हैं मैं डिविडेंड डिसीजन भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ डिविडेंड डिसीजन के भी फार्मूलाज डिस्कस कर लेता हूँ पहले आपके साथ फिर एक दो क्वेश्चन करा दूंगा अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं तो बैठा हूँ अगर चाहोगे क्वेश्चन करना तो मैं करा दूंगा एक दो बच्चों को जिन बच्चों को जल्दी उन्हें फ्री कर देते हैं उन्हें फार्मूलाज सारे पढ़ा देते हैं पहले ताकि फिर वो अपने आप प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन की कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं ना वो क्वेश्चन खुद करना चाहते हैं फॉर्मला पढ़ा देता हूँ डिविडेंड डिसीजन के उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स के दो दो क्वेश्चन करा दूंगा के भी और रेशियो के भी कल के लिए तीन चैप्टर छोड़ रहा हूँ बेटा मैं रिस्क एनालिसिस वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला और वर्किंग कैपिटल वाला तीनों कल कर डिस्कस करूंगा आपके साथ आइए जी ये रहा ध्यान दीजिए बेटा वो बता दूंगा बेटा कि सेशन के बाद आपने कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा मेरे हिसाब से आपको मॉड्यूल पूरा पढ़ लेना चाहिए सेशन के बाद और अगर आपने मेरे नोट्स ले रखे हैं तो मेरे नोट्स में से जो मैंने सिलेक्टेड लिस्ट दी है क्वेश्चन को देख लो देखिए बेटा डिविडेंट डिसीजन समझना अच्छे से डिविडेंट डिसीजन में पहले हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डिविडेंट के बारे में देखिए डिविडेंट की दो थ्योरीज हैं एक है रेलिवेंस डिविडेंट की एक है इ थ्योरी ऑफ डिविडेंट एक थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंट दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब है इरेलीवेंट आप डिविडेंट बांटो या ना दो कंपनी डिविडेंट दे या ना दे उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा शेयर प्राइस विल नॉट चेंज इवन इफ यू पे द डिडेंट और नॉट मतलब ये कहता है वैल्यू पे नहीं फर्क पड़ेगा ठीक है ना शेयर वैल्यू वैल्यू लिख देता हूँ प्राइस की जगह तो वो मोर मीनिंगफुली आपको समझ आएगा शेयर वैल्यू भाई देखो आपको पैसे दे दिए तो उतनी शेयर की प्राइस कम हो जाएगी तो बेसिकली वैल्यू आपकी उतनी की उतनी रहेगी लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है यहाँ बताया जाता है कि शेयर की वैल्यू चेंज होती है डिपेंड करती है आप डिविडेंड देते हो या नहीं देते हो आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे इससे वैल्यू चेंज होगी ये बोला था वॉल्टर और गॉर्डन ने लेकिन डिविडेंड दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बोला था एम ने तो इन दोनों लोगों की हमने अलग अलग अप्रोच पढ़नी है आइए पहले हम पढ़ेंगे वॉल्टर और गॉर्डन का मॉडल वॉल्टर ने क्या कहा ध्यान से सुनो वॉल्टर ने कहा डिविडेंड इज़ रेलिवेंट डिविडेंड इज़ रेलिवेंट मतलब आप डिविडेंड दो या ना दो इस बात से फर्क पड़ता है शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है शेयर वैल्यू पे फर्क पड़ता है शेयर होल्डर की वेल्थ पे फर्क पड़ता है सुनो उन्होंने कहा कि देखिए एक कंपनी के शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए उन्होंने कहा कि एक कंपनी के शेयर का प्राइस ऐसे डिसाइड होना चाहिए कि वो कंपनी डिविडेंड कितना देती है यानी डिविडेंड पर शेयर कितना देती है प्लस उस कंपनी ने रिटेन अर्निंग कितनी की है ई माइनस डी बेटा ई माइनस डी मतलब अर्निंग माइनस डिविडेंड अगर मैं आपको ये बोलूँ अर्निंग माइनस डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग आ गई यानी उस कंपनी ने रिटेन अर्निंग कितनी करी है फिर रिटेन अर्निंग पे किस रेट पे कमा रहे हैं जो रिटेन डरनिंग करिए जो भी पैसा आपने जोड़ा उस पैसे पे भी तो आप कुछ कमाओगे ना तो जो रिटेन अर्निंग करी उस पर कितने रेट पर कमा रहे हो तो रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो जो पैसा आपने जोड़ा उस पर आप किस रेट पर कमा रहे हो डिवाइडेड बाय आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस रेट पर मिलती है के किस रेट पर मिलती है आपकी मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं उससे डिवाइड कर दो क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूं यह डिविडेंड भी आप इक्विटी शेयर होल्डर को बांटोगे डिविडेंड भी आप इक्विटी शेयर होल्डर को बांटोगे जो रिटेन अर्निंग पे कमाओगे वो पैसा भी इक्विटी शेयर होल्डर को बांटोगे तो जो टोटल पैसा आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो उसे के से डिवाइड करो ये फॉर्मला है बेटा मैं इसके डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा क्लास में मैं इसके बारे में डेरिवेशन वगैरह सब डिस्कस करता हूँ पर अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमें टाइमली फिनिश करनी है रिवीजन है ना इसे रिवीजन की तरह ही लेके चलेंगे तो यह फार्मूला हमें हमारे वॉल्टर अंकल ने दिया वॉल्टर अंकल ने दिया कि शेयर का प्राइस इस फार्मूला से डिसाइड होगा और वो ये कहते थे कि रेलिवेंट है डिविडेंट तो रेलिवेंट है डिविडेंट मतलब अगर यहाँ पर डिविडेंट चेंज होगा जब जब यहाँ पर डिविडेंट चेंज होगा तो प्राइस चेंज होगा जब जब डिविडेंट चेंज होगा प्राइस चेंज होगा तो अगर और उन्होंने एक बात और बोली अगर कंपनी र ज्यादा कमा सकती है के ई से अगर कंपनी खुद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा कमा सकती है मतलब मान लो वो कंपनी इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाती है शेयर होल्डर की उम्मीद से के ई e. है शेयर होल्डर की उम्मीद अगर एक कंपनी ज्यादा कमा सकती है शेयर होल्डर की उम्मीद से तो ऐसी कंपनी क्योंकि वो ज्यादा कमा सकती है उसे डिविडेंड नहीं देना चाहिए उसे खुद रिटेन कर लेना चाहिए खुद कमाना चाहिए ऐसे समझो मैं एक पेज पे एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इधर देखो ये एक कंपनी है ये एक शेयर होल्डर है हमने शेयर होल्डर से पूछा तुम कितना कमाना चाहते हो तुम्हारी कितनी केई है उसने कहा बारह परसेंट मैं चाहता हूं मेरे पैसे पे बारह परसेंट की कमाई हो उसने हमें दो सौ करोड़ रुपए दे रखे हैं ठीक है ठीके? अब उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया रखा है हमने बिजनेस में हम एक कंपनी है अब हमने वो बिजनेस में पैसा उसका लगा रखा है इन्वेस्ट करा हुआ है दो करोड़ रुपए और उधर हम आर कमा रहे हैं बीस यानी हम आर कमा रहे हैं बीस यानी हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमा रहे हैं बीस जबकि इसकी उम्मीद है बारह अब मैंने जब इस पर बीस कमाया तो हमें चालीस करोड़ रुपए का अर्निंग मिली है अगर ये अर्निंग ध्यान से सुनना बेटा अगर ये अर्निंग में डिविडेंड में बांटूंगा तो आप किस रेट पे कमाओगे आप कमाओगे बारह परसेंट क्योंकि आपकी तो एक्सपेक्टेशन ही बारह परसेंट है लेकिन अगर यही पैसा कंपनी वापस री इन्वेस्ट कर दे अगर ये पैसा कंपनी वापस री इन्वेस्ट कर दे रिटेन अर्निंग कर ले तो फिर इस पर बीस की कमाई आएगी यानी कंपनी ज्यादा कमा सकती है आपकी एक्सपेक्टेशन से यानी अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है आपकी एक्सपेक्टेशन से तो आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए आपको शेयर होल्डर को समझा देना चाहिए कि भाई देख तू कमाएगा बारह परसेंट तेरी उम्मीद है बारह परसेंट छोड़ दे मैं बीस परसेंट कमा रहा हूँ मेरे को कमाने दे पैसा जुड़ तो तेरे लिए रहा है अल्टीमेटली तुम्हारा ही शेयर महंगा हो रहा है तो ऐसे केस में आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए ये कहा हमारे वॉल्टर भैया ने यह कहा हमारे वॉल्टर अंकल ने है ना क्या कहा दोबारा सुन लो उन्होंने कहा कि अगर आप कंपनी ज़्यादा कमा सकती है के से तो ज़ीरो डिविडेंट और अगर कंपनी कम कमाती है इक्विटी शेयर होल्डर से तो हंड्रेड परसेंट डिविड दो सारा पैसा दे दो उसे बोलो ले जा खुद कमा ले अगर ये दोनों बराबर है तो फिर कितना भी डिविडेंड दे दो फिर ऑप्टिमम डिविडेंड कोई भी पे आउट है मतलब एनी डिविडेंड पे आउट इज़ ऑप्टिम डिविडेंट आप कितना भी डिविडेंड दे दो फर्क नहीं पड़ता ठीक है जी ये पूरी कहानी हमने इधर समझा दी थी फिर इसकी पूरी डेरिवेशन ऑप्शन के साथ साथ कराई हुई मैंने वो अभी मत करो अभी टाइम मत वेस्ट करो ठीक है ना फिर आता है गॉर्डन अंकल अब गॉर्डन जी से पूछा हमने कहा तुम क्या कहते हो तुम भी अपनी बता दो गॉर्डन ने कहा भाई मैंने तो जो, जो पहले फार्मूला बनाया था मेरा फॉर्मला तो पहले वाला ही सही है जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मैंने बनाया था वही मैं लगाता हूँ देखो डिविडेंड ग्रोथ कैसे लगाता हूँ उसने क्या कहा सुनो उसने अपना फॉर्मला बनाया कैसे मैं वो भी जल्दी से समझा देता हूँ उसने कहा कि देखो ग्रोथ रेट होती है बी इंटू आर जितना आप रिटेन करते हो और उस पर आप क्या कमाते हो कितना आप रिटेन कर रहे हो पैसा और उस पर क्या कमा रहे हो उसी से ग्रोथ होती है और वैसे याद कंपनी ग्रो कैसे करेगी कंपनी ने जो आपके पैसे रिटेन कर लिए उस रिटेन पैसे को लगाएगी और उससे और ग्रोथ होगी और कंपनी बढ़ाएगी तो ग्रोथ रेट ऐसी आती है बी इन आर से और रिटेंशन रेट कैसे आता है रिटेंशन रेट प्लस डिविडेंड पे आउट रेट मिला के हंड्रेड परसेंट होता है क्योंकि रिटेंशन रेट प्लस डिविडेंड पे आउट रेट अगर आप मिला देते हो तो दोनों को मिला के हंड्रेड परसेंट होता है ये भी याद रखना ठीक है जी आइए जरा तो अगला आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ऑफ के अब के का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या था याद करो हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के ई इज इक्वल टू तो डी वन अपॉन पी ओ प्लस जी अब इसी फार्मूला में अगर आप जी को उठा के इधर माइनस कर दोगे तो देखो फार्मूला क्या बन जाएगा अगर आप जी को उठा के इधर माइनस कर दोगे तो के ई माइनस जी बन जाएगा इज इक्वल टू तो डी वन बाई पी ओ अब पी ओ को ऊपर ले जाओ तो डी वन बाय के ई माइनस जी ये प्राइस का ये प्राइस का फॉर्मूला हो गया यही फार्मूला इन्होंने सजेस्ट किया है कि डी वन अपॉन के ई माइनस डी और डी वन कैसे आता है डी वन मतलब एक साल बाद वाला डिविडेंड एक साल बाद वाला डिविडेंड कैसे आ सकता है एक साल बाद वाला डिविडेंड आ सकता है अर्निंग इन टू वन माइनस पे आउट रेट जो एक साल बाद की कमाई इन टू पे आउट रेट ऐसे भी लिख सकते हो तो बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है एक साल बाद जो आप कमाओगे अर्निंग करोगे उस पर जितना पे आउट करोगे जितना पे आउट करोगे पे आउट मतलब जितना बांटोगे वही तो डिविडेंट होगा क्योंकि बी का मतलब है रिटेंशन रेट तो वन माइनस बी का मतलब है पे आउट रेट पे आउट रेट पे आउट रेट मतलब कितना डिविडेंट आप बांटोगे तो अर्निंग में से कितना डिविडेंट बांटोगे वो डिविडेंट वन बन जाएगा तो डी वन अपॉन के ई माइनस जी जी की जगह बी आर भी लिखा जा सकता है ठीक है ना तो ये सारी बातें आपस में लिंक्ड हैं ये गॉर्डन अंकल ने करी गॉर्डन अंकल ने बेसिकली क्या कहा डी वन अपॉन के ई माइनस जी ऐसे शॉर्ट में याद रख लो डी वन अपॉन के ई माइनस जी उनका भी सेम कहना था कि अगर कंपनी ज्यादा कमा सकती तो कम है तो जीरो डिविडेंड कंपनी कम कमा सकती है तो हंड्रेड परसेंट डिविडेंट अदरवाइज दोनों बराबर है तो कोई भी दे दो तो फर्क नहीं पड़ता ठीक है अगर के केई गिवेन नहीं है तो आप वन बाई पी रेशो से भी के केई निकाल सकते हो बट ये लास्ट ऑप्शन है बट ये लास्ट ऑप्शन है ठीक है ना ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है कभी भी अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन गॉर्डन मॉडल गॉर्डन के मॉडल में कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं अब यहां ध्यान देना गॉर्डन के मॉडल में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक नो no ग्रोथ वाला एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाला और एक वेरिएबल ग्रोथ वाला वेरिएबल ग्रोथ का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में बहुत बार आता है सुनना नो no ग्रोथ का मतलब है कि पीओ इज इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी अब सर आप इधर डी वन क्यों नहीं लिख रहे जब ग्रोथ ही नहीं है तो डी जीरो और डी वन सेम ही होगा बेटा आप पहले तो गॉर्डन जी का फॉर्मूला याद कर लो पहले तो आप गॉर्डन अंकल का फॉर्मूला याद कर लो क्या फॉर्मूला है इनके लिए गॉर्डन के प्राइस का फार्मूला याद कर लो वो क्या बोलते थे बहुत ध्यान से पढ़ना डी वन अपॉन के ई माइनस जी यह याद रखना सौ परसेंट अगर अगर ग्रोथ ही नहीं है बेसिकली डी जीरो वन प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी अगर मैं कहूं ग्रोथ ही नहीं है ग्रोथ ही नहीं है ग्रोथ जीरो है तो ज, अगर ग्रोथ जीरो है तो ये चीज जीरो हो गई तो फार्मूला क्या बन गया फार्मूला बन गया प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के ई क्यों डी वन और डी जीरो फिर बराबर ही होंगे जब ग्रोथ ही नहीं है तो तो फॉर्मूला बन गया डी वन डी अपॉन के परपेचुअली वाला ठीक है ना अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो ये वाला फॉर्मूला जो आप अब तक यूज करते आए हो अगर चेंजिंग ग्रोथ है मान लो वो कहे कि तीन साल अलग ग्रोथ है उसके बाद चेंजिंग ग्रोथ है तो तीन साल के लिए तो अलग से आंसर निकालो उनको प्रेजेंट वैल्यू निकालो और जब कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगी मतलब वो बोलता है तीन साल तक अलग ग्रोथ है उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है तो उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला लगा दो जैसे देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से आराम से समझो क्वेश्चन ने हमें डी जीरो दे रखा है फिर वो कहता है पहले तीन साल दस परसेंट दस परसेंट दस परसेंट की ग्रोथ है उसके बाद पाँच परसेंट की ग्रोथ है फॉर एवर कॉन्स्टेंट ग्रोथ चालू हो गई मतलब इसके बाद कॉन्स्टेंट ग्रोथ चालू हो गई इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाद कॉन्स्टेंट ग्रोथ चालू हो गई क्लियर है आप सुनिए तो आप पहले क्या करो पहले आप डी जीरो में टेन परसेंट ग्रोथ लगाओ डी वन निकालो फिर डी वन में टेन परसेंट ग्रोथ लगाओ डी टू निकालो फिर इसमें टेन परसेंट ग्रोथ निकालो डी थ्री निकालो आई होप डी वन डी टू डी थ्री तो ईजिली समझ आ जाएगा अगर आपको डी जीरो पता है भई अगर शुरू में दो रुपये का डिविडेंड था दो रुपये में दस परसेंट ऐड करो टू पॉइंट टू आ गया फिर उसमें टेन परसेंट ऐड करो टू पॉइंट फोर टू आ गया फिर उसमें टेन परसेंट ऐड करो ऐसे करते जाओ तो अगले अगले साल का डिविडेंड निकालते जाओ ठीक है, जा। है।, है।, तो निकालते जाओ है जी अब इसके बाद तीसरा डिविडेंड देने के बाद फॉर एवर के लिए ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट हो गया फॉर एवर कॉन्स्टेंट हो गया ग्रोथ रेट यानी इसके बाद ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट हो गया है कॉन्स्टेंट होने का मतलब होता है सेम हो गया इसके बाद इसके बाद ग्रोथ रेट हमारा कॉन्स्टेंट हो गया है कॉन्स्टेंट होने का मतलब सेम हो गया इसके बाद तो आप क्या करोगे अब आप इसमें कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दो यानी इसके बाद एक साल बाद का डिविडेंड निकालो पाँच परसेंट ग्रोथ के साथ तो D3 में पाँच परसेंट ग्रोथ ऐड करो तो D4 निकालो बेसिकली D4 निकालो क्योंकि अब हम यहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये अब जो थर्ड ईयर का एंड है वो जीरो पीरियड है एक तरीके से तो उसके एक साल आगे का डिविडेंड निकालो तो डी निकालो तो आपने डी निकाला और के ई माइनस डी कर दिया उसे फिर उसे के ई माइनस डी कर दिया तो और उससे जो वैल्यू निकली वो यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू होगी मतलब बेसिकली थर्ड ईयर के एंड की वैल्यू निकलेगी तो उसे P3 बोलेंगे P3 मतलब प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर निकला क्यों आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का तो डिविडेंड ले लिया और फोर्थ ईयर से क्योंकि सब कुछ सेम चल रहा है तो फोर्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो बेसिकली पी थ्री निकाल ली पी थ्री बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में निकाल बेसिकली एंड ऑफ थर्ड ईयर में निकाली पी थ्री मतलब बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर एंड ऑफ द थर्ड ईयर तो आपने डी फोर को यूज किया माइनस जी करा अब इसमें ध्यान रखना कि जब इधर ग्रोथ नई वाली यूज होगी नई वाली ग्रोथ यानी चार परसेंट वाली पांच परसेंट वाली ग्रोथ यूज होगी दस वाली नहीं यूज़ होगी तो पांच परसेंट वाली ग्रोथ यूज़ करिए इधर इससे हमने पी थ्री निकाल दिया अब हमें क्या मिलेगा फर्स्ट ईयर डी वन मिलेगा सेकेंड ईयर डी टू मिलेगा थर्ड ईयर डी थ्री प्लस पी थ्री दोनों मिलेंगे तो पहले ईयर डी वन मिला अगला ईयर डी टू मिला थर्ड ईयर में डी थ्री प्लस पी थ्री दोनों मिलेंगे और फिर इन सबको डिस्काउंट कर दिया एक साल इसे दो साल और इसे तीन साल डिस्काउंटिंग कर और प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ये हमारी आज की वैल्यू है शेयर की ये हमारी शेयर की आज की वैल्यू है बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा बोली बेटे बातें समझ आई हमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ताकि हमें आज इसका मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा डोंट वरी इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है ना लो, देख लो ये प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है इसे देख लो प्रैक्टिस शीट का थर्ड क्वेश्चन है ध्यान देना रीड करवा दूं आइए जरा एक बड़ी प्रैक्टिस शीट पे आइए डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में ये देखो प्रैक्टिस शीट का थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा वो ये कहता है ए एंड आर लिमिटेड इज अ लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी वो हमें कहता है कि ए एंड आर एक लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी है लिस्टेड इन बी एस सी इन इंडिया विद अ फेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड शेयर फेस वैल्यू हंड्रेड है the company is expected to grow at 15% for the next 4 years and then 5% for indefinite period. मतलब पहले 4 साल 15% 15% 15% ग्रोथ आएगी फिर उसके बाद 5% forever आएगी the shareholder expect 20% return on their investment यानी आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी केई यानी 20% है कंपनी पेड 120 as dividend per share in the financial year this तो ये d0 है ये ऑलरेडी हम दे चुके हैं ये d0 दे रखा है द शेयर ऑफ द कंपनी ट्रेडेड ऑन एन एवरेज अब इतने का ट्रेड हो रहा है लास्ट डे पे यानी ये बेसिकली उसने मार्केट प्राइस दे रखा लेकिन हमें तो इंट्रेंसिक वैल्यू डिराइव करनी है हमें बेसिकली अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करना है कितना होगा फिर देखना है कि ओवर प्राइज है कि अंडर प्राइज है ठीक है जी तो आइए जरा मेरे साथ क्वेश्चन पे आइए हम अब तक ध्यान दीजिएगा एक सौ का डिविडेंड पहले दे चुके थे फिर पहले चार साल तक पंद्रह पंद्रह की ग्रोथ आएगी पहले चार साल पंद्रह पंद्रह की ग्रोथ आएगी तो इस पर पंद्रह परसेंट की ग्रोथ लगाई फिर इस पर पंद्रह परसेंट की ग्रोथ लगाई फिर इस पर पंद्रह परसेंट की ग्रोथ लगाई फिर इस पर भी पंद्रह परसेंट की ग्रोथ लगाई ये कैलकुलेशन यहाँ दिखा दी मैंने यानी वन ट्वेंटी पे पंद्रह परसेंट ग्रोथ फिर वन थर्टी एट पर पंद्रह परसेंट ग्रोथ फिर वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन पे पंद्रह परसेंट ग्रोथ ये वन एटी टू पे पंद्रह परसेंट ग्रोथ तो हमें फर्स्ट ईयर का डिविडेंड सेकंड ईयर का डिविडेंड थर्ड ईयर का डिविडेंड फोर्थ ईयर का डिविडेंड चारों ईयर्स के डिविडेंड पता है इन्हें डिस्काउंट करना है ठीक है जी ठीक है जी बोलिए इतनी बातें क्लियर है अब देखिए बेटा ये तो बात हुई चारों डिविडेंड्स की लेकिन अब इसके बाद डिविडेंड का रेट कम हो रहा है मतलब पहले तो पंद्रह परसेंट ग्रोथ थी बेटा चार साल तक उसने कहा है कि पहले चार साल तो पंद्रह परसेंट ग्रोथ है लेकिन उसके बाद डिविडेंड की ग्रोथ पांच परसेंट फॉर एवर हो जाएगी यानी इसके बाद इस पॉइंट के बाद यहां भूल जाओ इतना क्वेश्चन भूल जाओ इतने क्वेश्चन को भूल जाओ इतने क्वेश्चन के बाद वो कहता है कि अब कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो बेसिकली यहाँ के बाद से कॉन्स्टेंट ग्रोथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो कॉन्सटेंट ग्रोथ के क्वेश्चन में क्या करते हैं जो अब यहाँ यहाँ के बाद स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला जो डिविडेंड है एक तरीके से जीरो पीरियड हो गया तो आप एक साल बाद का डिविडेंड निकालिए तो आप पाँच परसेंट की ग्रोथ लगाइए यानी डी फाइव निकालिए बेटा अगर मुझे पी फोर निकालना है तो मुझे पी फोर के लिए डी फाइव चाहिए होगा क्योंकि जब हम पी जीरो निकालते हैं तो हम डी वन रखते हैं सामने एक साल बाद का डिविडेंड रखते हैं तो अगर मुझे यहाँ पर प्राइज़ निकालना है पी फोर तो मुझे डी फाइव चाहिए तो मुझे डी फाइव चाहिए तो मैं इस डिविडेंड पे पाँच परसेंट की ग्रोथ लगाऊंगा डी फोर पर चार पाँच परसेंट की ग्रोथ लगाई ये आया डी फाइव तो डी फाइव को न्यूनेटर में रखा के ई माइनस जी के ई हमें पता थी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ट्वेंटी परसेंट थी ग्रोथ अब पाँच परसेंट है तो ये जो प्राइज़ निकलेगा पी फोर वो यहाँ का प्राइज़ निकला है डी फोर के बाद तो इतने का प्राइज है लेकिन ये अभी का प्राइज़ नहीं बेटा ये तो एंड का प्राइज़ है तो अब हमें चार चीज़ें पता है कौन कौन सी फर्स्ट ईयर का डिविडेंड सेकंड ईयर का डिविडेंड थर्ड ईयर का डिविडेंड फोर्थ ईयर में डिविडेंड प्लस प्राइस दोनों पता है डिविडेंड और प्राइस दोनों पता है डिविडेंड भी पता है प्राइस बस अब इन सबको डिस्काउंट कर दो शेयर होल्डर की उम्मीद पे तो बेसिकली अब आपने फर्स्ट ईयर के डिविडेंड को भी शेयर होल्डर की उम्मीद पर डिस्काउंट कर दिया ठीक है जी सेकेंड ईयर के डिविडेंड को भी डिस्काउंट कर दिया थर्ड ईयर के डिविडेंड को भी डिस्काउंट कर दिया फोर्थ ईयर के डिविडेंड और प्राइस को भी डिस्काउंट कर दिया इन सबको ऐड करके इंटेंसिक वैल्यू आ गई ये थोड़ा बच्चों को टफ लगता है बट मॉड्यूल ऐसे ही दिखाता है बट इसकी जगह आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो टेबल भी बना दो वो भी आसान है कोई दिक्कत नहीं है देखो टेबल में क्या होता है हमने फर्स्ट ईयर का डिविडेंड निकाला डिविडेंड को डिस्काउंट करा सेकेंड ईयर का डिविडेंड निकाला उसे डिस्काउंट करा थर्ड ईयर का डिविडेंड निकाला उसे डिस्काउंट करा फोर्थ ईयर का डिविडेंड निकाला उसे डिस्काउंट करा फिर फोर्थ ईयर के एंड में शेयर प्राइस को भी निकाला बेसिकली वो भी पी फोर है ना क्योंकि तो जो उसका प्राइस आया उसे भी डिस्काउंट करा फोर्थ ईयर के लिए रेट फोर्थ ईयर के लिए क्योंकि वो भी पी फोर है पी फोर मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर तो उसे भी डिस्काउंट करा और फिर इन सबको ऐड करा तो ये हमारे शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू है यानी हमारे हिसाब से हमारा शेयर इतने का होता है हमारे हिसाब से हमारा शेयर इतने का बनता है ठीक है वन वन फोर ज़ीरो का लेकिन मार्केट में कितना चल रहा है मार्केट में चल रहा है थर्टी वन ट्वेंटी टू मार्केट में बहुत हाई प्राइस है और हमारे हिसाब से कम प्राइस है तो शेयर हाईली ओवर प्राइज इन द मार्केट है हाईली ओवर प्राइज शेयर मार्केट में क्वेश्चन को देखो ना क्वेश्चन ने बोला था कि मार्केट में बिक रहा है थ्री वन टू टू का तो बताओ ओवर प्राइज है कि अंडर प्राइज है ये पूछा था तो हमने बोला मार्केट में इतने का बिक रहा है हमारे हिसाब से वन वन फोर जीरो का होना चाहिए तो हमारे हिसाब से शेयर मार्केट में ओवर प्राइज बिक रहा है हमारे हिसाब से शेयर मार्केट में ओवर प्राइज होकर बिक रहा है मतलब महंगे में बिक रहा है ओके ये अकेला क्वेश्चन ही बहुत कुछ समझाता है बहुत कुछ समझाता है ये एक क्वेश्चन ही और ये स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है बट मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा ठीक है अब आती है अगली अप्रोच देखो हम क्या पढ़ रहे हैं मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा हम पढ़ रहे हैं डिविडेंट की थ्योरी डिविडेंट की थ्योरी होती है दो तरह की एक वॉल्टर और गॉर्डन ने लिखी थी जो थी रेलिवेंस थ्योरी और एक थी इरेलीवेंस थ्योरी जो मिस्टर एमएम ने बताई थी मोदी गिलानी मिलर ने है ना आइए हम अब इनकी इरेलीवेंस थ्योरी के बारे में बात करते हैं इसमें कुछ थ्योरी का पार्ट मोदी गिलियानी एंड मोदी गिलानी ने भी लिखा है वो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर ने मिलकर है ना डिडेंट इलिवेंस थ्योरी अगली थ्योरी कौन सी डिविडेंट की इिवेंस थ्योरी समझो अब आते हैं एमएम जी एम एम कहता है भाई देखो डिविडेंट दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता यानी वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल ऑफ द फर्म नॉट ऑन द डिविडेंट वे पे आउट आप कितना डिविडेंट दे रहे हो उससे मैटर नहीं करता पोटेंशियल क्या है कंपनी का वो मैटर करता है तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट ऑन अर्निंग पावर नॉट ऑन डिविडेंट साइज ऐसा कहते थे एमएम MM, मैं नहीं कहता एम जी कहते थे उन्होंने कहा शेयर का प्राइस डिपेंड करता है पी वन प्लस डी वन अपॉन वन प्लस के ई पे यानी बेसिकली वो ये कहते थे कि देखो अगर आज शेयर का प्राइस पी ज़ीरो है तो ये पता है किन दो बातों पे निर्भर करता है कि एक साल बाद शेयर का प्राइस कितना होगा और डिविडेंड कितना होगा और उन दोनों को डिस्काउंट कर दो तो शेयर का एक साल बाद का प्राइस और डिविडेंड कितना मिलेगा उस टोटल वैल्यू को डिस्काउंट कर दो के ई के रेट से तो आप आज की वैल्यू पे आ जाओगे ऐसा एम एम जी कहते थे ठीक है ना एज पर एम एम वैल्यू ऑफ द फर्म डज नॉट चेंज चाहे आप डिविडेंड दो या ना दो तो वैल्यू ऑफ फर्म ओरिजिनली शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म फाइनली वो ये कहते थे कि वैल्यू ऑफ फर्म जितनी आपकी शुरू में थी उतनी ही बाद में भी रहेगी मतलब जितनी जीरो पीरियड पे थी उतनी ही एंड में भी रहेगी तो देखो ये फार्मूला ध्यान से समझना थोड़ा टफ फार्मूला है कम बारी एग्जाम में पूछा गया बट करा देना चाहिए मुझे अगर आपका शेयर के शुरू में नंबर कितने थे शुरू में आपके पास एक लाख शेयर्स थे तो नंबर ऑफ़ शेयर ओरिजिनली शुरू में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड विद प्राइस ऑफ द शेयर इन द बिगिनिंग देखो एक बात समझो हमारे पास शुरू में एक लाख शेयर्स थे और एक शेयर बीस रुपये का था तो हमारी कंपनी की वर्थ थी उस वक्त बीस लाख क्या अग्री करते हो आप हमारे पास ईयर की शुरुआत में एक लाख शेयर थे बीस रुपये का एक शेयर था तो हमारी कंपनी की वर्थ थी बीस लाख रुपये हमारी कंपनी की वर्थ उस वक्त शुरुआत में बीस लाख रुपए थी अग्री या अग्री। जल्दी बता दो अग्री या ठीक है 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 तो ये कहता है, ये कहता अप्रोच बोलती है कि एंड में भी शेयर की वैल्यू उतनी ही रहेगी कैसे अब अगर आपके पास ओरिजिनल शेयर थे एक लाख मान लो आपने नए शेयर इशू करे जितने भी पांच हजार दो हजार तीन हजार जितने भी नए शेयर इशू करें वो है डेल्टा एन तो ये थे पुराने शेयर ये थे नए शेयर तो ये टोटल शेयर हो गए अब इंटू करो नए प्राइस से टोटल शेयर इन टू नया प्राइस टोटल शेयर इंटू नया प्राइस अब इसमें से ना इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो जितना भी पैसा आपने खर्च कर दिया इन्वेस्ट कर दिया वो माइनस कर दो जितने पैसे आपने कमाए वो ऐड कर दो क्योंकि भाई आपने इस एक साल में देखो ये ईयर की बिगिनिंग है ये ईयर का एंड है मेरी बात को समझना ये हम ईयर के एंड की बात कर रहे हैं कि ईयर के एंड में अब आपके पास टोटल शेयर कितने हैं पुराने वाले प्लस नए वाले मिलाकर उसका प्राइस अब कितना है ईयर के एंड में और ईयर के एंड में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी वो पैसा चला गया होगा जो आपने अर्निंग कमाई वो पैसा आ गया होगा तो ये अब आपके पास एक साल के अंत में पड़ा हुआ पैसा है एक साल बाद आपकी शेयर्स की क्या वैल्यू है ये वो है बट क्योंकि ये जीरो पीरियड का है और ये एक साल बाद का है तो क्या इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं नहीं तो इसे डिस्काउंट करना पड़ेगा एक साल बाद वाली वैल्यू को डिस्काउंट करना पड़ेगा तो आप इस एक साल बाद वाली वैल्यू को डिस्काउंट कर दो वन प्लस के ही से ताकि ये इसके बराबर आ जाए बोली मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा यानी ये एक साल बाद की वैल्यू है हमारी हमारी इक्विटी की और उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू के बराबर रख दिया बस इतनी सी बात थी यही है बेटा फार्मूला असलियत में फार्मूला यही है ठीक है ना कई किताबों में आपको एन वन लिखा हुआ दिखेगा एन वन का मतलब क्या होता है पुराने शेयर प्लस चेंज इन शेयर मिलाकर एन वन बन जाता है बेसिकली ओरिजिनल शेयर्स प्लस चेंज इन शेयर्स मिलाकर एन वन बन जाता है न्यू शेयर्स तो कुछ लोग इसे एन वन इंटू पी वन भी लिखते हैं वो एक ही बात है एन वन का मतलब पुराने शेयर कितने थे नए शेयर कितने आए ऐड कर दो तो ग्रह डॉट मॉडल इंटर मॉडल दोनों अब ये ग्रह डॉट क्या कहता था ये तो पागलों वाले मॉडल थे ग्रह डॉट कहता था सुनो कि शेयर का प्राइस डिपेंडेंट किस पे है डिविडेंड पे और वन बाय थर्ड ऑफ अर्निंग पे ग्रह डॉट कहता था कि शेयर का प्राइस डिपेंडेंट है डिविडेंड पे प्लस अर्निंग डिवाइड बाय थ्री अर्निंग के वन थर्ड पर इंटू एम एम मतलब कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो क्वेश्चन में दिया होगा टू थ्री फोर फाइव मतलब कितने गुना वो दिया होगा लिंटर और भी पागल था वो कहता था कि शेयर का क्लोजिंग डिविडेंट डिपेंडेंट है ओपनिंग डिविडेंट पे प्लस आपने कितना अर्निंग करी उसमें से पे आउट आपका कितना है कितना आप पे आउट करोगे माइनस आपने डिविडेंट पहले कितना दिया है बेसिकली इतना डिविडेंट आप देने वाले हो इतना डिविडेंड आप दे चुके हो इंटू ए एफ इसमें आप ये बोलता है कि आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है उसे आप ले लो उस ईयर की कंडीशन के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे ये दोनों बेकार के फॉर्मले हैं मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आने चाहिए मैं एक आधा क्वेश्चन आपको इस मॉडल पे कराना चाहता हूँ क्या आप करना चाहोगे मेरे साथ क्वेश्चन वुड यू वॉन्ट टू डू वन क्वेश्चन ऑफ एम आइए मैं एक आधा क्वेश्चन एम mm अप्रोच से आपको कराता हूँ ये प्रैक्टिस शीट के आंसर्स हैं जो हमने इस क्लास में सॉल्व किए हुए हैं ये आपकी क्लास वाली ही फाइल है बेटा एक ये वाला देख लो अच्छा क्वेश्चन है देखना चाहोगे ये 2021 की नवंबर की आरटीपी का क्वेश्चन है ठीक है ना सुनो समझ लो समझ लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए अब देख रहे हो कितने बच्चे बचे हैं एंड में कितने वीर बन रहे थे कितने वीर बने थे शुरू में याद थे कितने वीर आए थे कि भैया हम क्वेश्चन कर देंगे हम पूरा पढ़ेंगे सर जी हम तो एंड तक बैठेंगे अब एक बार बताना जरा एक बार अब करना जरा वोटिंग एक बार अब लास्ट टाइम करा रहा हूँ इसके बाद नहीं कराऊंगा ज़्यादा नहीं दान करूंगा एक बार आखिरी में वोटिंग कर दो अपना नाम और सिटी का नाम लिख दो जो शुरू से बैठे वो देखो टीचर के साथ बैठने से पता है क्या होता है रिवीजन हो जाती है आप ना थोड़ा सा रिदम बन जाती है वरना रिदम नहीं बनती है। आकांक्षा भी साथ से बैठी है शुरू से बैठी है तो मुझे दिख रही है वेरी गुड ओजस भी बैठे न्यू दिल्ली से वेरी गुड अशरफ भिलाई छत्तीसगढ़ से क्या बात है बहुत बढ़िया खुशी गाजियाबाद वेरी गुड बहुत ही बढ़िया नवदीप देहरादून से क्या बात है आई होप नवदीप आपको पता है कि हमारा भी एक घर है देहरादून में हम आते हैं कभी कभी मारे नहीं आइए समझते हैं ज़रा इस बात को अच्छे से समझते हैं थोड़ी ना भारी क्वेश्चन है लेकिन पढ़ते हैं सुनिए आकाश लिमिटेड हैज टेन लैक इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ध्यान दीजिएगा अच्छे से यानी आपके पास शुरुआत में नंबर ऑफ शेयर्स थे दस लाख आउटस्टैंडिंग यानी मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स एंड जो थे स्टार्टिंग में वो दस लाख थे द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस द शेयर इज वन फिफ्टी तो जो पी जीरो है पी जीरो एग्जिस्टिंग प्राइस स्टार्टिंग में वन फिफ्टी है एक्सपेक्टेड डिविडेंट आठ रुपए ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क टेन परसेंट तो के ई टेन परसेंट है हमारी, तो हमारी के 10%. क्या ये सारी आपको समझ आ गई और डिविडेंट का रेट आठ परसेंट डिविडेंट आठ रुपए का देंगे हम ठीक है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर वेन द एक्सपेक्टेड डिविडेंट आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट डर तो दो बार करना है कि अगर आप डिविडेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो दोनों एम एम के अप्रोच से उसने बोला एम MM एम के मॉडल से करना डिविडेंट देंगे या नहीं देंगे देखो एम MM एम कहता था डिविडेंट दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता एम MM एम भाई क्या कहते थे याद है चलो देखते हैं देखो अगर आप प्राइस निकालना चाहते हो पी वन अपॉन डी वन अपॉन वन प्लस के ही से कि ईयर के एंड में कितना प्राइस होगा ये जानना चाहते हैं अगर डिविडेंड आठ रुपये का देंगे अभी का प्राइस है वन फिफ्टी और वन प्लस के ई वन प्लस के ई मतलब वन प्लस टेन परसेंट तो इसे सॉल्व करो तो ईयर एंड का प्राइस आ गया वन फिफ्टी सेवन अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे ध्यान दो अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो डिविडेंड नहीं दोगे तो ये जीरो हो जाएगा तो आपका ईयर एंड का डिविडेंड का प्राइस आ जाएगा वन सिक्सटी फाइव अब आप मुझे बोलोगे अब आप मुझे बोलो लड़ो मुझसे मुझसे लड़ो जो समझदार बच्चे हैं मुझसे लड़ना चाहिए उन्हें उन्हें ये कहना चाहिए कि सर ये गलत आ गया सर आप तो कह रहे थे कि एमएम कहता है कि डिविडेंड का प्राइस कि शेयर का प्राइस चेंज नहीं होगा ये तो शेयर का प्राइस चेंज हो रहा है अगर आप डिविडेंड देते हो तो शेयर प्राइस कुछ और आ रहा है शेयर डिविडेंड नहीं देते हो तो शेयर प्राइस कुछ और आ रहा है नहीं मैंने प्राइस की जगह वैल्यू लिखवाया था वैल्यू का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर के पास कितनी वर्थ है एक बात बताओ यहाँ पर आपको डिविडेंड मिला है ज़ीरो तो आपका पी वन प्लस डी वन कितना आएगा वन सिक्सटी फाइव प्लस जीरो यानी आपकी टोटल वर्थ है वन सिक्सटी फाइव और यहाँ पर भी शेयर होल्डर की टोटल वर्थ वन सिक्सटी फाइव होगी क्यों क्योंकि आपको वन फिफ्टी सेवन का शेयर है आपके पास और आठ रुपये का डिविडेंड आपकी जेब में है तो आपकी टोटल वर्थ अभी भी वन सिक्सटी फाइव है तो टोटल वर्थ जो शेयर होल्डर की है वो बराबर रहेगी दोनों केसेस के में फ़र्क यह है कि यहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो शेयर की ही वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पर आपको शेयर की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी और उतने रुपये आपकी जेब में डाल दिए तो आपके पास तो आ गए ना आठ ठीक है जी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्या बात समझ आई बहुत बढ़िया मुझे तो बड़ा आनंद आया इसमें आगे देखते हैं तो यह बात क्लियर है अगला देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑफ द द द द शेयर्स टू बी इशूड बाय कंपनी एट एंड अकाउंटिंग ईयर हमसे बोल रहा है कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें तो बेसिकली हमसे वो डेल्टा एन जानना चाहता है ना ऑन द दैट द नेक्स्ट इनकम ऑफ द ईयर इज थ्री करोड़ अगले साल हम तीन करोड़ कमाने वाले हैं अर्निंग्स तो ये हमें अर्निंग्स पता लग गई अब आपको फॉर्मूला वाला याद आ रहा है और इन्वेस्टमेंट है सिक्स करोड़ का एक बार फॉर्मूला याद करो क्या था मैं एक बार फार्मूला लिख के दिखाऊँ क्या था देखो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स जो जीरो पीरियड पे थे इनटू ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल शेयर्स प्लस चेंज इन शेयर्स इनटू न्यू प्राइस, प्राइस माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग और इसे डिस्काउंट करो तो ये बराबर होना चाहिए ऐसा कहा था केई ने ऐसा कहा था एम ने कितने लोगों को याद है ये हैम ने कहा था बस इस फॉर्मूला में पुट करना है ठीक है ना ये वाला फार्मूला इसे निकालना है इस बारी इसे निकालना है ये निकालना है मतलब बेसिकली हमें ये निकालना है कि चेंज इन शेयर कितना है कितने नए शेयर इशू करने हैं ये पता लगाना है अब हमें ठीक है सुनो मेरी बात देखिए जरा ध्यान से वो कहता है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं अगर डिविड डिक्लेयर किए दोनों केस में बताओ डिविडेंड डिक्लेयर किए डिविडेंड डयर नहीं किए दोनों केस में तो देखो पहले हम ये देखते हैं जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए अगर आप डिविडेंड डयर नहीं करोगे तो ध्यान से समझना आपकी इन्वेस्टमेंट थी छः करोड़ की ठीक है आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी छः करोड़ आपके पास अर्निंग कितनी थी आपके पास अर्निंग थी तीन करोड़ जिसमें से आपने डिविडेंड दे दिया होगा अस्सी लाख रुपये का डिविडेंड भी तो दोगे ना जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो टू करोड़ ट्वेंटी लाख की तो अर्निंग थी तो आपको एडिशनल फंड्स कितने चाहिए थ्री करोड़ एट्टी लाख और आपका शेयर प्राइस कितना है वन फिफ्टी सेवन तो वन फिफ्टी सेवन से डिवाइड कर दो तो आपको ये एडिशनल शेयर्स आएंगे अच्छा अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते आप कह रहे हो सर मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना सर सर आई डोंट वॉन्ट टू अप्लाई माई ब्रेन एट ऑल नहीं तो ये कैसे आएगा बेटा अगर आप अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो सिंपल इससे भी डिराइव हो जाएगा आपका आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो इससे भी आपके पास ये आंसर निकल आएगा पुट कर लो सब कुछ और निकाल लो आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स होने चाहिए क्या दिए थे क्वेश्चन में देखो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे दस लाख ओरिजिनल प्राइस था वन फिफ्टी तो आपको क्या लिखना चाहिए इधर ध्यान देना आपको लिखना चाहिए दस लाख इंटू वन फिफ्टी ठीक है ना तो यहाँ पे आएंगे दस लाख प्लस नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने चाहिए नया प्राइस था वन फिफ्टी सेवन इन्वेस्टमेंट कितने की थी आपकी इन्वेस्टमेंट शायद छः करोड़ की थी अर्निंग कितनी थी तीन करोड़ और वन वन प्लस के ही के ही कितनी थी आपके पास शेयर होल्डर की दस परसेंट देखो मैच करता है कि नहीं यानी वन पॉइंट वन आ गया तो बेसिकली कितना आ जाएगा देखो दस लाख इंटू वन फिफ्टी इंटू वन पॉइंट वन तो बेसिकली ये वाली साइड आ गई सोलह सौ पचास लाख है ना और ये कितना बचा माइनस तीन करोड़ और ये कितना है वन फाइव सेवन ज़ीरो लैख प्लस वन फिफ्टी सेवन इंटू डेल्टा इन माइनस तीन करोड़ यानी तीन सौ लाख तो ये सब उठा के दो ले जाओ तो सोलह सौ पचास माइनस पंद्रह सौ सत्तर प्लस थ्री हंड्रेड लैख इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी सेवन इंटू डेल्टा इन तो बताओ कितना हो गया इसमें से इसमें से फिफ्टीन सेवेंटी माइनस कर दो और प्लस कर दो थ्री हंड्रेड तो थ्री एट्टी लैक्स आ गया डिवाइड बाय वन फिफ्टी सेवन इज इक्वल टू डेल्टा इन तो ये आया टू फोर टू ज़ीरो थ्री एट इज इक्वल टू डेल्टा एन यानी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड शेयर इशू होंगे टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड समझ आया आपको देखो मैं तो इस अप्रोच को प्रेफर करता हूँ बट मैं क्लास में दोनों पढ़ाता हूँ मैं तो कहता हूँ बस ये एक फॉर्मूला याद कर लो सब कुछ इसमें हो जाएगा जो नहीं चाहिए सब कुछ दिया होगा कोई एक फिगर मिसिंग होगी उसे निकाल लो ठीक है जी ठीक है ना आपको जैसे अच्छा लगता है लगा लो इसमें आप सोचते हो एक एक चीज सोचते हो कि मैंने इतने इन्वेस्टमेंट करी इतना मैंने कमाया था लेकिन उसमें से डिविडेंड दे दिया था तो मेरे पास कमाई सिर्फ इतनी बची होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मेरे को इतनी इन्वेस्टमेंट और चाहिए वन फिफ्टी सेवन का शेयर प्राइस है तो इतने शेयर और बेचने पड़ेंगे ठीक है ना आप जैसे मर्जी करो आंसर मैच करेगा इसमें हमने डिविडेंड नहीं पे किया तो पूरे तीन करोड़ माइनस कर दो फिर शेयर प्राइस चेंज हो जाएगा तो इसमें एडिशनल शेयर कुछ और आएंगे आप जैसे मर्जी करो आंसर क्लियर आएगा आपका मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दी हैं आई होप कि डिविडेंड डिसीजन अब आपको काफ़ी हद तक समझ आने लग गया है इसमें बस यही दो तीन तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं मैं ईमानदारी से हूँ डिविडेंड डिसीजन सबसे आसान फ्री मार्क्स है फ्री मार्क्स हैं आपके सिर्फ तीन फॉर्मले पढ़ने हैं और कुछ पढ़ना ही नहीं पता है कौन कौन से मैं एक बार फिर से रिव्यू करायाता हूँ आपको डिविडेंड डिसीजन क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है आपके कोर्स का और बच्चे इसी को छोड़ जाते हैं पता नहीं क्यों आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है पता है कितना देखो आपको सिर्फ ये वॉल्टर मॉडल का फार्मूला आना चाहिए आपको सिर्फ गॉर्डन मॉडल का फार्मूला आना चाहिए ये वाला गॉर्डन मॉडल की तीनों अप्रोचेज आनी चाहिए और बस एम एम मॉडल का एक ये वाला सिंपल वाला फार्मूला और एक ये बड़ा वाला फार्मूला आना चाहिए बस बस इसके ऊपर कुछ नहीं आता एग्जाम में इन्हीं में से पूछता है लिख कर देख लो एक पेज पे और फिर रिवीजन जब एग्जाम हॉल में जाओगे जाने से पहले एक बार उसे एंड में देख लेना और फिर जाना एग्जाम हॉल में एंड तक देखना उस फॉर्मूला को कहते हैं सर नीचे वाला अप्रोच बता दो एक बार फिर से सेम रिमेनिंग वैल्यू कैसे लिया क्या रिमेनिंग वैल्यू अच्छा आप ये कह रहे हैं कि रिमेनिंग वैल्यू क्या है कैसे आई है वो बेटा ये देखो ना ये नहीं समझ आ रही आपको भाई मुझे छः करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरी कमाई हुई है तीन करोड़ तीन करोड़ अगर हुई है तो मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए मुझे अभी तीन करोड़ और चाहिए लेकिन यहाँ पे मेरे पास कमाई में से मैंने डिविडेंड भी तो बांट दिया है तो मेरे पास बचे ही सिर्फ दो करोड़ ट्वेंटी लाख है तो मेरे को अभी थ्री करोड़ एट्टी लाख और चाहिए तो ये डिफरेंस है भैया जब मैनुअली करते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो लेकिन जब आप फार्मूला से करते हो तो आपको कुछ नहीं सोचना होता फार्मूला अपने आप इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग फार्मूला टेक्स केयर ऑफ एवरी थिंग क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो शेयर प्राइस चेंज कर रहे हो तो वो अपने आप डिस डिविडेंड डिविडेंट सब इस फार्मूला में डिविडेंड कहीं है ही नहीं यही तो हमने MM लिखा कि डिविडेंड दो या ना दो फ़र्क नहीं पड़ेगा फार्मूला पे उस, उस उसके उसके फार्मूला से करोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा आंसर तब भी वही आएगा और अगर अपना दिमाग लगाओगे तो फिर अलग आंसर है मतलब आंसर सेम आएगा बट अप्रोच आपको सोचनी पड़ेगी ठीक है जी मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया है साढ़े बारह बज गए हैं आपको सोना भी चाहिए मैं आप पाँच मिनट लेता हूँ बस आगे का प्लान बता देता हूँ फिर मैं छुट्टी कर दूँगा ठीक है ना बस मुझे फाइव मिनट्स दे दो सुनिए अब कल हम क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीज़न सुबह एक बार देख कर बताना कल का सेशन कितने बजे का स्केड्यूल हुआ है नौ का साढ़े नौ का कितने बजे का सुबह हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिर हम देखेंगे रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे ये दोनों और फिर पढ़ेंगे डब्ल्यू सी एम सिलेक्टेड सिलेक्टेड मतलब जितना मुझे लगता है एग्जाम के लिए जरूरी है नौ बजे का है सुबह तो ठीक है सुबह नौ बजे आ जाना तो डब्ल्यू सी एम सिलेक्टेड पढ़ेंगे इसमें मुझे लगता है कि मुझे चाहिए होंगे ऑलमोस्ट फोर आवर्स तो मैं फोर आवर्स में आपको ये तीन टॉपिक रिवाइज कराने वाला हूँ ठीक है अप्रोक्सीमेटली फोर आवर्स में अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए देखो बेटा अब दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं आज कैसे पढ़ना चाहिए उन्हें खुद कैसे पढ़ना चाहिए अगर तो मेरे स्टूडेंट्स हैं या सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमसे नहीं पढ़ते लेकिन वो सेल्फ स्टडी करते हैं बट हमारे वीडियो से हेल्प लेते हैं तो अगर तो आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टडी मैट पढ़ें और मेरे जो नोट्स हैं ये वाले ये पढ़ लीजिएगा मतलब नोट्स को पढ़ लीजिएगा अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी आप नोट्स पढ़ें जो मैंने क्लास में लिखवा रखें ठीक है ना और हमारी बुक से रिव्यू कर लो बुक के क्लास वर्क रिव्यू कर लो और अगर समय बचता है तो प्रैक्टिस शीट के भी क्लास वर्क रिव्यू कर लो जो जो मैंने क्लास में करा रखे खाली वर्क रिव्यू करना आपके लिए ये सफिशियंट है स्टडी मैट हाथ नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा क्योंकि स्टडी मैट हमने कवर कर रखा है ठीक है अगर आपके पास थ्योरी का लिंक नहीं है तो मेरे को मैं थ्योरी का लिंक शेयर कर दूंगा कल वैसे थ्योरी आप ढूंढोगे मेरा नाम टाइप करो थ्योरी टाइप करो तो मिल जाएगा आपको ईको के लिए मेरी मैराथन है वो सभी केसेस में ईको की मैराथन मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले ली थी वो आप देख लीजिए प्लस उसी के साथ एक न्यूमेरिकल की दो घंटे की क्लास है वो टू एक्स पे देख लेना इको की मैराथन शायद सिक्स आवर्स की है वो भी टू एक्स पे देख लेना थ्री आवर्स में हो जाएगी और न्यूमेरिकल भी मेरी ख्याल से टू आवर्स की है उसे भी टू पे देख लेना वन आवर में हो जाएगी मतलब पाँच घंटे में ईको प्रिपेयर हो सकती है आपकी अगर आप ईको की मैराथन और न्यूमेरिकल्स की मैराथन देख लें ठीक है ना और एफ की थ्योरी अगर आपको पास समय बचता है तो देख लेना एफ की थ्योरी मेरा नाम टाइप करो एफ थ्योरी लिखो आपको वीडियो मिल जाएगी दो तीन घंटे की दो ढाई घंटे की वीडियो है वो पढ़ लेना बट मुझे लगता नहीं कि उतना समय आपके पास बचेगा ठीक है जी देखो मैं एक बात बोलता हूँ अगर आपकी एफएम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस ऑफ पासिंग और बढ़ जाते हैं अभी रात को मेरे हिसाब से आपको जितना मैंने पढ़ा है वो पढ़ लो और आपके पास आपको लग रहा है अभी एनर्जी बची है सुबह नौ बजे से पहले आपके पास समय होगा तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख लेना ईको की ईको की न्यूमेरिकल वाली न्यूमेरिकल वाली, वाली वीडियो देख लेना ठीक है एक मिनट रुको मैं ना आपको अभी के अभी एक बार बताता हूँ कि लिंक एडिड है या नहीं है हाँ बेटा ईको की जो न्यूमेरिकल रिवीजन है ना जो जो मैंने आज शाम को पाँच बजे वीडियो डाली थी उसमें अगर आप देखो तो ईको की न्यूमेरिकल रिवीज़न के नाम से जो वीडियो है उसको देख लो दो घंटे की वीडियो है वो बहुत बढ़िया वीडियो है उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल दो घंटा दो घंटे अठारह मिनट की वीडियो है वो देख कर आना अगर समय बचता है आपके पास वो बारह मार्क्स देती है वो अकेली वीडियो दो घंटे की वीडियो बारह मार्क्स दे देती है ट्वेल्व मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं ट्वेल्व मार्क्स वो पढ़ लेना अगर ऐसे लग रहा है ना कि सुबह नौ बजे से पहले क्या पढ़े तो वो पढ़ लेना बहुत अच्छा हो जाएगा इधर एफएम खत्म होगी उधर से इको की न्यूमेरिकल खत्म हो गए सत्तर मार्क का कोर्स खत्म हो जाएगा कल दोपहर तक फिर तीस मार्क का बचा होगा इको की थ्योरी वो देख लेना फिर देखो मतलब मैं और तो कुछ नहीं कह सकता ना आपको बाकी तो डिसीजन आपने लेना है मैंने तो लेना नहीं है ये मेरी एडवाइस है बस आप फॉलो करें तो अच्छी बात है नहीं फॉलो करें तो अपना आपका उससे बेटर प्लान है तो वो आप कर लो बहुत बहुत सारा प्यार आप सबको देखो बेटा अब कुछ बच्चे लॉन्ग सेशन को भी कंडेम करते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता बट तो मैं एज अ टीचर एज अ फैकल्टी आपके साथ बैठ सकता हूँ आपको हेल्प कर सकता हूँ आपको पढ़ा सकता हूँ अपनी एनर्जी दे सकता हूँ आपको है ना दैट्स द बेस्ट आई कैन गिव यू आप अच्छे से पढ़िए मेरा प्यार मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है बहुत सारी ठीक है ना लव यू ऑल बहुत बहुत सारा अपना ध्यान रखो टेक केयर बाय कल सुबह मिलेंगे नौ बजे